हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और बहुत मज़ेदार बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विद्युत धारा या धारा विद्युत आगे के फिजिक्स के लिए क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में फिजिक्स में जो हमारा कंटेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे पूरा करेंट ही पढ़ा जाएगा विद्युत धारा देखिए इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूं करंट के बारे में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि विद्युत धारा में हम पढ़ते क्या हैं अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थिर वैद्युत या जिसको हम इलेक्ट्रो कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो हमने वाटर को डैम में स्टोर कर लिया जनरली जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो डैम और कैनाल में फ्लो होने वाले वाटर का एग्ज़ाम्पल जनरली देता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या विजिबल नहीं है मतलब वो क्या है हम उसको देख नहीं पाते देख नहीं पाते तो चीज़ों को समझने के लिए हमको इमेजिन करना पड़ता है हमको उसकी कल्पना करनी पड़ती है लेकिन कोई भौतिक वस्तु है जो मैकेनिकल फार्म में हम उसको देख पाते हैं पानी को बहता हुआ हम देख पाते हैं तो हमको दिखता है इसमें पानी फ्लो हो रहा है लेकिन यदि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो तो उसको आप नहीं देख पाते तो वहाँ पर हमारा इमेजिनेशन काम आता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट का इमेजिनेशन कैपेसिटी उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए तो वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझता है और हम कोशिश करते हैं कि आप उस लेवल तक आप इमेजिन कर सको जैसा हम चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा था कि मान लो डैम में वाटर स्टोर है और डैम के गेट को जैसे हम ओपन करते हैं तो डैम का जो वाटर है वह वा केनाल पर फ्लो होने लगता है ये आप सबको पता है इस तरह से डैम के वाटर का केनाल में फ्लो होना यहाँ पर मैं उसको कैसे कोरिलेट करा रहा हूँ कि मान लो हमने किसी प्रोसेस से फ्रिक्शन के द्वारा घर्षण के द्वारा किसी प्रकार से मान लो हमने आवेश उत्पन्न किया तो अभी वह आवेश एक जगह स्टोर है एक जगह उत्पन्न हुआ है अब यदि हम उस आवेश को किसी चालक तार की सहायता से हम उसको फ्लो कराने लगे तो वो क्या कहलाता है धारा विद्युत कहलाता धारा कहलाता है मतलब चार्ज का फ्लो होना ही क्या है करंट है सीधी सी बात है जैसे पानी का फ्लो होना वैसी आवेश का फ्लो होना तो आवेश का बहना चालक तार की सहायता से आवेश का बहना ही क्या है धारा है अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जनरली बुक्स में आप पढ़ो तो सीधा धारा की परिभाषा से आपको राइटर पढ़ाना शुरू किए रहते हैं लेकिन यहाँ पर उससे पहले भी हमको बहुत से चीज़ों को समझना है वो क्या है देखो तो पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है विद्युत वाहक बल थोड़ा आप ध्यान से समझना है इसको जनरली मैंने कई बार देखा है कि बुक्स में भी या स्टूडेंट सीधा धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की धार को धारा कहते हैं ऐसा पढ़ाई शुरू कर दिया ऐसा नहीं आपको धारा को समझने से पहले कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बेसिक चीजों पर डिस्कस करना होता है तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे देखो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि डैम में जो वाटर था डैम में जो वाटर था हमने डैम दे, के गेट को ओपन किया और वाटर अपने आप केनाल में फ्लो होने लगा इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई ऊर्जा रही होगी क्योंकि बिना फोर्स लगाए बिना एनर्जी के तो वर्क हो नहीं सकता तो डैम के वाटर के पास क्या था पोटेंशियल एनर्जी था क्योंकि डैम को हम हाइट में बनाते हैं चूँकि डैम को हम हाइट में बनाते हैं वो ऊंचाई पर होता है तो उसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स उसके पास स्थिति ऊर्जा होता है और जैसे ही हम गेट को ओपन करते हैं तो वह पानी का जो स्थिति ऊर्जा है वह गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है वह कैनाल में फ्लो होने लगता है ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह से वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी में भी तो कोई चीज़ होता होगा इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई चीज़ होता होगा जो उसको फ्लो कराता होगा वही हम जानते हैं कि हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह बिना फोर्स लगाए नहीं जा सकता कोई ना कोई बल चाहिए तभी वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा तो चार्ज जब कंडक्टर में फ्लो होता है तो कोई तो होगा जो उसको फ्लो कराता होगा तो वही है विद्युत वाहक बल देखो इसका नाम से इसका सेंस कितना इस स्पष्ट रूप से क्लियर है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स साठ फॉर्म में हम कहते हैं ई एम एफ कभी भी मैं आपको ई एम एफ कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से कैसे क्लियर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल विद्युत को ले जाने वाला विद्युत को प्रवाहित करने वाला बल मतलब वह बल जो विद्युत को प्रवाहित करता होगा लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं है ये इसका मीनिंग है इसका डेफिनेशन हम देखें तो इसका जो डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक्चुअल में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ई e से और इक्वल e टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तो यहां पर ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कहने से हमको समझ में आता है कि यहां पर डब्ल्यू क्या है कार्य है डब्ल्यू यहां पर डब्ल्यू फॉर वर्क है कार्य है और ये क्या है आवेश है ये आवेश है तो यहाँ पर कार्य बटे आवेश आप कार्य बटे आवेश एक बार और पढ़ चुके हो और वो पढ़े हो कहाँ पर विभव में या विभवांतर में तो यहाँ पर मैं विद्युत वाहक बल को एक्सप्लेन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल को एक्सप्लेन करने के बाद इसका विभवांतर के साथ में रिलेशन भी बहुत क्लियर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं जानता हूं कि जब तक एक स्टूडेंट जब तक एक स्टूडेंट विद्युत वाहक बल और विभवांतर में रिलेशन या उसमें अंतर को नहीं समझेगा तब तक उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडेशन तैयार ही नहीं हो सकता वो समझ ही नहीं सकता कि भाई किसी सर्किट में करंट फ्लो होता क्यों है और किस तरह से उसमें करंट फ्लो हो रहा है इस कारण सबसे पहले आपको इसके रिलेशन को समझना है तो विद्युत वाहक बल हम पहले समझ लें फिर उसके साथ में रिलेशन को समझेंगे अब यहाँ पर देखो यदि हम आवेश को इकाई ले लें यदि हम इकाई ले लें ले आवेश को तो निश्चित रूप से उस कंडीशन में E क्या हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा E इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा और इस तरह से E इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ इसको हम क्या कर सकते हैं अब इनको हम शब्दों में बोलें तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर भी एकांक आवेश पर किया गया कार्य है मैं साइड में थोड़ा सा विद्युत वाहक बल को भी पैरल लेके चलता हूँ फिर अगले स्लाइड में मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा आपको मालूम है विभवांतर विभव में अंतर और यह भी होता है W अपान क्यू यह भी वी इक्वल डब्लू अपन क्यू होता है और यहाँ पर भी क्या होता है एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है तो भाई दोनों में फिर डिफरेंस क्या है जब यह भी एकांक आवेश को यहाँ पर भी यदि हम क्या करें Q को इकाई कर दें Q को इकाई कर दें तो उस कंडीशन में वी क्या होता है W के बराबर हो जाता है तो यदि इकाई कर दें आवेश को तो फिर W के बराबर एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर है और एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल है तो क्या दोनों सेम है हमको क्या होता है वोल्ट होता है इस तरह से तो ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे चीज है वही फार्मूला वही मात्रक वही एकांक आवेश पर किया गया कार्य तो क्या दोनों 100 परसेंट एक जैसे चीज है नहीं दोनों एक जैसे चीज नहीं है मैथमेटिकल उनका रिलेशन एक जैसा है दोनों का मात्रक एक जैसा है बट यहां उनके कार्य की प्रकृति अलग अलग है अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि यहां पर देखो पहले एक बार मैं इसको परिभाषा आपको बता दूं कि यहां पर जो एकांक आवेश है उसको एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में अब शब्दों को बहुत ध्यान से समझना बंद परिपथ बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट तो एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ध्यान से सुना एक एक वर्ड एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वह क्या कहलाता है विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युतवाहक बल कहलाता है जबकि विभवांतर क्या है एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दैट मीन्स यहाँ पर बंद परिपथ की बात होती है और यहाँ पर खुला परिपथ यहाँ पर खुला परिपथ की बात होती है यह सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी वर्क करता है जब सर्किट क्या हो क्लोज हो और विद्युत वाहक बल सॉरी विभान्तर कब कार्य करता है जबकि सर्किट क्या हो खुला हो एक बार ध्यान से सुनो दोनों की परिभाषा को तुलनात्मक मैं आपको बता रहा हूं एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है और एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवान्तर कहलाता है ये है दोनों का डेफिनेशन दोनों में डिफरेंस अब यह बंद परिपथ पर होता है वो खुले परिपथ में होता है अब यहां पर हम दो, दोनों में देखें बेसिक डिफरेंस दोनों में अंतर क्या होता है तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक इसको बता रहा हूं देखो यहां पर मैं आपको एक सर्किट बना दू पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि विद्युत वाहक बल ये बंद परिपथ पर होता है एक बार पुनः उसको लिख रहा हूं मैं बंद परिपथ और ये कहाँ होता है खुला परिपथ में अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस परिपथ को हम बंद कहेंगे और किस परिपथ को हम खुला कहेंगे तो बंद परिपथ का मतलब होता है कि जिस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो और खुला परिपथ का मतलब होता है कि जिस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो कई बार हमारे दिमाग में एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सेंस होता है कि भाई हम स्विच को जैसे आप कहीं पर पढ़ लिए बुक में या इवन बाई द किसी टीचर ने हल्के ढंग से आपसे डिस डिस्कस कर दिया स्विच ऑन करते हो बंद परिपथ होता है और स्विच ऑफ करते हैं वो खुला परिपथ होता है यह गलत नहीं है यह सही है लेकिन यह 100 परसेंट इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करता कोई ज़रूरी नहीं है कि स्विच ऑन करने पर वह परिपथ हमेशा बंद हो जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा सर्किट आपको बता रहा हूं यह सर्किट को थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्किट बता रहा हूँ देखो ये मान लो मैं यहाँ पर एक बैटरी लगाया यहाँ पर की लगाऊंगा और यहाँ पर एक मैं डिवाइस जिसको हम रजिस्टर कहते हैं रजिस्टेंस लगा देते हैं रजिस्टेंस एक्चुअल में करंट का यूजर होता है रजिस्टेंस तो हम आगे पढ़ेंगे मान लो यहाँ पर हमने कोई रजिस्टेंस लगाया है मान लो कोई बल्ब है लोड है कहना चाहिए और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया इस तरह से और यहाँ पर एक की ये और ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए बी अब आप ध्यान से सुनना या फिर यहाँ पर मैं एक बल्ब ही लगा दूं तो ज़्यादा बेटर है बल्ब आप ज़्यादा बेहतर समझोगे अभी रेजिस्टेंस आपको उतना क्लियर नहीं होगा तो सपोज मैंने यहाँ पर एक विद्युत बल्ब लगा दिया ये मैंने यहाँ पर एक विद्युत बल्ब लगा दिया ये हमारा एक छोटा सा सर्किट है अब क्या किया मैं इसमें देखो ये स्विच है के और मैं इस स्विच को ऑन किया अब एक चीज ध्यान में रखना कि विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल किसके पास होता है बैटरी के पास बैटरी के पास विद्युत वाहक बल है और इस बल्ब के पास क्या है विभवांतर है भी है मतलब यह महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना विद्युत वाहक बल हमेशा सेल के पास बैटरी के पास या करेंट का जो सोर्स होता है उसके पास होता है तो विद्युत वाहक बल होता है यह बात भी मैं सेकंड नंबर में लिख देता हूं सेकंड नंबर का पॉइंट में क्या है यह किसके पास होता है सेल के पास होता है या बैटरी के पास होता है विद्युत वाहक बल और यह किसके पास होता है ये किसी उपकरण के पास उपकरण के पास कह सकते हो या किसी परिपथ के पास किसी परिपथ का विद्युत वाहक बल होता है देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना कभी कभी स्टूडेंट्स को मैं इन चीज़ों पर डिस्कस करते रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है तो बहुत छोटी बात है ऐसा नहीं है इन्हीं चीज़ों पर प्रॉब्लम होने के कारण ही आपको आगे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ हर क्लास में एक बार मैं दस बार रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट 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 ओनली कॉन्सेप्ट ये स्ट्रांग करो फिर देखो आपको फिजिक्स कैसा लगता है तो ये सेल का होता है या बैटरी का होता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर किसका होता है किसी उपकरण का होता है देखो यहाँ पर बल्ब लगाया है उसका विभवांतर है लेकिन यहाँ पर बैटरी लगाया है उसका विद्युत वाहक बल है अब मैं इस सर्किट में आया और स्विच को ऑन कर दिया और स्विच को जैसे मैं ऑन किया तो ये बल्ब जलने लगा ये बल्ब ग्लो करने लगा चलो भाई ये जलने लगा ये तो मैं इस सर्किट को बंद क्लोज सर्किट कहूँगा इसको मैं क्या करूँगा क्लोज सर्किट करूँगा और स्विच को मैं ऑफ कर दिया और ये बल्ब बुझ गया बंद हो गया तो सर्किट को मैं खुला कहूँगा सही है बिल्कुल भी गलत नहीं है लेकिन अब इसमें मैं आपको तीसरा कंडीशन पूछा कि यदि मैं आया स्विच को ऑन किया बैटरी भी सही है बल्ब भी सही है पूरा सर्किट सही है कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है मैं आके स्विच ऑन किया लेकिन स्विच ऑन करने पर मेरा बल्ब नहीं जला अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे होगा सब चीज़ सही है तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब कैसे नहीं जलेगा ऐसा होता है आपको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मान लो आपके घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वोल्टेज कम आ रहा है वोल्टेज प्रॉब्लम है तो क्या घर का ए काम करता है नहीं करता या घर में कोई हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है बोर से पानी निकालने के लिए पंप लगा हुआ है वो चलता है नहीं चलता लेकिन एक छोटा सा सी एफ एल जल जाता है तो सोचो मेरी बात बहुत ध्यान समझना क्योंकि मैं बहुत गहराई पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जब घर में पावर सप्लाई हो रहा है तो उसी घर में एक बल्ब जल रहा है और उसी करंट से एसी नहीं चल रहा है या उसी करंट से वाटर सप्लाई करने वाला पंप नहीं चल रहा है तो भैया कैसी बात है स्विच तो मैं दोनों जगह ऑन कर रहा हूं दैट मीन्स ये ये बताता है कि केवल स्विच ऑन कर देने से ही परिपथ बंद नहीं होता स्विच ऑन करने के बाद परिपथ में धारा प्रवाहित होना मस्ट कंपलसरी है उस डिवाइस का वर्क करना मस्ट कंपलसरी है तभी उसको बंद कहा जाएगा इस प्रकार से यदि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर में रिलेशन ऐसा होता है यहाँ पर बहुत ध्यान से इस बात को समझना जो मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूं यहाँ पर मैं स्पेशली उसको हाईलाइट करके नोट कर रहा हूं यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहला क्या कि जब सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है तब सर्किट क्या कहलाता है बंद तब वो बंद परिपथ कहलाता है माने इसको मैं आपको और बहुत सरल भाषा में इस प्रकार समझा सकता हूं कि बांध जब ऊपर हो और किसान का खेत नीचे हो तभी बांध से पानी किसान के खेत में प्रवाहित होगा मतलब विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो और बैटरी और परिपथ का विभांतर उपकरण का विभांतर कम हो तभी उसमें धारा प्रवाहित होगा अदरवाइज धारा प्रवाहित नहीं होगा अब सोचो बांध और हमारा खेत बराबर लेवल में हो तो बांध के गेट को खोल देंगे तो भी पानी नहीं बहेगा क्योंकि दोनों का तल समान है बांध का भी तल और खेत का भी तल समान है तो फिर वहां तो पानी प्रवाहित होगा ही नहीं दैट मीन्स दूसरा कंडीशन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि ई का मान यदि वी के बराबर हो जाए मतलब यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है मान लो 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और 1.5 वोल्ट का हमारा डिवाइस है दोनों बराबर हो गए तो वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ई बराबर वी पर क्या हो जाता है खुला परिपथ होता है ये यह परिपथ खुला होता है यह चीज ध्यान में रखना यह सब पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस कंडीशन में हम सर्किट को क्लोज सर्किट कहते हैं और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ई इज लेस देन आर इक्वल टू भी तो ई इज लेस देन आर इक्वल टू भी जब होता है तब भी क्या हो जाता है यह खुला परिपथ होता है तब भी यह खुला परिपथ होता है तो ई ग्रेटर देन भी हो तो बंद परिपथ ई इक्वल टू वी हो तो खुला परिपथ ई लेस देन v हो तब भी क्या होता है वो खुला परिपथ होता है ये है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में स्पेशल इस रिलेशन इसको बहुत ध्यान से समझना अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम होगा एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है और एकांक आवेश को एक बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है अब कहलाता है ओके दोनों का मात्रा वोल्ट ही होता है ये आप नोट कर लो और ये हमेशा याद रखना यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करें अब हम है पढ़ते हैं धारा विद्युत अब हम मेन डेफिनेशन पर इसके आते हैं कि वे धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है अब हम समझ सकते हैं इस बात को बहुत आसानी से तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं धारा को आई से और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी बहुत फेमस रिलेशन है आप लोग को पहले से ही पता है और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं बिल्कुल सिंगल सेंटेंस में हम इसको बोलें तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं क्योंकि मालूम है कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम को डिवाइड होता है तो उसको हम उसका दर कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या इसको और दूसरे शब्दों में कह दें तो यहां पर हम क्या करें यदि समय को इकाई ले लें यदि हम समय को एक ले लें तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या हो जाएगा आवेश के बराबर हो जाएगा दैट मीन्स इस परिभाषा आप कैसे कह सकते हैं इकाई समय में किसी बंद परिपथ में क्योंकि धारा का प्रवाह केवल बंद परिपथ में होगा इकाई समय में किसी बंद परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा को इकाई समय में किसी बंद परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं और इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है इसका मात्रा क्या होता है या इस फार्मूला को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी मतलब यदि हम आवेश का क्या करें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें यदि हम आवेश को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें तब भी हमको धारा प्राप्त हो जाता है तो ये फार्मूला भी याद याद रखोगे या धारा ज्ञात करने का एक और फार्मूला होता है हमको आवेश के क्वांटीकरण से पता है कि Q बराबर n इंटू ई e होता है तो यहाँ पर हम Q के जगह लिख सकते हैं n इन टू ई ई अपी यह भी फार्मूला होता है कि मान लो हमको कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो यदि हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो और समय पता हो तब भी हम क्या निकाल सकते हैं उससे धारा निकाल सकते हैं तो ये धारा निकालने के ये दो तीन फार्मूले होते हैं और दोनों तीनों फार्मेट पर आपको इस फार्मूला को याद रखना है समय के हिसाब से कहीं पर भी किसी का जरूरत आपको पड़ सकता है निमरका से बनाते समय तो यह है धारा अब यहाँ पर हम क्या करें एक एम्पियर की परिभाषा करें मान लो हमको क्या करना है वन एम्पियर की परिभाषा करना है क्योंकि इसका यूनिट हमने एम्पियर लिया है तो वन एम्पियर का परिभाषा परीक्षा में पूछा जा सकता है तो वन एम्पियर एक एम्पियर की परिभाषा एक एम्पियर की परिभाषा करने के लिए ये जो हमारे पास फार्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपॉइन टी उसमें हम ले लेते हैं यदि क्यू बराबर ले लेते हैं वन गुलाम और टी बराबर ले, ले लेते हैं वन सेकेंड तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूला को देखो जब ये दोनों वन अपॉन वन हो जाएगा तो उस कंडीशन में करंट जो होगा एक बटे एक मतलब एक वन एम्पियर हो जाएगा अब वन एम्पियर को हमको परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स में सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी डेफिनेशन रटो मत मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी परिभाषा मत रटो आप परिभाषाओं को आप समझो सिचुएशनल आप यदि उसको समझ गए और समझने के बाद यदि आप उसको लिख लिए अपने शब्दों में तो फिजिक्स तो फिर आपके पास एनी टाइम प्रिपेयर है और रटा मारे हुए हो तो फिर बस स्पेस को देखते रहोगे हाँ इसके बाद क्या शब्द था इसके बाद क्या शब्द था? था ऐसा नहीं आप चीज़ों को समझो आप सेंस को समझो आप सिचुएशन को समझो और अपने शब्दों में लिखो तो यहाँ पर जो सिचुएशन आप देख रहे हो इसको यदि मैं शब्दों में कहूँ तो क्या कहूँगा ध्यान से सुनना इसको क्या कहूँगा मैं ये मैं कहूँगा यदि एक गुलाम आवेश को यदि किसी बंद परिपथ में अब शुरू करेंगे बंद परिपथ में यदि किसी बंद परिपथ में एक गुलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित की जाए यदि किसी बंद परिपथ में यदि किसी बंद परिपथ में एक गुलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाता है या एक एम्पियर होता है कितना आसान काम है बस इसी को शब्दों में बोल दिया मैं मुझे खुद भी याद नहीं उसको देखा और मैंने बना लिया यदि एक गुलाम आवेश किसी परिपथ में एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर होता है या एक एम्पियर कहलाता है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कई बार दो नंबर का प्रश्न कई बोर्ड में पूछा हुआ है एक एम्पेयर की परिभाषा लिखो अब स्टूडेंट दुनिया भर की चीज़ तैयार करके रखा है लेकिन एक एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखूँ ये तो मैं याद नहीं किया था अब उसको कैसे लिखूँ ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा आपको क्रिएटिव होना चाहिए कि भाई इसको मैं बना लूँगा आई इक्वल टू क्यू ओ पॉइंटी मेरे को पता है मैं इसको बना लूँगा क्लियर तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या इसकी और परिभाषा है या इकाई समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं दोनों परिभाषा सही है इसका मात्रक एम्पियर होता है और एक एम्पियर होता है एक गुलाम आवेश को किसी परिपथ में यदि एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाता है अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धारा एक अधिस राशि है धारा अधिस राशि है अधिस मतलब स्केलर धारा अधिस राशि है अब इस बात को मैं स्पेशल हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं जनरली हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का ज़्यादा अधिस और सदिश पर बात नहीं करते विशेष परिस्थिति में ही हम ज़्यादा बात करते हैं तो मैं क्यों स्पेशली इस पर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं क्योंकि यह थोड़ा सा आ, कहना चाहिए डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड तो नहीं कहना चाहिए कंफ्यूजन वाला मैटर होना चाहिए होता है कि स्टूडेंट जब किसी भी सर्किट को बनाता है कहीं बैटरी लगाता है तो धारा की दिशा जरूर बताएगा और जगह जगह पढ़ेगा भी कि धारा सदैव बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होता है तो भैया जिस चीज की दिशा हमेशा निर्धारित है मैटर हो गया एक तरफ हम कहते हैं कि धारा की दिशा निश्चित है कि वह सदैव बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगा यह मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा ये कन्वेंशन है, में परिपाटी है ये जिस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा लेकिन यहां पर मैं आपको यह एक्सप्लेन कर दूं तो फिर इसको अधिस राशि क्यों माना गया तो धारा को अधिस राशि मानने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि, कि किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया है कि किसी भी राशि के भौतिक राशि के सदिश राशि होने के लिए उसको सदिश योग के नियम का पालन करना जरूरी है अब सदिश योग का नियम क्या होता है जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस तरह का एक डायग्राम बनाऊँ ये मान लो यहाँ पर हम इस तरह का एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र में देखो यहाँ पर कोई वस्तु चलना ही स्टार्ट करता है ए सिरे से ठीक है यहाँ पर ध्यान देना मान लो ये ए पोजिशन है ये बी पोजिशन है और ये सी पोजिशन है मान लो एक पिंड को हम ए से चलना स्टार्ट करें और ए से बी ले जाते हैं बी से सी ले जाते हैं और सी से ए ले आते हैं तो उसका जो विस्थापन होगा मतलब सदिश योग का नियम क्या कहता है कि इसका सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होता है सदैव जीरो होता है यह सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है मतलब त्रिभुज के एक सिरे से चलें फिर यहाँ चलें फिर वहीं पहुँच जाएँ तो उसका विस्थापन क्या होता है जीरो होता है ये कहलाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम लेकिन ये करंट के लिए लागू नहीं होता कैसे लागू नहीं होता अब मान लो मैं इसी के जगह में यहां पर धारा प्रवाहित करूं अब आई धारा प्रवाहित किया यह धारा आई यहां पहुंचा फिर यह धारा आई यहां पहुंचा अब पुनः आई यहाँ पहुंच जाएगा और हम जानते हैं कि धारा का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता जबकि सदिश योग का नियम क्या कहता है कि जब इनिशियल पॉइंट रिपीट हो जाए जब मूल बिंदु जब रिपीट हो जाए तब उसका मान शून्य होना चाहिए लेकिन धारा कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम के आ जाऊंगा वहां पर लेकिन मेरा मान शून्य नहीं होगा तो दैट मीन्स वो सदीश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है इसी कारण धारा को क्या माना जाता है अधिस राशि माना जाता है ठीक है तो ये है धारा के अधिस राशि होने का कारण कभी आपको परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ दे कि धारा अधिस है कि सदिश तथा क्यों तो आप लिखोगे धारा अधिस राशि है क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता जो कि सदिश होने के लिए कंपलसरी है ओके तो यहां पर इसका कारण आप लिख सकते हो धारा राशि है धारा अधिस है और कारण में आप नीचे लिख सकते हो योग के नियम का पालन नहीं करता सदीस योग के नियम का पालन नहीं करता इसलिए हम सदी धारा को क्या कहते हैं अधिस राशि कहते हैं क्लियर तो मेरे ख्याल से आपको विद्युत धारा का या करेंट का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और उसके साथ साथ आपको वन एम्पियर का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा ओके बिल्कुल आप आई आई टी जेई का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका पहला काम है आप फाउंडेशन क्लास स्ट्रांग करो तो बिल्कुल आई आई टी जे का क्लास है क्योंकि आई आई टी जे अचानक ऐसा चमत्कारिक रूप से नहीं निकलता किसी का भी आई आई टी या नीट का जो एग्ज़ाम है ऐसा एक्सीडेंटल नहीं निकलता कि अचानक तैयारी शुरू किए और निकल गया उसको बहुत जीरो लेवल से तैयार करना पड़ता है और ये हमारा जो क्लास होता है फाउंडेशन क्लास मतलब इलेवन ट्वेल्थ के बेसिक सिलेबस पर बेस्ड जो कोर्स होता है वही एक्चुअल में आई आई टी जे का बेस है तो इस क्लास को आप हल्के में मत लिया करो यही क्लास है जो आपको उसके सक्सेस तक पहुंचाएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लास है कोई आपको आईआईटी के क्लास में इतना डिस्कस डिस्कस नहीं करेगा मैं खुद आईआईटी आई e. के क्लास पर आपको इतना डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा वहां तो हम ये मान के चलते हैं कि इस लेवल का नॉलेज स्टूडेंट को पहले से है ऐसा मान के चलते हैं इसलिए फ्यूचर में यदि आपका ये एग्जाम टारगेट में है तो आप फाउंडेशन को पहले स्ट्रांग करो यही पहला रिक्वायरमेंट है समझ गए ये बहुत जरूरी है अनुगमन वेग तथा श्रांति काल अब यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना है कि अनुगमन वेग क्या है और श्रांति काल क्या है देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको सबसे पहले बता दूँ इसको पढ़ाने से पहले वो ये है कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का जो प्रवाह है धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तो धारा का प्रवाह किसी भी इलेक्ट्रॉन की सहायता से नहीं होता धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी में धारा प्रवाहित होता है और वही चालक होते हैं हालांकि इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में थोड़ा अलग ढंग से और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इतना समझ लो कि धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है तो अब देखो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है इसको हमको समझना है तो वास्तव में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट आर्बिटल में होते हैं मतलब अंतिम कक्षा में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूँ पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं कि जैसे ये कोई एटम है इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षा में चक्कर लगाते हैं अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं तो न्यूटन सॉरी गुलाम के नियम के अनुसार एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर होता है तो हमको पता है कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है आर वो बढ़ती जाती है तो एफ मान कम होते जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर में सार्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गुलाम के नियम के अकॉर्डिंग चूंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ती जाती है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है पुअर होते जाता है और आपको ये बात पता है इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु के वृत्ति गति करने के लिए उसके पास आवश्यक अभिकेंद्र बल होना चाहिए उसके पास सफिसियंट सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए और जब तक उसके पास पर्याप्त तो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तब तक वो वृत्ति गति नहीं कर सकता तो एक्चुअली आउटर में सर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के साथ मजबूत बल से अटैच नहीं होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके जो गति करने की जो प्रकृति होती है एक्चुअल में ये क्वांटम थ्योरी को कंप्लीटली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजी मुथल क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करता दैट मीन्स ये प्रॉपर फिर आर्बिटल फिर सब आर्बिटल में मूव नहीं होता और ये जिक जग पाथ में मोशन करने लगता है तो इसके गति का जो पथ होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो गति का पथ होता है वो गति का पथ ऐसा होता है देखो ये इधर चला आया फिर इधर चलाएगा फिर वो इधर चलाएगा फिर कहीं और चलाएगा फिर कहीं और चलाएगा फिर कहीं और चला जाएगा ऐसे वो गति करते रहता है तो मान लो यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का मैं आपको मोशन का नेचर बता रहा हूँ तो मान लो यहाँ से गति शुरू किया ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति शुरू किया ये जाएगा और यहाँ पर फिर अपने गति की दिशा को बदल देगा इधर आ जाएगा फिर यहाँ पर अपने गति की दिशा को बदल दिया और फिर इधर चला आया फिर यहाँ पर अपने गति की दिशा को बदला और वो इधर चल दिया देखो जिधर पा रहे उधर चले जा रहा है जिग जेक पाथ में वो चले जा रहा है तो यहां पर मैं डबल डबल डाट बना रहा हूं ये क्या है अभी आपको समझाता हूं ये तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया फिर इधर गया इस तरह से जिग जेक पाथ में गति करता है और इसके इस गति को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं ठीक है ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था इसमें ब्राउनियन मोशन बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिग जेक पाथ में गति करता है अब आप सोचोगे कि सर ये जिग जेक पाथ में क्यों गति करता है एक तो अपने न्यूक्लियस के साथ में बंधा नहीं होता तो उसका आवश्यक कभी केंद्र बल नहीं मिलता तो वृत्ति गति नहीं करके इधर उधर भागता है वो तो फिर सीधा क्यों नहीं चले जाता सीधा उसको स्ट्रेट चले जाना चाहिए लेकिन वो सीधा भी नहीं जाता अपने मार्ग को बदल रहा है तो आप देख रहे हो हर जगह मैंने दो दो डाट लगाया है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते रहता है फिर जाते जाते उसको रास्ते में दूसरा फिलेक्ट्रॉन मिलता है उससे वो टक्कर करता है एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखना कि इनका जो टक्कर होता है इनका जो टक्कर है वह पूर्णतः प्रत्याश टक्कर होता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूर्णतः प्रत्यास्थ कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टक्कर किस प्रकार का होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टक्कर कंप्लीटली इलास्टिक होता है और आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा है कि मुक्त इलेक्ट्र जो टक्कर प्रत्याश होता है उसमें एटम आपस में टकराने के बाद फिर अलग हो जाते हैं अप्रत्याश टक्कर में टकराने के बाद वो चिपक जाते हैं दैट मीन्स यहाँ पर पूर्णतः प्रत्याश टक्कर होने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे से टकराता है और टकराने के बाद वो छड़ रुकता है और उसके बाद दूसरी दिशा में वो फिर गति प्रारंभ कर देता है तो देखो इधर गति किया इधर किया तो हर जगह ये क्या हो रहा है आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में टकरा रहे हैं अब यहाँ पर यह माना जाता है इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूस मोशन करता है लेकिन जिस टाइम पर वो टकराता है टकराते समय वो कुछ देर के लिए रुकता है क्षणिक और उसके बाद वो दूसरे दिशा में चले जाता है जैसे आपने देखा होगा कि बॉल इस तरह से इसको मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि जैसे प्रैक्टिकल इसको इमेजिन करना है तो आपने कंप्यूटर में एक स्क्रीन सेवर पावर सेवर देखा होगा उस पावर सेवर मोड में छोटे, छोटे 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 बबल्स बने रहते हैं बबल्स से जाते हैं टकराते हैं फिर से जाते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर पर आपने लैपटॉप मॉनिटर में आपने देखा होगा तो उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इनका टक्कर कैसे होता है वो जाता है टकराता है टकरा के इधर चला फिर टकराएगा फिर टकरा के इधर चला जाएगा ऐसा करते रहते हैं वो ठीक है तो ऐसे आपने देखा होगा मेरे ख्याल से जनरली बहुत ये फेमस है कहना चाहिए ये स्क्रीन सेवर मैंने बहुत सारे कंप्यूटर में देखा है लोग लगा के उसको रखते हैं और वो टकराते रहता है ऐसे ये टकराते हैं और चले जाते हैं तो टक्कर पूर्णतः प्रत्याश्त होता है अब यहाँ पर देखो क्रांतिकाल अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पर अनुगमन वेग क्या होता है फिर तो अनुगमन वेग एक्चुअल में दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग होता है अनुगमन वेग इसको हम प्रदर्शित करते हैं वी डी से डी फॉर ड्रिप्ट तो दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग दो कंटिन्यूस सतत माने कंटिन्यूअस तो दो कंटिन्यूस टक्कर के बीच का जो औसत वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं इस प्रकार से चाहें तो हम अनुगमन वेग को वी डी इक्वल टू जीरो प्लस वींट टू दैट मीन्स वी अ टू लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग शून्य क्योंकि टकरा के कुछ देर के लिए रुका और फिर उसका अंतिम वेग वी क्योंकि वी उसने अंतिम वेग प्राप्त किया और बटे दो तो ये अनुगमन वेग कहलाता है ठीक है इसके बाद हम एक टर्म यहाँ पर लिखे हैं श्रांति काल तो भाई काल क्या होता है काल जिसको हम इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं अब आप समझ सकते हो श्रांति रिलैक्स होना मतलब थोड़ा आराम करना रिलैक्सेशन टाइम मतलब थोड़ा आराम करना तो आराम कब किया वो जब रुका वो लगातार गति में था टकराया तो थोड़ी देर के लिए रुका तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो उसका आराम करने का समय था काल था इस प्रकार से काल को हम क्या कह सकते हैं काल का मतलब हुआ दो सतत टक्करों के बीच का लिया समय अंतराल क्योंकि उसी बीच में वो एक बार जाके रुकता है नहीं तो लगातार गतिशील रहता है तो इसको हम टा से रिप्रेजेंट टा ता या टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं तो श्रांति काल का डेफिनेशन क्या होगा दो सतत टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है और दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है वो क्या कहलाता है अनुगमन वेग वैसे सब डेफिनेशन कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो पढ़ाते हो उसको आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख दो तो ये लोअर क्लास का छोटे बच्चों को क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन के बच्चों को ऐसा परिभाषा को लिख के पढ़ाया जाता है ये तो लेक्चर है आप ध्यान से सुनो 90 परसेंट चीज़ आपको क्लास में समझ में आ जाना चाहिए और रहा सवाल इसके कंटेंट्स पाने का तो मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है आपको मालूम है आपको हम फ्री नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बिना सिंगल रुपीज चार्ज किए अपने एप्लीकेशन पर ये हम शुरू से आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस नोट्स को आप पढ़ लिया करो वहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ वैसा ही हैंड रिटर्न नोट्स हैं ऐसा ही हमने वहाँ पर लिखा हुआ है ये नोट्स आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर ओरिजिन द लर्नर साब हमारा जो एप्लीकेशन है इसका पूरा लिंक हमारे नीचे दिया रहता है हमारे वीडियो के नीचे पट्टी पर लिया होता है या फिर उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिलता है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये है शांति काल और अनुगमन वेग अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और जिसको हम बोलते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बेस पर ओम के नियम को पढ़ा जाएगा तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना इमेजिन करो कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर में मैं क्या कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहा हूँ क्योंकि चालक तार है और इस चालक तार में मैं एक कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करा रहा हूँ तो मान लो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग मान लो वीडी है इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो ए है और इसके इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह एन है ये हमने मान लिया सुनो ध्यान से मैंने क्या क्या माना है ना? माना कि एक चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग व्ही डी है इसके इकाई लंबाई में यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है और इस चालक तार का अनुप्रस्थ अनुप्रस्त का क्षेत्रफल ए है अब यहां पर हम क्या करें यहां पर सबसे पहले ये कैलकुलेशन करें इकाई समय में इकाई समय में चालक से प्रवाहित चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि पूरा हिसाब किताब लगाने वाले टॉपिक जैसा है इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉन वहां से प्रवाहित हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा वहां का आयतन और इकाई समय में आयतन क्या हो जाता है क्षेत्रफल गुणित वेग यह आपने पढ़ा होगा इलेवंथ क्लास में बरनाली के प्रमेय में कि इकाई समय में आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणित वेग तो इकाई समय में यहां काट का क्षेत्रफल का ए और वेग कितना है वी डी यह हो जाएगा अब यह तो हुआ एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन इकाई लंबाई में एन इलेक्ट्रॉन है तो एन का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा एन ए इंटू वी डी ध्यान से सुनो इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी अब हम निकाल लें टी समय में इसलिए टी समय में अब यहां पर मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं यह है टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह है इकाई समय में ऊपर जो मैं लिखा हूं वह इकाई समय में है और नीचे जो मैं लिखा हूं वह क्या है टी समय में है तो जब t समय में निकालेंगे तो इसमें t का मल्टीप्लाई हो जाएगा n a vd और t d को छोटा सा लिखना ना नीचे में d संख्या था ऐसा नहीं कि v d लिख दिया v और नीचे में छोटा सा d ये हो जाएगा तो t समय में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a v d होगा अब यहाँ पर हमको मालूम है कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है e <coughs> चूंकि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की जो मात्रा है उसको हम ई लेते हैं इसलिए टी समय में इसलिए टी समय में प्रवाहित इसलिए टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों में आवेश भाई एक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश होता है तो टी समय में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है समय में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो जब एक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा e हो जाएगा तो इसको हमने क्यू संकेत दे दिया तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा एन ए वी डी इंटू टी और e हो जाएगा क्योंकि यहां पर यह टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसमें ई का गुणा कर देंगे यह हो जाएगा आवेश अब जब हम आवेश निकाल लेंगे तो आवेश की सहायता से हम धारा निकाल सकते हैं तो इसलिए धारा का मान कितना हो जाएगा इसलिए धारा इसलिए धारा आई इक्वल टू क्यू अपॉइान टी से धारा आई इक्वल टू क्यू अपॉइंट टी से यहाँ से यदि हम Q का मान अप कर दें Q का मान अपने पास ये है तो वो हो जाएगा एन ए वी डी टी इन ई और अपान कितना हो जाएगा t तो अंश और हर से यहाँ पर टी टी कैंसल आउट हो जाएगा और दोनों को कैंसल आउट होने के बाद यहाँ जो हमको संबंध मिलेगा वो हो जाएगा I इक्वल टू एन ई ए एन ई को पहले लिख लिया ए इंटू वी डी एन ई ए वी डी यह धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है इस संबंध को आप याद रखोगे I इक्वल टू एन ई ए वी डी यह धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इक्वल टू एन ई ए वी डी क्लियर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में आता भी है और साथ ही साथ आगे जब आप ओम का नियम पढ़ोगे तो भी इसका यूज होगा क्लियर चलिए इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो या यहां तक नोट कर लो जो भी है हो गया ओके वेरी गुड अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं देखो वो है धारा घनत्व जो आगे का टॉपिक है इसी के इसी के आगे का टॉपिक है धारा घनत्व तो धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं जे से और जे इक्वल टू होता है आई अपान ए जे इक्वल टू आई अपान ए इसका मतलब क्या हुआ इकाई क्षेत्रफल पर इकाई क्षेत्रफल प्रवाहित धारा को मान लो हमारे पास कोई चालक तार है उस चालक तार के इकाई क्षेत्रफल पर जितनी धारा प्रवाहित हम करते हैं चालक तार का इकाई क्षेत्रफल पर जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं करंट डेंसिटी कहते हैं अब धारा घनत्व के साथ यदि हम संबंध स्थापित करना चाहें तो देखो अभी हमने पढ़ा है चूंकि आई इक्वल टू एन ई एंटू वी डी अभी हम पीछे पढ़े हैं देखो ये आई इक्वल टू एन ई ए, ए इंटू वी डी अब इस फार्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके इस रूप में ले आए किस रूप में ए को इधर ट्रांसफर कर दें तो जब ए को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई अपान ए इक्वल टू हो जाएगा एन ई इन टू वी डी और अभी मैंने आपको बताया कि आई अपान ए को हम जे कहते हैं तो देअर फॉर ये आई अपान ए का वैल्यू जे हो जाएगा तो जे इक्वल टू एन ई और वी डी के इक्वल होगा इस प्रकार से आप देखो कि ये जे इक्वल टू एन ई वी डी के इक्वल होता है ये है धारा घनत्व में संबंध यदि आपको एग्जाम में पूछेगा कि अनुगमन वेग का धारा घनत्व के साथ में संबंध स्थापित कीजिए तो आपको उसको यहां तक लिखना है जे इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी यह कहलाता है धारा घनत्व में संबंध ओके अब एक छोटा सा टॉपिक है गतिशीलता मोबिलिटी मोबिलिटी क्या है देखो मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से म्यू से और म्यू इक्वल टू होता है वी अपान कई बार इसको छोटा सा डेफिनेशन डेफिनेशन ये ये छोटे छोटे ऐसा है ये बड़े खतरनाक है।, क्यों है इसको हम ध्यान नहीं देते छोड़ देते हैं और बाद में में पता चलता है है कि यही क्या है किसी परीक्षा दो नंबर का पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है तो इनको ध्यान में रखना है तो गतिशीलता एक्चुअल में होता क्या है ध्यान देना यदि हम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इकाई मान लें यदि ई बराबर इकाई मान लें तो उस कंडीशन में यदि हम ई को इकाई मान लें तो उस कंडीशन में म्यू का जो वैल्यू होता है वह किसके बराबर होता है वीडी के बराबर तो गतिशीलता क्या है इकाई विद्युत क्षेत्र में ई यहां पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मान लो अपने पास एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फील्ड है उस एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है वही क्या कहलाता है उसकी गतिशीलता कहलाता है एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं गतिशीलता कहते हैं या मोबिलिटी कहते हैं यह है इसका मोबिलिटी क्लियर तो यहाँ तक हमारा इसका बेसिक कंप्लीट हुआ अब देखो ओम का नियम तो ओम के नियम पढ़ाने का मेरा अपना एक तरीका है क्या तरीका है पता है आपको पहले दिन के क्लास में मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ और दूसरे दिन के क्लास में मैं उसको डिराइव करता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ एक तरीका चाहता हूँ कि स्टूडेंट उसको इतना तैयार करके आए कि अगले दिन उसको ओम का नियम बिल्कुल टाइम पास जैसा लगे वो कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है चलिए तो हम अब आज के हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ओम का नियम है उस पर हम डिस्कस करते हैं ओम का नियम देखो ओम का नियम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कह सकते हो मतलब एक्चुअल में धारा विद्युत को हम ओम के नियम के नाम से ही जानते हैं यदि ओम का नियम है तो धारा विद्युत है या विद्युत धारा है ओम का नियम तो आज मैं केवल इसका डेफिनेशन बताऊंगा इसको कंप्लीट आपको डिराइव नहीं करूंगा तो चलिए आज हम सिर्फ डेफिनेशन पर बात करेंगे और ओम के नियम को प्रूफ करने वाले वर्किंग स्टेप को हम आज आपको बताएंगे आज के क्लास में बाकी चीज़ हम कल कंप्लीट करेंगे तो पहले तो हम देखें कि ओम ने अपने नियम में बताया क्या ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो मतलब उसका फिजिकल स्टेटस कांस्टेंट हो लंबाई क्षेत्रफल ताप दाब आयतन सब नियत हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवान्तर के समानुपाती होता है मतलब मैथमेटिकली ये क्या कहता है इसका कहना है कि v प्रोपोर्शनल टू i होता है v प्रोपोर्शनल टू i होता है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है देखो यहां पर विभवांतर धारा के समानुपाती लिखेंगे क्योंकि सिरों पर विभवांतर पैदा करने से ही धारा प्रवाहित होता है ऐसा नहीं कि धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है विभवांतर होता है इसलिए धारा प्रवाहित होता है चीजों को समझते हैं जाना आप ठीक है अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाईज इसको हम लिखेंगे वी इक्वल यहाँ के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे आर से तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इन टू आई ये होगा देयर फोर यहां पर हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू वी अपॉन आई और यही जो आर आप लिख रहे हो यहां पर इसको बोला जाता है रजिस्टेंस इसको आर को यहाँ यहां पर हम क्या कहते हैं रजिस्टेंस आर फॉर रजिस्टेंस और हिंदी में प्रतिरोध इसको हम कहते हैं क्या प्रतिरोध और इसका मात्रक होता है ओम इसका मात्रक ओम होता है जिसको हम ग्रीक अल्फाबेट के ये ओमेगा संकेत के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं लेकिन रीड कर देते हैं इसको ओम तो आर टू होता है वी अपन आई इस प्रकार से प्रतिरोध क्या है वास्तव में प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट जो चीज धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है वो प्रतिरोध है लेकिन प्रतिरोध का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा मैथमेटिकल सेंस पर वो क्या होता है यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है या क्या कर सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो यदि हम इसको क्या कर लें धारा को इकाई कर लें यदि धारा मान इकाई हो तो क्या होता है प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाएगा विभवांतर के बराबर होता है तो क्या कर सकते हैं अपन यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो तो चालक के सिरों में जो उत्पन्न होता है वह उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है तो यह है प्रतिरोध का डेफिनेशन अब हम यहां से देख लें एक ओम की परिभाषा एक ओम वन ओम का डेफिनेशन अभी मैंने वन ओम का डेफिनेशन से पहले आपको एक एम्पियर का परिभाषा बताया और बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसका भी परिभाषा बनेगा तो क्या कर लें हम यहाँ पर यदि हम V बराबर एक वोल्ट मान लें यदि V बराबर एक वोल्ट मान लें और धारा आई बराबर मान लो हम एक एम्पियर मान लें यदि हम V बराबर एक वोल्ट मान लें और आई बराबर एक एम्पियर मान लें और इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो आर बराबर कितना मिल जाएगा वन ओम मिल जाएगा इस तरह से हम इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं अब ध्यान से सुनना परिभाषा मैं कैसे लिख रहा हूं यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि किसी चालक में एक एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए और उसके सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो या ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं चालक तार के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने से यदि उस तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस तार का प्रतिरोध एक ओम होता है या एक ओम कहलाता है ओके यदि किसी चालक तार के सिरों पर एक वोल्ट का विभान उत्पन्न करने पर तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका प्रतिरोध एक ओम होता है या एक ओम कहलाता है यह तो हो गया सामान्य रूप से ओम का परिभाषा और ओम का नियम अब इसको जब हमको प्रूफ करना होता है तो इसके प्रूफ के लिए ध्यान देना इसको कल मैं दोबारा पुनः शुरू से पढ़ाऊंगा इसके प्रूफ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ वर्किंग स्टेप्स वर्किंग स्टेप्स वर्किंग स्टेप्स का मतलब क्या कि जब ये 10 12 लाइन के करीब 15 लाइन के आसपास का जब हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे तो किस स्टेप की सहायता से उसको हम प्रूफ करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं और कल इसको मैं अप्लाई करूंगा इसलिए इसको आपको कल अच्छे से पढ़ के आना है ठीक है कल के क्लास में इसको अच्छे से पढ़ के आना है और वो क्या होगा देखो ये वर्किंग स्टेज का सबसे पहले हम E निकालेंगे और E इक्वल टू निकालेंगे V अपान एल से क्योंकि V इक्वल टू ई इंटू एल होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V अपान एल निकालेंगे जब ये निकल जाए तो इसकी सहायता से हम आ, बल निकालेंगे F इक्वल टू बल F इक्वल टू क्यू इंटू ई और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ई इंटू ई ये बल निकालेंगे तीसरे नंबर में हम निकालेंगे त्वरण त्वरण ए बराबर होता है एफ अपॉन एम ये किससे होता है न्यूटन के नियम से जब यह निकल जाए तो चौथे नंबर में हम क्या करेंगे गति का प्रति प्रथम समीकरण मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी निकालेंगे और फिर उसके बाद पांचवा काम क्या करेंगे हम धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध i इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी वी डी मतलब ये vd यहाँ पर आप वी डी कर सकते हो ये पांच फार्मूला आप ध्यान से देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल त्वरण वेग और धारा और मालूम इसको करेंगे क्या इसको हम क्या करेंगे ये जो ई का मान है उसको यहाँ पर ले जाके पुट अप कर देंगे इस तरह से व्हीफ का मान है उसको यहाँ पर ले जाके अप कर देंगे त्वरण के मान को फिर हम यहाँ पर ले जाके अप कर देंगे भारी बारी से वी डी निकलेगा व्ही डी के मान को यहाँ पर ले जा पुट अप कर देंगे और इसके बाद हमारा ओम का नियम प्रूफ हो जाएगा यह है हमारा वर्किंग स्टेप तो यदि ये पांच स्टेप आप कल के क्लास में लर्न करके आते हो तो ओम का नियम विद इन ए फाइव मिनट आप हंड्रेड परसेंट तैयार करके क्लास से जाओगे ये चीज़ आपको तैयार करके आना है इसको मैं कहता हूँ वर्किंग स्टेप्स मैं फिजिक्स में जितने भी बड़े बड़े डेरिवेशन है उसके लिए साइट की बना के रखा हूँ साइट वर्किंग स्टेप बना के रखा हूँ और ये वर्किंग स्टेप को यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आप कभी टॉपिक को नहीं भूलेंगे तो डेरिवेशन भूलने का डर रहता है स्टूडेंट के अंदर में कि मैं डेरिवेशन भूल मत जाऊं कि दो स्टेप बाद फिर लटक गए ऐसा चक्कर नहीं रहेगा ये आपको याद रहना चाहिए ठीक है तो कल के क्लास में हम ओम के नियम को दोबारा पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि ओम का नियम हुआ नहीं है आज मैंने आपको ओम के नियम का इंट्रोडक्शन दिया है कल के क्लास में हम ओम के नियम को कंप्लीटली पढ़ेंगे ओके तो इतना आपको तैयार करके आना है और हम कल ओम के नियम पर डिटेल डिस्कस करेंगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं आज तो मैंने सिर्फ उसकी परिभाषा बताया है और उसको प्रूफ करने के लिए ये वर्किंग स्टेप बताए हैं तो ये आप लिख लो और ये फिर कल हम पढ़ेंगे ओम का नियम एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन यहाँ पर मैं फटाफट फटा एक बार रिपीट कर दूँ देखो ओम का नियम क्या है ओम ने अपने रूल में बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो प्रीवियस क्लास में भी मैंने ओम का नियम पढ़ाया था आज उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो दैट मीन्स चालक की लंबाई उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका ताप उस पर दाब ये सब क्या हो कांस्टेंट हो माने वो चेंज ना हो रहा हो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक तार के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं वह उस चालक में जो धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है ये इसका कथन है ये हमने कथन यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी हुआ है किसी यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवान्तर के अनुक्रमानुपाती होता है अब इसको हम यदि मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिख सकते हैं देयर फॉर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पर वी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा आगे हम इसको सॉल्व करें तो दैट इक्वल इक्वल टू एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और वो कांस्टेंट है आर और इस आर कांस्टेंट को रजिस्टेंस कहते हैं दे आर फॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये व्ही अपॉन आई और ये जो आर इक्वल टू वी अपॉन आई लिखा गया है यही क्या है प्रतिरोध कहलाता है इसे हम प्रतिरोध कहते हैं ये आर प्रतिरोध है इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं और ओम इसका यूनिट है ओम इसका यूनिट है जिसको हम इस तरह से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह प्रतिरोध कहलाता है अब प्रतिरोध की परिभाषा हमने देखा था लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने प्रतिरोध की परिभाषा देखा था तो प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से सीधा लिखा जा सकता है कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है ऐसा कह सकते हैं और मैंने आपको एक और परिभाषा उसका बताया था कि यदि हम क्या करें धारा को इकाई ले लें यदि हम चालक तार में बहने वाली धारा आई को इकाई ले लें तो उस कंडीशन में प्रतिरोध क्या होता है उसके विभवांतर के बराबर हो जाता है तो इसका परिभाषा मैंने क्या बताया था कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होता है वही उसके प्रतिरोध के बराबर होता है ऐसा परिभाषा भी हम कर सकते हैं अब हमने देखा था एक ओम की परिभाषा ये मैं एक बार कंप्लीट रिपीट ही कर देता हूँ मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में ओम सलाह को मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और एक बार उसको रिवीजन कर दूंगा तो जिन लोग पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो रहा है जो स्टूडेंट्स न्यू आए होंगे आज क्लास में उनको शुरू से समझ में आ जाएगा तो यह कहलाता है रजिस्टेंस अब यदि हमको वन ओम को डिफाइन करना है ठीक है मान लो हमको एक ओम की परिभाषा करना है तो एक ओम की परिभाषा करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था ये जो फार्मूला है इसमें वी और आई आया है तो वी को ले लो आप वन वोल्ट इसको वन वोल्ट ले लो और करंट आई को ले लो वन एम्पियर इसको मान लो हमने एम्प, वन एम्पियर ले लिया विभाव को एक वोल्ट ले लिया और करंट को वन एम्पियर ले लिया ये दोनों मान को यहां पर पुट अप कर दें तो देयर फॉर देयर फॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपान वन वन अपान वन दैट मीन्स वन ओम इस प्रकार से ये वन ओम हो जाएगा और इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे परिभाषा में हम बोलेंगे यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वन वोल्ट है यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट है तब उसका जो प्रतिरोध है वह ओम वन ओम कहलाता है या उसे हम वन ओम कहते हैं यह है ओम का नियम और एक ओम की परिभाषा इतना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था अब हमको क्या करना है ओम के नियम को प्रूफ करना है ओम के नियम को प्रूफ करना है ये तो हो गया ओम का नियम चलिए अब हम आगे देखें जो आगे हमको कंटिन्यू करना है वो है प्रूफ ये ओम ने जो नियम बताया उस नियम को हमको प्रूफ करना है तो आपको याद होगा कि ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एक वर्किंग स्टेप बताया था ये वर्किंग स्टेप मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वर्किंग स्टेप जो मैंने आपको बताया था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ मैं समझता हूँ कि आप लोग वर्किंग स्टेप्स पढ़ के आए होंगे तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई e, इक्वल टू किस से वी अपान एल से ये मैंने बताया था इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जब ई e निकल जाए तो उसके सहायता से हम एफ निकालते हैं किससे ई e इन टू e ई के फार्मूला से इसके बाद हम तोरण निकालते हैं ए इक्वल टू किस्से एफ अपॉन एम से तोरण निकालते हैं फिर मैंने बोला था कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर वेग सामान्य वेग नहीं मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वी डी लिख देते हैं फिर हमारे पास फार्मूला है आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी इस प्रकार से मैं आपको ट्रिक्स बताया था कि ई e के वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट कर देना है एफ़ का वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है ए का वैल्यू यहाँ पुट करना है और वी डी का वैल्यू यहाँ पुट करना है और ऐसा करने के बाद हमारा ओम्स ओम्सला प्रूफ हो जाएगा ये मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताया था इसको प्रूफ करने का ठीक है तो ये हमारा वर्किंग स्टेप है ये वर्किंग स्टेप को आप ध्यान में रखोगे एग्जाम में लिखोगे नहीं लेकिन इसको आप ध्यान में रखोगे ये है इसको याद करने का तरीका अब इसी स्टेप इस के बेस पर अब हम इसी स्टेप इस के बेस पर क्या करेंगे इसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे ठीक है चलिए तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इस तरह से अब उसको सिस्टमेटिक हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू व्ही अपॉन एल इसलिए दे आर फॉर बल दे आर फॉर बल F इक्वल किस फार्मूला से E इंटू ई e की फार्मूला से F इक्वल टू E इन ई e से दैट इम्प्लाइज अब हम क्या करें ये जो E का मान निकला है मैंने बोला जो E का मान है उसको यहाँ के ला के पुट करना है तो ई का वैल्यू वी अपन एल है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा v इन टू व्ही अपॉन एल ये हो जाएगा बल ये हम बल निकाल लिए बल निकालने के बाद मैंने बोला कि क्या निकालते हैं त्वरण निकालते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण है इसलिए त्वरण ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम अब यहां पर हम इसके वैल्यू को ला के पुटअप कर दें तो क्या होने वाला है देखो यहीं पर एक बार लिखता हूं मैं तो ए इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू को हम ई वी अपॉन एल यहां पर पुटअप कर दें देगा ई वी अपॉन एम इन टू एल ये निकल गया त्वरण अब जब त्वरण का मान निकल जाएगा तो त्वरण का मान निकालने के बाद हम लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण ये जो आप देख रहे हो वो गति का प्रथम समीकरण है ठीक है इसलिए गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से इसलिए गति के प्रथम समीकरण से कौन सा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी तो हो जाएगा वी डी या एक बार मैं समीकरण को लिखे देता हूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी ये गति का प्रथम समीकरण होता है इसमें हम मान को भरें तो यहाँ पर जो वेग है वह सामान्य वेग हो के अनुगमन वेग है तो उसको हमने वी डी पुट कर दिया इसके बाद देखो यहाँ पर जो यू का मान है इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से गति करता है तो प्रारंभिक वे जीरो हो जाएगा। फिर त्वरण का मान ये हमने निकाला है क्या ईपॉन एम एल यह हमने क्या निकाला है त्वरण का मान निकाला है ठीक है ये हो जाएगा त्वरण का मान अब इसके बाद देखो त्वरण निकालने के बाद हम क्या करेंगे ये जो टी है ये जो आप टी देख रहे हो इस टी का मान ये क्या होता है श्रांतिकाल होता है टी क्या होता है श्रांतिकाल होता है इस प्रकार से काल के मान को यदि हम क्या करें काल के मान को टा पुट अप कर दें तो काल का मान कितना हो जाएगा टा यहां पर काल टा होता है सब प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं तो यहां पर जो सिंपल टाइम होता है उस टाइम को हम काल के रूप में पुट अप कर देंगे क्लियर यहां तक आपको तो ये हमने यहां पर काल पुट अप कर दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सा वैल्यू को हमको क्या पुट करना है ओके अब यहां पर देखो थोड़ा पर एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दैट इंप्लाइज वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई वी ई वी टा अपान एम एल ई वी टा अपान एम एल हो गया वी डी का मान अब मैंने आपको बताया कि वी डी के मान को हमको आई इक्वल टू एन इंटू वी डी जो कि धारा तथा तो अनुगमन वेग में संबंध है जिसको हम प्रीवियस क्लास में डिराइव किए थे तो अब हम लिखेंगे चूंकि चूंकि अब हमको पता है कि i इक्वल टू होता है एन ई e a टू वी डी तो ये जो हमने वी डी का मान निकाला हुआ है अभी ये वीडी का मान इस वी डी के मान को यहाँ पर पुट अप कर देंगे देखो एक एक करके वैल्यू पुट होते जा रहे हैं जैसे मैंने वर्किंग स्टेप में लिखा है वर्किंग स्टेप आप याद नहीं रखोगे तो भूलने का डर रहता है कि कभी भी हम कहीं पर फार्मूला मिस कर जाते हैं कि, कि किसके बाद कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसीलिए हमने इसके लिए प्रॉपर वर्किंग स्टेप बना के रखा हुआ है कभी भी आपको रिविजन करना है तो तुरंत आप उसको याद कर सकते हो कि मेरे को कौन सा फार्मूला कहाँ पुटअप करना है चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आई इक्वल एन इंटू ई इंटू ए और ए वी डी का वैल्यू ये है तो हो जाएगा ई वी टा अपॉन एम इंटू एल यह हो जाएगा इसका हमने वैल्यू को पुट अप कर दिया अब यहाँ पर देखो चूँकि हमको ओम के नियम को प्रूफ करना है तो ओम के नियम को प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करें व्ही को और आई को एक साइड में सेपरेट करें अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा है कि इनका अनुपात मतलब व्ही अपन आई आर होता है तो वी अपन आई हमको यहाँ पर सेपरेट करना है वी अपन आई को एक साथ सेपरेट करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं देखो आई को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो देर ये हो जाएगा v अपान आई ये हो गया v अपान आई और बाकी पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा m l अपन ये हो गया n और e का दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो e स्क्वायर इसके बाद क्षेत्रफल a और ये हो जाएगा टा इस प्रकार से v अपान आई इक्वल टू मिल जाएगा m l अपन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा ये जो v अपान आई का फिर जो वैल्यू आया ठीक है अपॉन आई का जो यहां पर वैल्यू आया है ये वैल्यू जो आप देख रहे हो हैं। राइट हैंड साइड में ये ये पूरा एक कांस्टेंट लिया ओम ने इस पूरे वैल्यू को कांस्टेंट लिया और उस कांस्टेंट को उन्होंने आर रिप्रेजेंट किया मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं उसको ये वर्किंग स्टेप तो एडिशनल ट पॉइंट आप ध्यान रखना एक बार मैं रीराइट करता हूं उसको दोबारा व्हीॉन आई इक्वल एम एल अपॉन एन स्क्वेयर ए इंटू टा ये भी अपन आई का ये फार्मूला होता है अब यहाँ पर देखो इसका जो राइट हैंड साइड है इसका जो राइट हैंड साइड है इसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको ओम ने आर कहा तो इस कंडीशन में अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा इस कंडीशन में देअर फॉर अब हम इसको लिख सकते हैं वी अपन आई इक्वल टू आर ये लिख सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर ओम ने आर इक्वल टू ले लिया एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए इंटू टा इस प्रकार से ये जो आर का वैल्यू है ठीक है इस प्रकार से जो आर का वैल्यू है इस वैल्यू को यदि हम क्या करें यहाँ पर अप कर दें दैट मीन्स कैपिटल आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए इंटू टा अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम अप करें तो वी अपॉन आई इक्वल टू आर दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू आई इंटू आर दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू आई इंटू आर हेयर आर इस कांस्टेंट यहाँ पर आर कांस्टेंट है तब हम क्या लिख सकते हैं इसको देअर फॉर व्ही प्रपोर्सनल टू आई वी प्रपोशनल टू आई इस तरह से देखो यहाँ पर ओम्सला प्रूफ हो जाता है यहाँ ओम्सला प्रूफ हो जाता है और यह क्या है रजिस्टेंस का वैल्यू है यह रजिस्टेंस का वैल्यू है इसको अलग से हाईलाइट करके रखो यह रजिस्टेंस का वैल्यू है आर आर इक्वल टू एम एल अपन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा यह रजिस्टेंस का वैल्यू है तो यदि आपको एग्ज़ाम में अब मेरी बात ध्यान से सुनना यदि आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बोले ओम का नियम लिखो तथा सिद्ध करो तब आप क्या करोगे ये ओम का नियम लिखोगे ये ओम का नियम कंप्लीट लिखोगे यहाँ तक लिखोगे और ये इसका प्रूफ है दैट मीन्स ये पूरा प्रूफ करोगे ये नहीं लिखोगे ये आपको याद करने के लिए है मतलब ट्रिक्स है ये और इसके बाद फिर यहाँ पर लिख करोगे तो ये हो गया प्रूफ्ड ये ओम का रूल क्या हो गया प्रूफड हो गया ये ओम स्ला प्रूफ हो गया व्ही प्रोपोर्शनल टू आई यहां पर ओम स्ला प्रूफ हो गया लेकिन यदि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे ओम का नियम लिखो तथा प्रतिरोध की गणना करो ओम का नियम लिखो तथा प्रतिरोध की गणना करो तो ओम का नियम लिखने के बाद यह जो आर इसको सपोज किया जाएगा यह प्रतिरोध का वैल्यू है तो आपको दोनों बात पता रहना चाहिए ओम का नियम भी पता रहना चाहिए और साथ ही आपको यह पता रहना चाहिए कि यदि आपको प्रतिरोध का गणना करने बोले तो आर इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टा यहाँ तक प्रूफ करना है तो कोई प्रॉब्लम स्क्रीन शार्ट लेना है आप लोग को ठीक बहुत अच्छा ये ले लो ये पहले स्लाइड का स्क्रीन शार्ट ले लो आप ये एग्जाम में फोर मार्क्स का आने लायक क्वेश्चन है ये एग्जाम में चार नंबर का आने लायक क्वेश्चन है ओम का नियम लिखो तथा सिद्ध करो जिन लोग लेट में क्लास ज्वाइन किए हैं उन लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे शुरू से चलिए अब हम देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता प्रतिरोध की निर्भरता ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत बार इस क्वेश्चन को अलग से भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और बहुत बार इसको क्या है ओम के नियम के साथ में इंक्लूड करके पूछता है ओम के नियम के साथ इंक्लूड करके पूछता है दैट मीन्स इसमें सीधा पूछा जाता है ओम का नियम लिखो तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखो माने प्रतिरोध की निर्भरता को एक्सप्लेन करो तो प्रतिरोध की निर्भरता क्या है देखो प्रतिरोध की निर्भरता की प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है तो सबसे पहले देखो प्रतिरोध की निर्भरता में प्रतिरोध की निर्भरता को समझने से पहले हमको इसके फार्मूला को एक बार यहां पर लिखना है तो R इक्वल टू होता है एम एल अपन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और प्रतिरोध की निर्भरता के आधार पर ही हम क्या करते हैं इसका आगे का स्टडी करते हैं तो सबसे पहले देखो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये जो प्रतिरोध है राइट right साइड में जितने क्वांटिटी आए हैं उस पर निर्भर करेगा तो कोई भी भौतिक राशि सिर्फ उन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर करता है जो परिवर्तनशील होते हैं मतलब जिनका मान बदलता है जैसे प्रतिरोध एम पर निर्भर नहीं करेगा एम पर निर्भर क्यों नहीं करेगा क्योंकि एम क्या है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सदैव नियत होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन उसका मास है इलेक्ट्रॉन का जो कि ऑलवेज कांस्टेंट है इस प्रकार से आर जो है एम उस पर एम पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो तो हर जगह कांस्टेंट है डिपेंड उस पर होता है जिसका मान बदलता है तो एम पर वह डिपेंड नहीं करेगा एम को आप छोड़ दो इसके बाद है एल एल क्या है चालक तार की लंबाई तो एल चालक तार की लंबाई है तो नेचुरली चालक तार की लंबाई पर वो डिपेंड करेगा क्यों क्योंकि चालक तार की लंबाई को आप बड़ा भी कर सकते हो और तार की लंबाई को आप छोटा भी कर सकते हो तो प्रतिरोध एल पर निर्भर करेगा प्रतिरोध का मान एल पर निर्भर करेगा यहाँ पर मैंने छोटा सा टिक कर दिया एल पर वो निर्भर करेगा अब देखो एन एन क्या है इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये सब मैं आपको पढ़ाया था जब अनुगमन वेग पढ़ाया था तो ठीक है तो इकाई लंबाई पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो भी कांस्टेंट होगा मान लो मेरे पास कापर का तार है तो कापर के तार के इकाई लंबाई में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन घटेंगे बढ़ेंगे नहीं हाँ धातु को बदलने पर पदार्थ को बदलने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगा लेकिन एक चालक तार के लिए तो उसका मान सदैव क्या होगा नियत होगा इसलिए यहाँ पर भी कांस्टेंट है वो भी मैंने घेर दिया अब ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वह भी कांस्टेंट है क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट है तो उस पर भी निर्भर नहीं करेगा अब हम आगे देखें किस पर तो ए पर तो ए पर निर्भर करेगा ए क्या है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है दैट मीन्स यदि हम चालक तार की मोटाई को कम या ज़्यादा करें तो हमारे ऊपर है मोटा तार भी ले सकते हैं पतला तार भी ले सकते हैं तो चालक तार की लंबाई पर वो डिपेंड करेगा उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा और यह है श्रांति काल तो श्रांति काल पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि श्रांति काल स्वयं ताप पर निर्भर करता है ताप बदलने से श्रांति काल बदल जाता है और जब श्रांति काल बदल जाता है तो प्रतिरोध भी नेचुरली बदल जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर देखो प्रतिरोध का मान तीन चीजों पर निर्भर करता है अब एक एक करके हम इसमें डिस्कस करें कि वो किस प्रकार से निर्भर करता है तो पहला देखो पहला आर क्या है लंबाई के समानुपाती है क्योंकि लंबाई अंश में है तो R प्रोपोर्शनल टू L कहने का मतलब ये हुआ कि चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर अब इसको मैं शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ उसको आप समझ सकते हो कि चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है मतलब जैसे जैसे तार को हम लंबा करते जाएंगे तो वो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा इसीलिए आपने देखा होगा कि दूर तक जब हम कनेक्शन लेके जाते हैं कभी आपने गांव में देखा होगा या गांव में रहते होंगे तो कई बार क्या होता है हम लोग मान लो किसी मैदान में क्रिकेट का मैच कराना चाहते हैं रात को तो हम कहीं से कनेक्शन लेके दूर तक कनेक्शन लेके बांस के डंडे पर लगा लगा के दूर तक कनेक्शन ले गए तो वहाँ पर आप देखोगे कि लाइट की रोशनी कम हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि हमने इतना लंबा तार यूज़ कर दिया कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ गया और प्रतिरोध बढ़ गया तो नेचुरली यहाँ पर क्या होगा करंट कम मिलेगा अपने को तो चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर इसीलिए तो आगे बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाया जाता है मैं आगे पढ़ाऊंगा जब धीरे धीरे आप इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ते जाओगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है मतलब चालक तार की लंबाई कंप्लीटली जो है प्रतिरोध को प्रभावित करता है क्लियर समानुपाती होता है अब देखो दूसरा क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल क्या है नीचे है हर में है तो उसके विपाति होगा दैट मीन्स आर प्रपोर्शनल टू वन अपान ए आर प्रोपोशनल टू वन अपान ए कहने का मतलब क्या है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे हम चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते जाते हैं प्रतिरोध कम होते जाता है दैट मीन्स यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ा दिए प्रतिरोध कम हो जाएगा मतलब यदि हम मोटा तार यूज करने लगे तो मोटा तार यूज करने से प्रतिरोध कम हो जाएगा इसीलिए दूर तक कनेक्शन लेने के लिए हम मोटे तार प्रीफर करते हैं पतला तार का उपयोग नहीं करते मजबूती उसको प्रदान करना अलग मैटर है ऐसा मत समझना कि दूर तक ले जाने के लिए मोटा तार इसलिए उपयोग की एक मजबूत रहे मजबूत रहना अलग मैटर है लेकिन तार का जब मोटाई अधिक होगा उन पर तार का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा मतलब हम उसमें ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा पाएंगे ठीक है तो यह होता है इसके विक्रमणुपाति और तीसरा जो होता है वह किस प्रकार से निर्भर होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझना एक्चुअल में यह जो श्रांति काल है यह स्वयं दूसरे पर निर्भर रहता है तो पहले तो यह देखें कि यह किस पर निर्भर रहता है तो श्रांति काल जो होता है टा वह व्युत्मण होता है टी के टी मतलब ताप ताप के व्युक्रमण होता है भाई यह कैसे होता है ताप को बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है क्यों ऐसा होता होगा क्योंकि मान लो आप चालक तार के ताप को बढ़ा दिए ताप को बढ़ा दोगे तो चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे मतलब उत्तेजित हो जाएंगे और उत्तेजित होने के बाद वो तेजी से गति करने लगेंगे तेजी से गति करने के कारण वो जल्दी जल्दी जाके टक्कर करेंगे मतलब टकराने का समय अंतराल घट जाएगा तो ताप को बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाता है और देखो श्रांति काल के घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा श्रांति काल के घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा दैट मीन्स ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा सीधी सी बात है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू T ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है मतलब यदि चालक तार को गर्म कर दिया जाए या चालक तार के ताप को बढ़ा दिया जाए तो चालक तार के ताप को बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वह भी बढ़ जाता है चालक तार के ताप को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है इसीलिए गर्मी के दिनों में हमको करेंट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि पूरे हमारे सर्विस वायर गर्म हो जाते हैं और प्रतिरोध मान बढ़ जाता है इसका उल्टा भी सही है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसका ताप अधिक होता है इसीलिए ज़्यादा प्रतिरोध वाले चालक तार गर्म हो जाते हैं जैसे नाइक्रोम है टंगस्टन है जो कि हाई रजिस्टेंस वायर हैं इनको हम हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स मतलब ताप दीप्त तत्व मतलब इनमें यदि हम क्या करें धारा प्रवाहित करें तो पूरा विद्युत क्या होता है ताप में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर है ये अधिक ताप का पदार्थ है तो इस प्रकार से प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है तो इसके प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो एक एक लाइन में इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से इसका बिहेवियर होता है ठीक है चलिए ये भी आप लिख लो या स्क्रीन शार्ट ले लो फटाफट जिसके समानुपाति होता है उसके बढ़ाने से बढ़ जाता है और जिसके विक्रमानुपाति होता है उसके बढ़ाने से घट जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखो प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी क्या होता है प्रतिरोधकता या इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता तो प्रतिरोधकता है क्या अभी हमने दो प्रभावित करने वाला कारक पढ़ा आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए ये पढ़ा अब यदि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए हो जाएगा इस तरह से आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए हो जाएगा तो आर इक्वल यहाँ पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो कांस्टेंट रो है और रो इन टू एल अपान ए, ए होगा तो ये जो रो कांस्टेंट यूज किया गया है इसी रो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं इस प्रकार से यदि हम रो का वैल्यू निकालना चाहें तो देआर फोर रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल ये रो का फार्मूला होता है ये रो का फार्मूला होता है और इसका यूनिट होता है ओम मीटर इसका यूनिट है ओम मीटर क्लियर ये तो हो गया रो अब इसकी यदि हम परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा किस तरह से हम कर सकते हैं ध्यान से देखना परिभाषा करने के लिए हम क्या करते हैं इसके केवल आर को छोड़ के बाकी को इकाई ले, ले लेते हैं तो यदि हमने सपोज कर लिया कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है तथा उसका लंबाई भी इकाई है मान लो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई है और चालक तार की लंबाई भी इकाई है तो दोनों को यदि हम इकाई ले लें ए को और एल को दोनों को इकाई ले लें तो देयर फॉर उस कंडीशन में इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं अब इसकी परिभाषा में हम कहेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं क्लियर मतलब सीधी सी बात क्या है कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा चालक तार है जिसका लंबाई इकाई है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है मान लो चालक तार का लंबाई भी इकाई है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है और दोनों यदि इकाई हो तो उस कंडीशन में उसके प्रतिरोध को हम प्रतिरोध न कह के विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे ठीक है ओके यह है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बाद इसके साथ में कनेक्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है विद्युत चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी भी कहते हैं या विशिष्ट चालकता भी कहते हैं इसको जैसे विशिष्ट प्रतिरोध वैसी विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहा जाता है या विद्युत चालकता विद्युत चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे रो से सॉरी सिग्मा से और सिग्मा इक्वल टू होता है वन रो तो बहुत छोटा सा डेफिनेशन है यह विशिष्ट प्रतिरोध पर ही डिपेंड करता है इसका परिभाषा क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्योंकि देखो वन अपान में है यह तो सीधी सी बात है भाई प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का जो इन्वर्स होगा वही चालकता होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं ये इसका सीधा सीधा परिभाषा है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्यक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है इसका यूनिट है ओम मीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स या एक साथ ओम मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं या इसको मोह मोहो भी कहा जाता है इस प्रकार से भी इसको ओम इन्वर्स को मोह भी लिखा जाता है स्पेलिंग उल्टा करके तो यह कहलाता है विशिष्ट चालकता इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना कि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बेस पर ही निकाले जाते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक के बेस पर ही निकाला जाता है तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ओम का नियम यहाँ पर हमने ओम के नियम को कंप्लीट पढ़ लिया और यहीं पर इसकी पूर्णता हो जाती है समझ लो इसके बाद हमको प्रतिरोधों का समूहन और ये सब पढ़ना होता है तो ये आज का टॉपिक हमारा स्पेशली ओम के नियम पर था मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हम एक क्लास कंप्लीटली ओम के नियम पर लेंगे एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ ध्यान से सुनो ओम का नियम ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के, के भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाएगा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है ये हमने इसको एक्सप्लेन किया कंप्लीट आपको किस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन होता है इसके बाद हमने क्या किया ओम के नियम को प्रूफ किया ये इसका वर्किंग स्टेप है ये हमने बताया कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फार्मूला ट्रिकी इसके बेस पर यह प्रूफ होता है ये बहुत शार्ट ट्रिक्स है इसकी सहायता से बहुत आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हो बुक में बहुत लेंदी दिया रहता है ठीक है उसके बाद यह है हमारा इसका प्रूफ और इसके बाद हमने देखा प्रतिरोध की निर्भरता प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और इसकी निर्भरता के बेस पर हमने प्रतिरोधकता पढ़ा रजिस्टिविटी पढ़ा और रजिस्टिविटी के बेस पर हमने कंडक्टिविटी पढ़ा तो यह है कार्बन प्रतिरोध हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन कार्बन प्रतिरोध अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये विद्युत धारा में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव या प्रतिरोध ताप गुणांक हमको पढ़ना है विशेष रूप से प्रतिरोध ताप गुणांक ये क्या होता है अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि प्रतिरोध पर ताप का किस प्रकार से प्रभाव होता है या ताप का प्रतिरोध पर किस प्रकार से प्रभाव होता है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या कहते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा हो वो ज़्यादा ताप उत्पन्न करता है वो ताप धारा प्रवाहित करने पर हीट प्रोड्यूस करता है गर्म हो जाता है ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिरोधकता पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी ये हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखें कि रजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है और रजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे हमको प्रतिरोधकता पर भी पता चल जाएगा और इसकी सहायता से हमको प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित करना है प्रतिरोध ताप गुणांक से कई बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरोध ताप गुणांक निकालने के लिए नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा ध्यान रखना यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखते हैं सबसे पहले चूंकि हमको यह रिलेशन पता होता है आर इक्वल टू होता है आर नाट वन प्लस अल्फा टी यदि आपको इलेवेंथ क्लास का याद हो तो मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूँ एल इक्वल टू एल नाट वन प्लस अल्फाटी ये क्या होता है ये एक फार्मूला है एल इक्वल टू एल नाट वन प्लस अल्फाटी ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने इलेवंथ क्लास में ताप वाले चैप्टर में ताप और उष्मा वाले चैप्टर में जहाँ पर हम उषमा चालन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम तीन प्रकार का प्रसार गुणांक पढ़ते हैं रेखी प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तो रेखी प्रसार गुणांक में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं ये एल इक्वल टू एल नॉट अंडर ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी शायद आपको याद होगा ठीक है अब यहां पर देखो इसी फार्मूला के कॉन्सेप्ट पर ये फार्मूला को लिखा गया है बस यहां पर एल क्या है किसी तार की लंबाई है और यहां पर आर क्या है किसी चालक तार का प्रतिरोध है यहां पर जो आर लिखा गया है वह आर टी ताप पर यदि हमारा चालक तार टी टेम्परेचर पर है तब उसका प्रतिरोध है जिसको हम आर टी भी लिख सकते हैं और खाली आर भी लिख सकते हैं चाहो तो मैं नीचे में छोटा सा टी लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ऐसे संकेत से कई बार मैं बचता हूं वो इसलिए भी कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं आर लिख दिया और ऐसा टी लिख दिया तब तो हो गया काम भैया ये ऐसा है आर और नीचे में छोटा सा टी ऐसा लिखा मतलब उसका आर वन आर टू आर थ्री लिखते हैं ऐसा है तो कई बार हड़बड़ी में ऐसा लिख दिया तो आर इन टी हो गया तो इससे अच्छा आर ही लिखो बाकी आपके ऊपर है लेकिन आपको संकेत को पहचानना है कि आर एक्चुअल में है क्या तो यहाँ पर आर क्या है टी ताप पर चालक तार का प्रतिरोध है और आर नाट क्या है यह तो समझ में आएगा आर नाट मतलब जीरो टेम्परेचर पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध है मतलब यहाँ पर दो प्रतिरोध यूज किया गया है एक टी टेम्परेचर पर एक जीरो डिग्री टेम्परेचर पर देखो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना यह छोटा सा टॉपिक है और इसको कई लोग सुपरफिशियल पढ़ लिए ध्यान नहीं दिए इससे इतने क्वेश्चन आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं उसके बाद फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो कहाँ का टॉपिक था तो ऐसा नहीं होना चाहिए टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए बहुत ध्यान से समझना मैं इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये संकेत को इस फार्मूला से बना हुआ है तो यहाँ पर कौन कौन सा संकेत क्या है ध्यान से समझो एक बार मैं संकेतों को आपको पुनः रिपीट करता हूँ आर टी क्या है टी टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध है आर नाट क्या है जीरो डिग्री टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध है और यहाँ पर आप एक अल्फा देख रहे हो यही अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक यहाँ पर अल्फा जो है वह प्रतिरोध जैसे यहाँ पर यह रेखी प्रसार गुणांक होता है यहाँ पर अल्फा रेखी प्रसार गुणांक होता है वैसे यहाँ पर अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक है ठीक है प्रतिरोध ताप गुणांक और टी क्या है टेम्परेचर है टी यहां पर टेम्परेचर है इस प्रकार से यह रिलेशन हमको पता होता है ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं सरल करते हैं तो सरल करेंगे तो क्या मिलेगा देखो दैट इंप्लाइज अब यदि इसको सरल किया जाए तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा Rt equal, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर नाट प्लस आर नाट इंटू अल्फा इंटू टी ये हो जाएगा इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा आर नाट इंटू अल्फा इंटू टी आर नाट इंटू अल्फा इंटू टी इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नाट दैट इम्प्लाइज अब यहां से अल्फा इक्वल टू निकालें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नाट अपॉन आर नाट इंटू टी ये हो जाएगा अल्फा का फार्मूला और ये जो अल्फा है यहाँ पर ये जो अल्फा है यहाँ पर ये अल्फा क्या है प्रतिरोध गुणांक है यही अल्फा यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक है अब हम करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा तो प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बहुत लंबा है लेंदी है और उसको याद करोगे तो याद नहीं रहेगा ज़्यादा दिन तक वो उसको समझना है उसको समझना है और यदि आप उसको समझ लिए तो मैं समझता हूँ फार एवर वो तैयार हो जाएगा तो अभी मैं उसको आपको समझाऊँगा बहुत ध्यान से और मैं चाहता हूँ कि आप एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको डेफिनेशन देखो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं आप ध्यान देते हो कि फिजिक्स में परिभाषाओं को याद मत करो जो फिजिक्स में परिभाषा याद करना शुरू किया वो फिजिक्स कभी समझ नहीं पाएगा जो परिभाषाओं को समझता है और समझने के बाद अपने शब्दों में बोलने की या लिखने की क्षमता रखता है वही फिजिक्स को समझ रहा है तो ये बात को आपको हमेशा क्योंकि देखो सब चीज सिचुएशन पर है जैसे मैं आपको सिखाऊंगा इतना लंबा डेफिनेशन को मैं बहुत आपको खेल खेल में अभी याद करा दूंगा बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको समझना है ठीक है बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है ये फालतू चैटिंग वेटिंग से थोड़ा रिमूव होके इसको ध्यान से सुनो आ गया समझ में क्लास में आ गए हो टाइम आप दे रहे हो तो खुद को धोखा मत दो यहाँ पर ज़्यादा फोकस होकर वर्क करो चलो तो यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान दें कि कौन कौन से वैल्यू क्या है यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि यदि यदि हम कुछ कंडीशन यहाँ पर सपोज करते हैं क्या यहां पर हमने सपोज कर लिया आर नॉट इक्वल टू वन ओम आर नॉट इक्वल टू वन ओम आर नॉट इक्वल टू वन ओम का मतलब क्या हुआ अभी मैंने आर नॉट क्या बताया आपको आर नॉट है जीरो डिग्री टेम्परेचर पर रजिस्टेंस और जिसको हमने क्या मान लिया एक ओम मान लिया दैट मींस हमारे पास जो चालक तार है उस चालक तार का जीरो डिग्री टेम्परेचर पर रजिस्टेंस वन ओम है क्या बताया मैंने एक बार आप ध्यान से सुनो हमारे चालक तार का जीरो डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस वन ओम है अब हम लोग क्या किए उस चालक तार के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो टेम्परेचर को हमने ले लिया वन डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री पर एक ओम का प्रतिरोध हमारे पास है अब हमने उसके ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जब हम उसके ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा नेचुरली प्रतिरोध भी बढ़ेगा जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नेचुरली उसका स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा तो ये दोनों मान को हम यहाँ पर पुटअप कर दें वो भी कहाँ पर सिर्फ नीचे हर में तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा ध्यान रखना तब हमको अल्फा इक्वल टू ऊपर का मिल मिलेगा आर टी माइनस आर नाट आर टी आर आरनाट क्योंकि नीचे के दोनों क्या हो गए इकाई हो गए अब ये क्या है भाई ये है प्रतिरोध में वृद्धि ये है प्रतिरोध में वृद्धि क्यों प्रतिरोध में वृद्धि है आर टी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है और आरनाट क्या है जीरो डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध है तो ये अंतिम प्रतिरोध है ये प्रारंभिक प्रतिरोध है तो जब प्रतिरोध बढ़ गया तो अंतिम प्रतिरोध से प्रारंभिक प्रतिरोध को घटाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार से यह प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगा और यही प्रतिरोध में जो वृद्धि है यही जो प्रतिरोध में वृद्धि है वो प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है तो अब मैं परिभाषा को बहुत ध्यान से ठीक है अब मैं परिभाषा को बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ और आप उतने ही ध्यान से सुनना और समझना सुनो जीरो डिग्री टेम्परेचर पर एक ओम प्रतिरोध वाले यहाँ से बोल रहा हूँ मैं सुनो यहाँ से बोल रहा हूँ जीरो डिग्री टेम्परेचर पर एक ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के ताप में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है कितना सिस्टमेटिक मैंने पांच-छह लाइन के डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया वो भी पूरा इस सिचुएशन पर बोल रहा हूँ सच बताऊँ तो मुझे भी याद नहीं है मुझे भी याद नहीं है मैं रटा नहीं हूँ उसको यह देखता हूं और उसको बोल देता हूं ऐसे वर्ड्स याद नहीं किए कि भाई मेरे को पढ़ाना है कि चलो मैं याद कर लूँ प्रतिरोध तापगुणान का परिभाषा ये होता है ये होता है करके या फिर यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया और लिखने के बाद उसको रीड कर रहा हूँ कि भाई ये देखो ये इसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं ऐसा परिभाषा आप याद करोगे कभी फिजिक्स तैयार नहीं होगा ना समझ में आएगा ना मजा आएगा आपको तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ उसके बाद भैया ये तो ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास होता तो पता है मैं क्या करता अभी यदि आप मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो अभी मैं क्या करता पता है आपको अभी वन बाय वन रैंडम रैंडमली मैं स्टूडेंट्स को खड़े करा के पूछ देता तुम बताओ तुम बताओ करके लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पर हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद इस डेफिनेशन को एक बार और रिपीट करता हूँ उसके बाद ईमानदारी से आप में से जितने लोग अभी बिना देखे बोल सकते हैं या बिना देखे लिख सकते हैं उन लोग हैंड राइस करके मुझे इन्फॉर्म करना कि सर हम कर सकते हैं और उसको मैं मान लूंगा कि हाँ इतने लोग कर लेंगे उसमें मान लूँगा उसको क्योंकि देखो यहाँ पर किसी को किसी को धोखा नहीं देना है पूरी एक्चुअल में मैं बताऊँ आपको आदमी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं धोखा देता हर जगह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा देते रहता है तो पूरी ईमानदारी का बात है आपको लगे कि सर के पढ़ाने के बाद मैं इसको लिख लूँगा बिना देखे लिख लूँगी अभी रेस कर दो या बोल लेंगे चलो ध्यान से सुनो कुछ लोगों ने अभी कर दिया बहुत अच्छी बात है मैं चाहता हूं कि 100 परसेंट स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि एक बार सुनने के बाद हम बोल लेंगे या लिख लेंगे सुनो ध्यान से जीरो डिग्री टेम्परेचर पर एक ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है या प्रतिरोध ताप गुणांक होता है पुस्तक में तो बहुत कठिन भाषा में परिभाषा दिया रहता है मुझे मालूम है लेकिन परिभाषाओं को आप समझ के बनाना सीखो एक्चुअल में फिजिक्स का वो क्लास सबसे अच्छा क्लास है जहाँ पर स्टूडेंट क्लास में ही 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट कंसेप्ट को पूरा तैयार करके जाता है बाकी 10 परसेंट आपको रिवीजन के लिए होना चाहिए तभी वो क्लास समझ में आ रहा है वो क्लास अच्छा है ठीक है तो हमारी कोशिश रहती है अब चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम सुपरविज़न आपका नहीं कर सकते लेकिन बार बार मैं यह बात आप लोगों को बोलता हूँ कि जो इंसान खुद का सुपरविज़न स्टार्ट कर देता है जैसे मैं अपना देख भाल अपनी चिंता खुद करने लगूँ इसकी ज़िम्मेदारी किसी और को ना दूँ तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता तो आप अपनी चिंता खुद करिए और आप समझिए कि भाई मेरा क्या नुकसान फ़ायदा इसलिए आप लोग बहुत लोग बकवास चैटिंग करते हो इतने इम्पॉर्टेंट क्लास में तो मुझे तकलीफ होता है मुझे दुख होता है कि भाई उसके लिए आपके पास टाइम है 24 फोर आवर में आपके पास और भी टाइम है करने के लिए कम से कम इस इम्पॉर्टेंट टाइप को टाइम को आपको 100 परसेंट इसमें लगाना चाहिए चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत लोगों ने सही आंसर बताया ठीक है तो अब मैं एक बार और इसको रिपीट करता हूँ फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे सुनो ध्यान से जीरो डिग्री टेम्परेचर पर एक ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है या प्रतिरोध में हुई वृद्धि को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं क्लियर चलिए ठीक वेरी गुड अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आगे चलते हैं जिसका मैंने क्लास स्टार्ट करने के पहले ही जिक्र किया था वो है कार्बन प्रतिरोध एक ऐसा टॉपिक जिसका इस चैप्टर में क्वेश्चन आने का 100 परसेंट चांस रहता है चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो नीट में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा चैप्टर के बाद में लास्ट में तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं खासकर ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जिस पैटर्न के क्वेश्चन एक क्वेश्चन अभी भी बता दूंगा मैं आपको चलिए तो इस पर हम डिटेल डिस्कस करें भाई कि ये होता क्या है कार्बन प्रतिरोध होता क्या है और इसका एक और नाम है जो हमने यहां पर लिखा है देखो वर्ण कोड कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड या कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टेंस इसको कलर कोड रजिस्टर भी कहा जाता है इसको कलर कोड रजिस्टर भी कहा जाता है ध्यान से समझना यही आप हंड्रेड तैयार होकर जाओगे ये कार्बन से बना होता है इसलिए हम इसको कार्बन कोड कार्बन रजिस्टेंस बोलते हैं वास्तव में इसका जो निर्माण किया जाता है इसका मेजर पोर्शन क्या होता है कार्बन इसलिए इसका नाम ही कार्बन और कलर कोड क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें कलर की कोडिंग की सहायता से हम इसके रजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं इसलिए इसको हम कलर कोड रजिस्टेंस भी कहते हैं ठीक है चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक चित्र बनाने के बाद स्टार्ट करता हूँ पहले हम एक चित्र बना लेते हैं और वहीं से फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको ठीक है चलिए ये मैं यहाँ पर एक कार्बन रजिस्टर बना रहा हूँ मैं फिगर प्रॉपर बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को उतना ढंग से समझ सको ये देखो सिलेंड्रिकल शेप में ये आप लोगों ने देखा होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप खोल कर देखोगे तो आपको ज़रूर उसमें कार्बन रजिस्ट्रेंस मिलेगा क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट मतलब ये डिवाइस है कि इसके बिना तो कोई हमारा सर्किट बनता नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि हमको बनाना हो और उसमें हम कार्बन रजिस्टेंस ना लगाएं तो ये काम चलता ही नहीं हमारा ठीक है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो ये इस तरह से टू टर्मिनल्स होते हैं दो तार होते हैं जोड़ने के लिए ये अब इसके बाद इसमें चार अलग अलग रंगों की इसमें धारियाँ होती हैं ठीक है चार अलग अलग रंगों की धारियाँ मैं यहाँ पर बना बता देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर बना दूँ लो ग्रीन कोई भी बना सकते हैं एक मिनट एक कलर ये है इसके बाद दूसरा कलर मैंने ले लिया वाइलेट भी होता है वाइलेट थोड़ा ब्लैक कलर में कम दिखेगा लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर लेना कि हाँ भाई ये वाइलेट कलर है ठीक है ये ब्राउन कलर है मान लो ये तीसरा कलर और लास्ट में मैं गोल्डन कलर बना देता हूँ ये गोल्डन कलर है जिसको मैं लाइट येलो कलर मैंने लिया हुआ है ये तो इसमें क्या होता है चार रंगों की धारियाँ होती हैं इसमें चार रंगों की धारियां होती है पहली विशेषता और इन रंगों की धारियों को हम क्या करेंगे अलग अलग नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मैं इसमें बीच के कलर को थोड़ा सा हटा रहा हूं मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा है और इसके जगह में मैं लगा रहा हूं ब्लू क्योंकि ब्लू भी उस कैटेगरी में आता है तो चार रंगों की धारियां इसमें होती हैं ये चार रंगों की धारियों का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर देखो क्या क्या नाम इसका हमने रख दिया ए बी सी और डी तो पहली क्या बात क्या बताया कि कार्बन रेजिस्टेंस में चार रंगों की धारियां होती हैं और चार रंग फिर कौन कौन से रंग होंगे तो ये चार रंगों का अलग से लिस्ट बनाया गया कि ए बी सी के कौन से रंग होंगे और डी को अलग रखा गया तो पहले हम ए बी सी पर बात करें तो ए बी तथा सी के रंग ए बी तथा सी के रंग तो मैं सबसे पहले ये ए बी तथा सी में कौन कौन से रंग यूज हो सकते हैं इनकी सूची बना रहा हूं ठीक है तो सूची कौन कौन सा है देखो काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैगनी स्लेटी और सफेद ये जो आप दस रंग देख रहे हो यह दस रंग क्या है अभाय मिश्रा का भूला नापी हैनी बेसलेस वेरी गुड बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का जवाब आता है नीतीश वेरी गुड दैट मीन्स आप लोग बहुत पहले से हमारे क्लास देख रहे हो रिविजन कर रहे हो अच्छी बात तो ए बी तथा सी के रंग यहाँ पर जो मैं ए बी तथा सी के जो रंग लिखा हूँ ए बी तथा सी के रंग यह दस रंग आप देख रहे हैं और इन दस रंगों का क्या होता है अपना एक कोड होता है कोड होता है सबका जो कि जीरो से स्टार्ट होता है इसका कोड कहां से स्टार्ट होता है जीरो से तो काला का कोड होता है जीरो भूरा का होता है वन लाल का होता है टू है ना माइनस नहीं है इसका थ्री और इसका फिर फोर इसका फाइव इसका सिक्स इसका सेवन इसका एट और इसका नाइन अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका कोड का क्रम नहीं बदलना चाहिए क्यों आपको याद रखोगे तो जैसे मुझे याद है वैसी आप लोगों को भी इसका वर्ण क्रम का सीक्वेंस याद रहना चाहिए क्योंकि जब सीक्वेंस याद नहीं रखोगे तो फिर आपको ये कोड याद नहीं रहेगा क्योंकि आगे पीछे होंगे तो कोड गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो इसको याद रखने का दो तरीका है एक इंग्लिश मीडियम में यदि या आपको याद रखना है आपको जो आसान लगे वैसी आप याद रख लेना यदि इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है तो एक स्लोगन बना है बुक्स में भी लिखा रहता है ये बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ अब इसका सबका जो पहला लेटर है बी बी राय बी ब्लैक बी ब्राउन राय आर ओ वाई रेड ऑरेंज येलो ऑफ कनेक्टिंग वर्ड को नहीं लिखना है ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट का जी ब्रिटेन का बी ब्लू हैव वेरी गुड ठीक है वेरी का वी का वाई गुड का ग्रे ग्रे माने स्लेटी और वाइफ का डब्ल्यू डब्ल्यू माने सफेद लेकिन ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्यों मालूम बी बी राय ग्रेट ब्रिटेन तीन बार तो बी आया है तीन बार इसमें बी आया है स्वाभाविक रूप से कई बार कई स्टूडेंट कौन सा वाला बी ब्लैक है और कौन सा वाला बी ब्राउन है और कौन सा वाला बी ब्लू है गया घूम गए उतने में इसलिए भैया सीधा सीधा हम हिंदी मीडियम में उसका स्लोगन बना के रखे हैं हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी वही स्लोगन याद करने बोलता हूँ हिंदी वाला क्या वो स्लोगन है जो कई लोग अभी लिख रहे थे यहाँ पर का भूला का भूला पी हनी ना पी हनी और बैसलेस ये हमने एक एक सेंटेंस जैसा बना लिया सबके प्रथम लेटर को लेके कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं सबका पहले लेटर को ले लिया का भूला हनी अब यहां से बिल्कुल क्लियर है आप देखो का माने काला भू माने भूरा ला माने लाल काला भूरा लाल ना मतलब नारंगी पी मतलब पीला माने हरा नी माने नीला ये पीला हरा नीला बैगनी पी हनी यह है का भूला हनी बैगनी बै से बैगनी स्ले एक साथ है स्ले से स्लेटी और स से सफेद तो आप यह लिख लो का भूला नापी हनी बेस्ल आपको याद रहेगा और इंग्लिश मीडियम में ही आपको याद रखने का यदि इच्छा है तो बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ ट्रांसलेट मत करना हिंदी में ठीक है फिर <laughs> आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे अब हम देखते हैं क्या डी के रंग तो भाई डी जो है ये इसकी बिरादरी से बाहर है किसकी बिरादरी से बाहर है ए बी सी के बिरादरी से बाहर है डी बोलता है भैया मेरा अलग कलेक्शन है मैं ये तुम दस में से नहीं रहूँगा मेरा अलग ग्रुप है मैं दस में से कोई कलर को नहीं लूँगा तो डी में फिर कौन कौन से कलर होते हैं डी में तीन कंडीशन होते हैं कलर तो नहीं कंडीशन कहूं मैं पहला ये कि पहला होता है सुनहरा कलर सुनहरा मतलब चांदी दूसरा होता है सुनहरा मतलब सॉरी गोल्डन सुनहरा मतलब गोल्डन और दूसरा होता है चांदी चांदी कलर मतलब सिल्वर और तीसरा होता है अनुपस्थित अनुपस्थित मतलब डी अपसेंट।, अपसेंट भी रह सकता है ये तीन का होना कंपलसरी है लेकिन डी रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है और रहेगा तो ये रहेगा अच्छा डी क्या बताता है ये तो प्रतिरोध की गणना करता है और डी क्या बताता है ये बताता है सहनशीलता सहन सहनशीलता सहन परसेंटेज सहनशीलता जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टॉलरेंस टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता कई लोग इसको प्रतिशत त्रुटि लिख देते हैं भैया कभी मत तो लिखना प्रतिशत त्रुटि बुक में भी लिखा होगा तो काट देना उसको त्रुटि नहीं है ये कई लोग लिख देते हैं मैंने देखा है प्रतिशत त्रुटि ये, ये कार्बन रजिस्टेंस का त्रुटि एरर नहीं है ये दैट इज टॉलरेंस टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता सहनशीलता yeah. मतलब क्या होता है जैसे मैं किसी चीज को कितना बर्दाश्त कर सकता हूं उसकी एक सीमा होती है कि मैं न्यूनतम इतना बर्दाश्त कर सकता हूं अधिकतम इतना बर्दाश्त कर सकता हूं तो कार्बन रजिस्टेंस कहता है कि हर कलर का कोड के आधार पर वो बताएगा कि जितना उसका रजिस्टेंस है जितना उसका प्रतिरोध है उससे कितना कम और कितना ज्यादा वो बर्दाश्त कर सकता है मतलब उससे ज्यादा नहीं करेगा उससे वो कम नहीं करेगा तो जब सुनहला कलर होता है तो सुनहरा कलर में इसका जो परसेंटेज टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस फाइव परसेंट होता है इसकी सहनशीलता और चांदी कलर में क्या होता है प्लस माइनस टेन परसेंट होता है और जब अनुपस्थित हो तो प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट होता है मतलब यदि तीसरा कलर अप्सेंट हो यदि तीसरा कलर ना हो तो ट्वेंटी अब इसको जब तक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे नहीं समझाऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे अच्छे से इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं पहले तो इतना स्क्रीन शॉट ले लो आप या लिख लो जैसा भी है हमारा इलेवन क्लास का कोई पेड कोर्स नहीं है हमारे सारे क्लास यूट्यूब पर ही है फ्री है हंड्रेड परसेंट सिलेबस है भाई हंड्रेड परसेंट सिलेबस ए टू जेड विथ न्यूमेरिकल विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आई आई टी जेई नीट को टच करते हुए पूरा फ्री क्लास है कोई पेट कोर्स नहीं है यहीं पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप अपने सब्जेक्ट में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स ला सकते हैं उसका आप चिंता मत कीजिए चलिए अब हम यहाँ पर देखें इसका गणना कैसे करते हैं हम प्रतिरोध की गणना अब हम यहाँ पर देखें कि प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे तो प्रतिरोध की गणना के लिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लगाएंगे आर इक्वल टू ए बी इंटू टेन टू दावर सी इतना ओम और प्लस माइनस डी परसेंट टॉलरेंस ऐसे इसके आंसर को लिखेंगे अब यहाँ पर कौन सा चीज़ क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझना डिटेल नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन में नोट्स कंसल्ट करना हमारा डिटेल नोट्स हमारे एप्लीकेशन ओरिजिन द लर्नर्स हब में पूरा अवेलेबल है और वो आपको फ्री ऑफ़ कास्ट बिना किसी फीस के प्रोवाइड किया गया है ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में देख लेना बोल रहा हूँ तो उसका कोई फीस पेड करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर भी पूरा नोट्स कंप्लीटली फ्री है हम उस बच्चे को प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो बुक्स भी परचेस नहीं कर पाते तो हमारे नोट्स से ही वो हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास में लेक्चर सुनो आप और वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिलेगा एप्लीकेशन में इस तरह से आप हमारे सब्जेक्ट पर हंड्रेड परसेंट तैयार हो जाओगे बिना किसी परेशानी के तो आप वहाँ से नोट्स पढ़ लिया करो ये सब चीज़ नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ क्या शो करता है ध्यान देना यहाँ पर आप देखो ए और बी ये इकाई और दहाई के अंक हैं ये ए और बी का यहाँ पर गुणा नहीं हुआ है मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर ए बी का गुणा कर देते हैं जैसे यहाँ पर टू फोर आया टू फोर तो गुणा समझते हैं आठ लिख देते हैं ऐसा नहीं है वो ट्वेंटी फोर है कहने का मतलब यहां पर बी क्या है इकाई का अंक है और ए क्या है दहाई का अंक है मैं साफ साफ लिख दिया परीक्षा में ऐसा आप लोग मत लिखना लेकिन आपके समझने ले के लिख दिया तो ए और बी का गुणा मत कर देना मैं देखा है मैंने कई बार देखा है मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कि बच्चे दोनों को गुणा कर दिए इसलिए मैं छोटे छोटे बात को चर्चा करते रहता हूं ठीक है तो यहां पर देखो ये इसका फार्मूला है अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं चलो एक एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे तो मैं यहां पर एक उदाहरण लिखता हूं और उदाहरण मैं यहां पर पूरा लिख ही देता हूं एक कार्बन प्रतिरोध में आप लोग भी लिखो मैं बोल रहा हूं साथ में लिख लो मैं लिख भी रहा हूं बोल भी रहा हूं। एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः में क्रमशः लाल पीला नीला तथा चांदी चांदी रंग की धारियाँ हैं चांदी रंग की धारियाँ हैं तो उसका प्रतिरोध होगा तो उसका प्रतिरोध होगा यह मैंने क्वेश्चन लिखा अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आ गया एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः लाल पीला नीला तथा चांदी रंग की धारियां हैं तो उसका प्रतिरोध होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको निकालना है ठीक है चले तो अब उसको क्या करें सबका हम लिस्ट बना लें कैसे लिस्ट बनाएंगे लाल रंग का कोड लाल रंग जिसको पहला कलर है पहला कलर को ए कहेंगे तो ब्रैकेट में लिख दिया ए तो लाल रंग का कोड अब मैं कोड को डायरेक्ट लिख रहा हूं और यहाँ चार्ट से देखो ये लाल रंग है और लाल रंग का कोड कितना है टू तो लाल रंग का कोड यहां यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे टू ये लाल रंग का कोड टू हो गया दूसरा रंग क्या है पीला 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 रंग तो पीला रंग को हम क्या कहते हैं बी बी से संकेत करते हैं दूसरा कलर पीला है तो पीला रंग का कोड यहां पर देखो आपको ऐसे याद रहेगा वो तो वो तो ऐसे मैं उंगली से भर से बात कर सकते हैं कुछ नहीं है तो पीला रंग का देखो क्या है चार तो पीला रंग का कितना हो गया चार ये हो गया ट्वेंटी फोर हो जाएगा उसके बाद नीला नीला रंग जो कि सी है उसका कोड कितना है नीला भूला नापी हनी छ और इसके बाद लिख लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या है चांदी रंग का चांदी रंग जो कि डी होता है उसका टॉलरेंस लिखते हैं तो चांदी का टॉलरेंस प्लस माइनस टेन परसेंट होता है तो सबसे पहले क्या करो जो जो रंग आया है क्रम से ठीक है उनका क्या कर लो कोड लिख लो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है प्रियंका नीतीश वेरी गुड अब इसके बाद क्या करना है हमको आर का वैल्यू लिखना है तो आर का वैल्यू कैसे लिखना है आर इक्वल टू मैंने फार्मूला बताया ए बी तो ए क्या है दो तो लिख दो टू इसके बाद बी क्या है फोर तो बी के जगह में फोर लिख दो ये हो गया ट्वेंटी फोर पहला ए लिखना है दूसरा बी लिखना है फिर गुणा का निशान लगाओ और टेन के पावर में ये सी दस के घात में रहता है तो सी क्या है छ तो ये हो गया सिक्स इतना ओम इसका रजिस्टेंस हो गया रजिस्टेंस हो गया इसका चौबीस घुड़ी दस की घात छः ओम इसका रजिस्टेंस है लेकिन लास्ट में चांदी रंग है तो डी का परसेंट बताता है तो लास्ट में हम अलग से लिखेंगे प्लस माइनस टेन परसेंट यह इसका आंसर होगा इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो दो लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं तीन नंबर चार नंबर का रहता है कुछ नहीं अब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोड याद रहना चाहिए तो कोड याद रखने का मैं आपको उंगली में तरीका बता रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फटाफट आप बता सकते हो का मतलब हथेली को खुला रख लो ये हो गया का भूला नापी हनी बैसलेस उंगली जिस नंबर में गया हो उसका कोड है तो जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो उसको रंग बताओ और कोड बता देगा का भूला नापी हनी करके उंगली जहाँ गया उतना उतना नंबर लिखा उसके बाद और बहुत तरीके हैं इसके या का भूला नापी हनी बैसलेस फटाफट रफ में लिख लिए और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव लिख दिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर मैं लिखा हूँ देखो काबूला नापी हनी बैसलेस इसके ऊपर मैं कोड लिखूँ तो क्या हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन तो उसके ऊपर के नंबर को लिख दो और एक मिनट में आप उसका रजिस्टेंस बता सकते हो ठीक है तो यह है इसका प्रतिरोध का गणना प्रतिरोधों का

और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सर्किट होता है वो पूछा जाता है इसलिए आप शुरू से कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समायोजन दो तरह से होता है एक कहलाता है श्रेणी क्रम में समायोजन या संयोजन और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन तो पहला है हमारा श्रेणी संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन अब हम देखें कि किस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं तो सामान्य रूप से एक स्टूडेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा होता है सीरीज मतलब जो लाइन से होता है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बाद लाइन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ़ आप उसको देख के सिर्फ आप उसके फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आप उसको नहीं बता सकते कि वह सीरीज कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट सिर्फ उसको देख के वाच करता है कि ये सीरीज़ में है वो उसके सर्किट वाले क्वेश्चन कभी नहीं बना पाएगा तो अब सवाल उठता है कि हम उसको सीरीज़ में है करके कैसे पहचानें जब हम देख के नहीं पहचान सकते तो सीरीज़ में कैसे पहचानें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है यहां पर इसको नोट करके रखना धारा का मान जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान नियत होता है धारा का मान नियत होता है कहने का मतलब जितने भी रजिस्टर कंबाइंड किए गए हैं जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं यदि उनमें धारा का मान समान है तो निश्चित रूप से वो श्रेणी समूह में है यह पहचानने का तरीका है और यदि धारा विभाजित हो रहा है तो वो समांतर क्रम में है तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर उसको पहचाना जाता है उनको केवल देख के नहीं कभी कभी ऐसा लगता है देखने से कि वो श्रेणी में है लेकिन वास्तव में किस में रहते हैं वो समांतर में रहते हैं ठीक है मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन से उसको आपको कराऊंगा कि किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम देखें धारा का मान इसमें नियत होता है और विभव का मान विभव का जो मान होता है वह क्या होता है परिवर्तित होता है परिवर्तित होता है मतलब अलग अलग होता है ठीक है तो इसको समझने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और ये बात को आपको नोट करके ध्यान में रखना है तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम ड्रा करें इसके सर्किट ये हम रजिस्टर को इसमें अपन सीरीज में कंबाइन करेंगे और इसके साथ में फिर हम एक बैटरी और की ये सब इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे तीन रजिस्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक रजिस्टर यहाँ पर कंबाइन करेंगे दूसरा रजिस्टर हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे तीसरा रजिस्टर हम यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं तीन रजिस्टर ले लेते हैं यहाँ पर हम एक की लगा देंगे और यहाँ पर हमको बैटरी लगाना है ठीक है चलिए तो हम यहाँ पर शो करते हैं एक रजिस्टर यहाँ पर शो किए हैं ये मान लो इसका मान R1 है दूसरा रजिस्टर हमने यहाँ पर शो किया है मान लो इसका मान R2 है और तीसरा रजिस्टर हमने यहाँ पर शो किया है मान लो इसका मान R3 है इस प्रकार से R1, R2, R3 ये इसके थ्री रजिस्टर हैं ठीक है इसके बाद तुरंत बाद हम किचाव के नियम पढ़ेंगे इस नियम के बाद अब यहाँ पर क्या किया गया है एक बैटरी लगाया गया है सपोज यहाँ पर हमने पहले तो हम लगा दें बैटरी यहाँ पर लगाया सपोज हमने एक बैटरी यहां पर लगाया हुआ है और यहां पर लगा देते हैं एक की बैटरी के साथ में की लगाना अनिवार्य होता है क्योंकि बैटरी होगा तो एक कुंजी लगाना पड़ेगा जो उसको ऑन ऑफ करेगा ये अब देखो ये सर्किट है R1, R2, R3। इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं मान लो इसमें धारा का मान जो प्रवाहित कर रहे हैं वह I है तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि ये जो धारा है ये इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में समान रूप से प्रवाहित होते हुए ये रिटर्न वापस आएगा आई करेंट तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि धारा का मान नियत है तीनों रजिस्टर में धारा का मान समान है लेकिन चूंकि इसके टर्मिनल्स अलग अलग हैं मतलब इनका ज्वाइंट पॉइंट अलग अलग है तो इसका विभव भी वन है या इसका विभवान्तर वी टू है और इसका कितना है वी थ्री है इस प्रकार से आप देख रहे हो तीनों का विभव अलग अलग है मैंने यहाँ पर लिखा है कि विभव का मान क्या होता है परिवर्तित होता है धारा का मान तो नियत होता है किंतु विभव का मान परिवर्तित होता है ये आप सर्किट से समझ सकते हैं इस प्रकार से सर्किट डायग्राम में आपको यह देखना है कि सब में समान धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं यदि सब में समान धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो सीरीज में है चलिए अब इस सर्किट को देखने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर कुल विभव जो होगा यहाँ पर जो कुल विभव होगा इस परिपथ का वो कितना होगा तीनों विभव के योग फल के बराबर होगा तो यहीं से हमारा गणना स्टार्ट होता है इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो यहीं से गणना करेंगे माना के लिखने के बाद माना की में क्या लिखेंगे माना की तीन प्रतिरोध जिसके परिमाण क्रमशः आर वन आर टू तथा आर थ्री है इनमें बहने वाली धारा प्रत्येक में बहने वाली धारा आई है तथा सभी का विभव वी वन क्रमशः वी वन वी टू तथा वी थ्री आप आसानी से लिख सकते हैं या हमारे नोट्स में नोट्स को आप प्रॉपर यूज़ किया करो जो एप्लीकेशन में हमको हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है वो नोट्स आप उसको यूज़ किया करो फ्री नोट्स है उसका कोई चार्ज आपको पेड नहीं करना है वो आप देखा करो जिन लर्नर्स साहब हमारे एप्लीकेशन में पूरा नोट्स अवेलेबल है क्लियर चलिए तो गणना करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कुल 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 विभव 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 तो बराबर बराबर कितना हो जाएगा वी वन प्लस, टू प्लस थ्री। इस प्रकार से तीनों का जो विभव होगा वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री के बराबर होगा लेकिन हमको पता है कि वी बराबर होता है आई इन टू आर ठीक है हम यहां पर साइड में लिखेंगे बट व्ही इक्वल टू आई इंटू आर ये ओम के नियम से होता है वी बराबर आई इं टू आर तो इसी प्रकार से यदि हम वी वन लिखें तो वी वन को लिख सकते हैं आई इंटू आर वन क्योंकि आई तो कांस्टेंट है इसीलिए मैं बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि करेंट को कांस्टेंट होना पड़ेगा और इस तरह से यदि हम वी टू निकालें तो V2 टू इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर टू और वी थ्री इक्वल टू हो जाएगा आई इं टू आर थ्री ये सभी मान को हम यहाँ पर अब पुट अप कर देते हैं ये जो हमने लिखा है वो मान को इसमें हम पुट अप कर दें बिल्कुल एक लाइन का डेरिवेशन है बहुत आसान है दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू सॉरी वी के जगह में क्या क्या पुट करेंगे अपन आई इंटू आर वी वन के जगह में आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री ये करेंगे अब दोनों साइड से आई कॉमन होगा और दोनों साइड से आई कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस तरह से देयर फॉर हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस प्रकार से मिलेगा ये हमारा फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो श्रेणी समूहन में ये फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आप लोगों ने पहले पढ़ा है कैपेसिटर मैं आपको कैपेसिटर पढ़ा चुका हूँ तो कैपेसिटर के समूहन में कैपेसिटर के, के समूहन में फार्मूला ठीक उल्टा होता है वहां पर सीरीज में वन अपान सी इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी, टू प्लस वन अपान सी थ्री होता है यहां वो पैरेलल में होगा ठीक है उसका कारण मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि फार्मूला ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है तो यह है इसका श्रेणी समूहन का फार्मूला आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ओके चलिए आप इसका स्क्रीन शार्ट ले लो या इसको आप समझ लो आप नोट्स नोट्स से भी बना सकते हो मेरे चलिए नेक्स्ट है समांतर समूह है अगला हम देखें समांतर क्रम या पार्स इसको हम पार्स कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं पार्स तो क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभव का मान नियत होता है यहाँ विभव का मान नियत होता है और धारा का मान जो धारा का मान यह परिवर्तित हो जाता है धारा का मान परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार से ध्यान देना कि विभव तो नियत होता है किंतु धारा का मान परिवर्तित हो जाता है सर्किट से अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे होता है तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम बना लें तो सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा देखो ये अभी हम सॉरी इसमें तो हमको पैरेलल बनाना है ना तो पैरेलल को पैरेलल के हिसाब से अपन अरेंज करेंगे या तीन रजिस्टर इसमें अपन कनेक्ट करेंगे और तीनों रजिस्टर को हम एक ही पॉइंट पर ला फिर कंबाइन कर देंगे ये इस तरह से ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पर ला कर करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके साथ में एक बैटरी और एक की ये जोड़ देंगे यहाँ रेजिस्टेंस के लिए जगह बना लें रेजिस्टेंस कभी लाइन के ऊपर नहीं बनाना आप कभी भी लाइन के ऊपर ड्रा नहीं कर देना लाइन नहीं होना चाहिए उसके बीच में अभी मैं बताता हूँ कि कई स्टूडेंट किस प्रकार का मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम की लगाएंगे यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे इस प्रकार से देखो ऐसा गलती आप नहीं कर देना ये लाइन है और इसी में आप ऐसा रजिस्ट्रेंस बना दिए ये गलत है रजिस्ट्रेंस के बीच में कोई लाइन नहीं होना चाहिए ना तो बैटरी के बीच में लाइन होना चाहिए किसी के बीच में कोई लाइन नहीं होना चाहिए उनके जो संकेत हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही होने चाहिए ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम तीन रजिस्टर की जो बात कर रहे थे उसको हमने एक यहाँ पर लगाया एक रजिस्टर यह है जिसका मान R1 वन है दूसरा रजिस्टर यह है इसका मान R2 टू है और तीसरा रजिस्टर यह है इसका मान R3 थ्री है ठीक है इसके बाद यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं कुंजी के और यहाँ पर हम एक लगा लेंगे बैटरी ये एक बैटरी है इस तरह से अब यहाँ पर ध्यान देना स्पेशली केयर करना यहाँ से जब करेंट हम सप्लाई करेंगे ये करेंट जब यहाँ पहुँचेगा तो नेचुरली आप देख रहे हो कि वहाँ पर तीन रास्ते मिलेंगे करंट को वहां पर तीन रास्ते मिलेंगे तो तीनों में बराबर करंट नहीं जा सकता तीनों तीन पार्ट में विभाजित हो जाएगा जब यहां पर जाके विभाजित हो जाएगा तो एक पार्ट इसमें से जाएगा जिसको हमने सपोज कह दिया आई वन एक पार्ट इसमें से जाएगा ये सपोज आई टू है और एक पार्ट इसमें से जाएगा वो सपोज आई थ्री है तो तीनों रजिस्टेंस में यहां पर अलग अलग करेंट प्रवाहित होगा लेकिन देखो चूंकि दोनों का टर्मिनल दो ही है दो ही पॉइंट है तो इसके बीच में जो विभवांतर होगा वह भी ही होगा तो यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया देखो कि विभव का मान नियत होता है विभव का मान कांस्टेंट है देखो इस सर्किट में विभव कॉमन है कांस्टेंट है और धारा का मान क्या हो रहा है बदल रहा है हर में धारा का मान अलग अलग हो जा रहा है तो ये इसका पहचानने का तरीका है तो कभी भी आप जब सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको जब न्यूमेरिकल्स के पार्ट में चैप्टर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जहां पर मैं कई तरह का क्वेश्चन देखें वैसे ही इन दोनों को पढ़ाने के बाद एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो जनरली मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैपेसिटर में भी मैंने दिया था कैपेसिटर में मैंने से एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल यहाँ भी समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सीरीज और पैरेलल को हम कैसे पहचानते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फार्मूला ठीक है चलिए तो अब यहां पर हम गणना किस तरह से करेंगे जैसे यहां पर इसके पहले वाले टॉपिक में हमने कुल विभव निकाला था इसमें देखो इसमें हमने निकाला था कुल विभव क्योंकि सब में विभव का मान अलग अलग था इसलिए हमने इसमें कुल विभव निकाला वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लेकिन यहां पर देखो धारा तीन पार्ट में बट रहा है तो कुल धारा निकालेंगे तो यहां पर जो गणना का शुरुआत होगा ध्यान रखना यहां पर हम गणना में सबसे पहले निकालेंगे कुल धारा तो कुल धारा का जो मान है जो कि आई है वह तीन पार्ट में बंटा हुआ है तो वह आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के बराबर होगा बट बट यहाँ से देखो कि हमको ओम के नियम से पता है आई इक्वल टू क्या होता है वी अपान आर क्योंकि इक्वल टू आई इन टू आर होता है तो आई इक्वल टू वी अपान आर होगा इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हम आई वन इक्वल टू वी आर वन क्योंकि V तो कांस्टेंट है और I2 टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V आर I2 लिख सकते हैं और I3 थ्री इक्वल टू वी अपान आर थ्री लिख सकते हैं ये सभी मान को यहाँ पर पुट अप कर दें तो हमको ये फार्मूला किस रूप में मिल जाएगा I का वैल्यू हम पुटअप करेंगे व्हीन R तो V अपान R हो गया I1 का वैल्यू पुट करेंगे व्हीन आर वन प्लस आई का वैल्यू हम पुट करेंगे व्हीन आर टू प्लस आई का वैल्यू पुट करेंगे व्हीपन आर इस तरह से अब दोनों पक्षों से वी कामन होके कैंसल आउट हो जाएगा तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मिलेगा वन अपान आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री ये फार्मूला मिलेगा और ये होता है समांतर समूहन के लिए फार्मूला ये समांतर समूहन के लिए फार्मूला होता है ये ध्यान रखना ठीक है तो समांतर समूहन में उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री फार्मूला से निकाला जाएगा यहाँ पर एक ध्यान आप बात ध्यान रखना कि जब तीन प्रतिरोध प्रतिरोधों को जब सेम तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है क्योंकि इसमें उसका रेसिप्रोकल माने उसको वितक्रम के रूप में जोड़ा जाता है बाद में उसको पुनः उल्टा किया जाता है इसीलिए घर में जो सर्किट की जाती है मतलब अपने घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हम करते हैं अपने घर में जो बिजली का तार हम लगाते हैं वह समांतर क्रम में होता है हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि समांतर क्रम में रखने के दो फायदे होते हैं समांतर क्रम में घरेलू बिजली को समांतर क्रम में रखने का दो फायदा होता है पहला फायदा क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधा सीधा जुड़ जाता है और समांतर क्रम में एक बटे होके जुड़ता है तो पहला तो फायदा हो जाता है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे इस सर्किट को आप देखो मान लो इस सर्किट में ये वाले रजिस्टेंस रजिस्टेंस मानी उपकरण होता है रजिस्टेंस का मतलब देखो कई बार स्टूडेंट क्या समझता है कि रजिस्टेंस मतलब धारा को नष्ट करने वाला बर्बाद खराब करने वाला चीज है ऐसा प्रतिरोध के बारे में हमारा निगेटिव कंसेप्ट होता है भैया प्रतिरोध का मतलब होता है करेंट का यूजर जैसे हम कहीं बल्ब लगा के रखे हैं दैट इज रजिस्टेंस वो रजिस्टेंस है हम कहीं टी वी लगा के रखे हैं कहीं पर फ्रिज लगा के रखे हैं कहीं पर कूलर लगा के रखे हैं ये सब रजिस्टर हैं क्योंकि ये करेंट को यूज़ कर रहे हैं करेंट की खपत कर रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले तार को हम प्रतिरोध कहते हैं परिभाषा तो सही है रुकावट ही पैदा करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो हमको नुकसान करता है हर डिवाइस एक प्रतिरोध है हर डिवाइस एक प्रतिरोध है वहां हम एक बल्ब लगा सकते हैं इसलिए देखना कई बार सर्किट में हम प्रतिरोध की जगह ही बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब भी तो करेंट को यूज कर रहा है प्रतिरोध है तो यहां पर देखो मान लो मैं तीन बल्ब लगाया हूं R1, R2, R3 तीन बल्ब लगाया हूं जैसे हम दीपावली में डेकोरेशन के लिए झारल वाले बल्ब लगाते हैं अब उसमें यह वाला बल्ब मान लो खराब हो गया ये वाला बल्ब खराब हो गया तो वहां से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और R2 और R3 तक करंट पहुंचेगा ही नहीं तो एक के खराब होने से आगे के सब काम करना बंद कर देंगे लेकिन समांतर वाले समूहन में आप देखो कि मान लो आर वन खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आर वन से जो बहने वाली धारा है वो तो क्लोज हो गया लेकिन आर टू और आर थ्री से तो धारा बहते रहेगी और आर टू और आर थ्री डिवाइस हमारा काम करते रहेगा तो कितना महत्वपूर्ण बात है यदि हम घर के इलेक्ट्रिफिकेशन को सीरीज में कर देते हैं और सीरीज में करने के बाद यदि हमारा पहले नंबर का डिवाइस खराब हो गया तो आगे के डिवाइस तो काम करना ही बंद कर देंगे इसलिए घर का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है जो जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है हमारा वो समांतर क्रम में होता है ध्यान में रखना तो कभी भी दो नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घर के विद्युत कनेक्शन को किस प्रकार जोड़ा जाता है तथा क्यों तो आप ये दो कारण बता सकते हैं पहला कारण क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध कम होता है और दूसरा समांतर क्रम में जोड़ने से एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाद में तो मैं आपके इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बाकी चीज़ और सब न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर करूंगा ये आप लिख लो ठीक है यहाँ पर किरचाप के नाम नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको बोला था कि एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ तो चलो ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वैसे मैं बहुत बार क्लास में डिस्कस किया हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पर हम एक सर्किट बनाते हैं और ये सर्किट को ध्यान से समझना यहाँ पर यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है जो हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया रजिस्टर एक रजिस्टर में एक मिनट तीनों को मैं इस तरह से एक क्रम में लगाया तीन रजिस्टर को मैं एक क्रम में लगाया और ये कैसे हैं देखो एक रजिस्टर यह है एक रजिस्टर यह है और ये एक रजिस्टर ये है सपोज इसका रेजिस्टेंस तीन ओम है यह भी तीन ओम का है और यह भी तीन ओम का है यह एक टर्मिनल है ए और ये दूसरा टर्मिनल है बी अब इसमें आपको पूछा है तुल्य प्रतिरोध चलिए इसको हल करके बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है पहले आप ये बताओ यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है तीनों प्रतिरोध श्रेणी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर में बताइए कुछ श्रेणी बोल रहे हैं कुछ समांतर क्रम बोल रहे हैं ना चलिए देखिए वास्तव में किस में जुड़े हैं ये वास्तव में ये समांतर क्रम में जुड़े हैं इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि देख के आप ऑब्जर्व मत करना कि श्रेणी में है कि समांतर है आप उनको देख के ऑब्जर्व मत करो कि भाई मेरे को लाइन से दिख रहा है तो श्रेणी क्रम में है ऐसा नहीं है मैं बोला था कि आप धारा का विभाजन करो आप धारा को बांटो धारा को बांटने के बाद आपको पता चलेगा कि वह किस में है देखो मैं धारा को बांटता हूँ मान लो ए से हम धारा प्रवाहित किए तो ए से जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा यहाँ पहुँचने के बाद दो पार्ट में बंट जाएगा एक पार्ट ऊपर से जाएगा देखो और दूसरा पार्ट इसमें से होके गया तो ये जो ऊपर से गया वो फिर इसमें से होके जाएगा इस तीन ओम से होके जाएगा इसमें से अलग गया और यहाँ पर फिर धारा दो पार्ट बार, पार्ट में बढ़ जाएगा एक पार्ट इधर एक पार्ट से इधर इसमें फिर तीनों में अलग तो कुल मिला के भले ही वो आपको तीनों एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं लेकिन तीनों में धारा कमान अलग अलग है क्योंकि ऊपर और नीचे में जो वायर कनेक्ट किया गया है वो धारा के मार्ग को डाइवर्ट कर दे रहा है धारा के मार्ग को बांट दे रहा है तो वास्तव में देखने से वो आपको लग रहा है कि वो श्रेणी क्रम में है लेकिन वास्तव में है कि इसमें वो समांतर क्रम में बस इतनी बात आपको समझना है तो यहां पर देखो समांतर क्रम में होने के कारण इसका जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा वन अपान आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री ये होगा क्योंकि समांतर क्रम में अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ये अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपान आर इक्वल टू वन अपन आर वन तो आर वन का मान कितना है थ्री ओम तो हो जाएगा वन अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री ये हो जाएगा देयर फॉर यहाँ से वन अपान आर इक्वल टू वन अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री थ्री अपान थ्री हो जाएगा इस तरह से ये अपान थ्री अपान थ्री दैट इक्वल टू वन और इसको जब हम उलट भी देंगे तो उलटने पर आर मान उलट के वन हो जाएगा तो ये वन ओम इनका आंसर है क्लियर तो इस तरह से सॉल्व होगा ये तो ये कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है इसको देखने से लगता है श्रेणी में है लेकिन वास्तव में है किस में ये समांतर में ठीक है तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो और इसके बाद हम पढ़ते हैं किर्चाव का नियम जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है किर्चाव का नियम हाँ विभाव तो समान होंगे ना इसके टर्मिनल विभाव तो समान ही होंगे चलिए फिर हम अगले टॉपिक पर चलें और आज का हमारा मेन टॉपिक है किर्चाव का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किचाव का नियम किरचाफ का नियम मतलब समझ लो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी जान है समझ लो इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग इधर के पार्ट को हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग कहते हैं जिसमें प्रथम नियम या संधि का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहेंगे प्रथम नियम संधि का नियम किरचाफ का नियम किर्चापला किरचाफ नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब विद्युत के नेटवर्किंग के लिए इससे पहले हम जो कुछ भी पढ़े वो कम्प्लीटली ओम के नियम और ओम के द्वारा दिए गए प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट पर था लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर है ठीक है तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह से हम नेटवर्किंग करते हैं ये हम दो नियम से पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला हमारा नियम है क्या संधि का नियम ठीक है तो पहले हम संधि का नियम पढ़ लें और उसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे एक मिनट चलिए तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले प्रथम नियम प्रथम नियम को हम संधि के नियम से भी हम जानते हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जंक्शन रूल या जंक्शन ला तो भाई पहले तो हम बात कर लें जंक्शन पर कि भाई संधि कहते किसको है ठीक है कि संधि का नियम में संधि शब्द क्यों यूज किया गया है तो जंक्शन का मतलब होता है सामान्य रूप से एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक दिशा में आया जाया जा, जा सके जैसे आप रेलवे जंक्शन रेलवे जंक्शन आप नाम सुनते हो रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है रेलवे सामान्य रेलवे स्टेशन छोटा स्टेशन का मतलब होता है एक तरफ से ट्रेन आती है और उसके बाद विपरीत दिशा में दूसरे दिशा में चली जाती है लेकिन रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कई दिशाओं से ट्रेन आती हैं उस स्टेशन पर रुकती हैं जंक्शन पर रुकती हैं उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है तो सामान्य रूप से जंक्शन का सेंस इलेक्ट्रिसिटी में भी वही होता है कि क्रचाप ने बताया कि मान लो कोई जंक्शन है अपने पास और उस जंक्शन में बहुत से करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं इसके थोरिटिकल स्टेटमेंट वगैरह आप नोट्स से कंप्लीट पढ़ लेना नोट्स से नोट्स बना लेना हर क्लास में दो बार तीन बार याद दिला रहा हूँ कि हम आपको एक सिस्टमेटिक नोट्स अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा चुके हैं आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ आपको फ्री नोट्स अवेलेबल है कोई सिंगल रुपीस आपको नोट्स का पेड नहीं करना है सब सिस्टमेटिक है इवन आपके पास बुक्स भी नहीं होंगे तब भी आप उस नोट्स से पढ़ के हंड्रेड मार्क्स गेन कर सकते हैं हमारा लेक्चर प्ल। प्ल। प्लस हमारा नोट्स यदि हमारा लेक्चर और हमारा नोट्स यदि आप प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो आपको पूरे 100 परसेंट मार्क्स स्कोर हो जाएंगे हम तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आपको क्लास में करा रहे हैं ठीक है कहीं कुछ भटकने का जरूरत आपको नहीं है तो नोट्स वहाँ से अच्छे से कर लेना और यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकल पोर्सन को एक्सप्लेन करता हूँ देखो तो सबसे पहले हम बना लें एक संधि तो किचाव के नियम के अनुसार हम यदि एक संधि का निर्माण करें तो मान लो इस तरह से कोई संधि है अपने पास ये देखो इसको समझने के साथ साथ याद करने के साथ साथ आपको बहुत ध्यान से समझना भी है यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पॉइंट ये ये संधि है अब इसमें हम कुछ करेंट ये एक करेंट है जिसका मान मैंने आई वन लिया और ये क्या है संधि की ओर प्रवाहित हो रही मैं आपको पहले धारा विद्युत के पहले चैप्टर में बताया था पहले लेक्चर में बताया था कि धारा एक अधिस राशि है लेकिन उसको दिशा के साथ हम प्रदर्शित करते हैं इसलिए कृषि आपको यहाँ पर चिन्ह परिपाटी भी बनाना पड़ा जो मैं आपको नियम समझाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है क्योंकि जब तक आप चिन्ह परिपाटी नहीं समझेंगे तब तक इस नियम का कोई काम नहीं है फिर इस नियम को केवल परीक्षा में आप लिख पाएंगे और इस पर कोई आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको किसी न्यूमेरिकल्स में किसी प्रॉब्लम में इसलिए नियम के साथ साथ आपको चिन्ह परिपाटी को भी अच्छे से समझना है तो यहाँ पर देखो एक जंक्शन है इसमें आई वन करेंट जा रहा है फिर सपोज़ ये आई टू करेंट हम जंक्शन की ओर प्रवाहित कर रहे हैं फिर सपोज़ ये एक करेंट है जो आई थ्री करेंट ये जंक्शन से बाहर जा रहा है इसके बाद देखो ये आई फोर करेंट इसको भी हमने जंक्शन की ओर प्रवाहित किया और ये सपोज आई फाइव करेंट है ये सपोज जंक्शन से बाहर है तो यहाँ पर देखो कुछ करेंट जंक्शन की ओर जा रहे हैं और कुछ करेंट जंक्शन से बाहर जा रहे हैं तो किचाप ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगढ़ योग शून्य होता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीज गणित योग शून्य होता है तो यहाँ पर जितने भी करंट मिल रहे हैं उन सभी करंट उन सभी करंट का जो बीज गणित योग होगा शून्य होगा लेकिन आगे किचाप ने क्या बताया कि भाई यहाँ पर जितने भी करंट मिल रहे हैं उनमें से जितने करेंट अब मैं आपको बता रहा हूँ चिन्ह परिपाटी जितने करेंट संधि की ओर जाते हैं उनको धनात्मक लेना है और जितने करंट संधि से बाहर जाते हैं जैसे यहाँ पर देखो I1, I2 और I4 संधि के तरफ जा रहे हैं तो इनको धनात्मक लेना है और आई फाइव और आई थ्री करेंट ये संधि से बाहर की ओर जा रहे हैं तो संधि से बाहर जाने वाले करेंट को हमको क्या लेना है निगेटिव लेना है इस प्रकार से संधि की ओर जाने वाले विद्युत धाराओं का योगफल संधि से बाहर जाने वाले के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसको गणितीय रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं किचाव के नियम से देअर फॉर अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी सहित हम इसको लिखें तो ये I1 वन ये आई हो जाएगा और प्लस आई ये प्लस आई टू इसके बाद आई थ्री बाहर है तो माइनस आई थ्री होगा इसके बाद देखो आई थ्री और इसके बाद फिर आई आई फोर क्या है संधि की ओर है तो आई फोर को हम क्या लेंगे प्लस लेंगे आई फोर और आई फाइव संधि से बाहर है तो उसको माइनस लेंगे और सबका बीजगढ़ योग क्या होता है शून्य होता है इस प्रकार से कृषि के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीज गणित योग शून्य होता है तो देखो सबका बीज गणित योग को हमने शून्य ले लिया लेकिन हमने जो संधि की ओर है उसको धन लिया है और संधि से बाहर को ऋण लिया है क्योंकि उन्होंने चिन्ह परिपाटी में यह बात बताया आगे हम इसको यदि हम सॉल्व करें थोड़ा सा और सभी ऋणात्मक को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें यदि सभी ऋणात्मक को दाहिने पक्ष में पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर इक्वल ये उधर चले जाएंगे दोनों तो मिल जाएगा आई थ्री प्लस आई फाइव ये अब इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं हम चाहें तो नीचे वाले को ए अदर वर्ड दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीज गणित योग ये संधि की ओर जाने वाले हैं और ये संधि से बाहर जाने वाले हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीज गणित योग संधि से बाहर जाने वाले विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है तो संधि की ओर जाने वाली विद्युत धारा संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धारा के योग फल के बराबर होता है ऐसा भी हम किचाव के नियम को कह सकते हैं और इसको यदि हम सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यह हो जाएगा सिग्मा और आई सिग्मा आई मतलब सभी धाराओं का योग वो शून्य के बराबर होता है इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन में सिग्मा मतलब योग होता है सिग्मा का चिन्ह होता है वो बहुत से चीजों को जोड़ने में काम आता है ये कहलाता है किर्चाप का प्रथम नियम तो क्लियर सबको किचाप का प्रथम नियम एक बार मैं और पुनः रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीज योग शून्य होता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीज योग शून्य होता है फिर हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी कि संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक तथा संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं ठीक है यह है किरचाप का प्रथम नियम आप स्क्रीन शॉट ले लो इसके और फिर मैं आपको इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ ठीक है कि मान लो हम किसी संधि में 10 एम का करंट अंदर प्रवाहित कर रहे हैं तो वो बाहर जाएंगे तो 10 ही बाहर जाएंगे ठीक है क्योंकि इसका आवेश संरक्षण का सिद्धांत न उसको आप उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं दस यदि हमने भेजा है तो दस उस जंक्शन में जाके जब उससे बाहर जाएंगे तो दस ही जाएंगे कहाँ जाएंगे वो थ्योरेटिकली प्रूफ है ये इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इस बात से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो इसको यहाँ मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ और इस सर्किट पर आपको बताना है चलो यहाँ पर मैं कुछ करेंट आपको शो कर रहा हूँ सपोज़ यहाँ पर ये फाइव एम का करेंट है ये सपोज़ टू एम का करेंट है ये सपोज़ थ्री एम का करेंट है और ये सपोज़ वन एम का करेंट है और ये सपोज़ फोर एम का करेंट है ये आप देख रहे हो और इसमें इसमें हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क है कि ये जो आप तार देख रहे हो मान लो वायर एक्स है ये ये एक्स वायर है ठीक वा, है यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स में धारा का मान एक्स में धारा का मान तथा दिशा होगी अब यहां पर धारा सदिश राशि है नहीं बोल देना सर तो दिशा लिखे थे दिशा का मतलब अंदर या बाहर दिशा का मतलब अंदर या बाहर फिर ऐसा नहीं कि सदीश राशि है मैं आपको शुरू दिन समझा चुका हूं कि हदीश राशि है और क्यों है यह भी बता दिया हूं चलिए साल वो करिए तो कितना होगा एक्स में धारा का मान तथा दिशा कितना होगा बताइए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए ठीक है साल वो करें चलो साल वो करते हैं बस छोड़ो इधर सपोज इसमें बहने वाली धारा आई मान लिया तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं पहले नंबर से फाइव से फाइव की धारा है संधि की ओर है तो कितना हो गया फाइव हो गया ये टू क्या है संधि की ओर है तो प्लस टू हो गया इसके बाद इसको मैं आई मान लिया तो इसको हम प्लस आई लेंगे अभी हम इसमें चिन्ह का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं कि प्लस की माइनस है तो उसको हम प्लस आई ही लिखते हैं इसके बाद इसमें चले आए थ्री थ्री बाहर की ओर है थ्री बाहर की ओर है तो ये माइनस थ्री हो गया इसके बाद देखो वन ये भी बाहर की ओर है तो कितना हो गया माइनस वन हो गया और प्लस फोर अंदर की ओर है तो फोर हो गया इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करो तो पाँच दो सात और सात में से आप एक माइनस थ्री और माइनस वन को इसके साथ कैंसल आउट हो गया सीधा चार के साथ तो पाँच दो सात उधर ट्रांसफर हो गए यह हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस सेवन एम्पियर और यहाँ पर माइनस बता रहा है कि संधि से बाहर तो एक दो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था संधि से बाहर सात एंपियर की धारा संधि से बाहर प्रवाहित होगा सात एंपियर की धारा संधि से बाहर ओके आगे समझ में तो इस तरह से ये ऐसा क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं चलिए अब हम पढ़े किरचाफ का द्वितीय नियम ये है द्वितीय नियम या पास का नियम पास सेकंड ला आर मेस जिसको हम लूप कहते हैं उसका नियम ठीक है तो क्या होता है देखो ये नियम थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है उससे ज़्यादा तो आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना वो नियम तो बहुत आसान है इस नियम को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ठीक है सबसे पहले हम देखें कि पास या लूप किसे कहते हैं पास या लूप जिसको हम बोलते हैं मेस या क्लोज मेस का मतलब होता है एक छोटा सर्किट चाहे आयताकार हो वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो वो क्या कहलाता है लूप कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का रूप लूप का मतलब होता है छोटा सा पार्ट किसी बड़े नेटवर्क का एक छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं उसका लूप कहते हैं ठीक है या एक्चुअल में मेस का मतलब ऐसा होता है मेस मतलब जैसे हम जाल बनाते हैं ना मान लो यहाँ पर यह इस तरह से मैं ये जाल बनाया ये सपोज ये एक जाल है और ये आप देख रहे हो ये तो इसमें इसका एक जो छोटा पार्ट होगा उसको वास्तव में, में मेस बोला जाता है मेस का मतलब ऐसा होता है ये है इसका एक मेस किसी नेटवर्क किसी नेट का एक छोटा पार्ट तो यहाँ पर क्लोज्ड मेस में किरचाप का रूल फिर बड़े मेस पर भी अप्लाई होता है तो क्लोज मेस पर क्रिचाव का रूल ठीक है तो ये किस प्रकार से अपने को एक्सप्लेन करना होता है देखो ध्यान से देखो क्लोज मैश रूल तो पहले तो मैं इसका सर्किट बना दूं क्योंकि सब कुछ हमको सर्किट से ही समझना है सब कुछ हमको सर्किट से ही समझना है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सर्किट यदि आप सर्किट नहीं समझें तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए सबसे पहले आपको फोकस सर्किट समझने पर ही हो देखो यहाँ पर हमने तीन रजिस्टर लगाया हुआ है एक रजिस्टर यह है इसका मान हमने R1 लिया है एक रजिस्टर यह है इसका मान हमने R2 लिया हुआ है और एक रजिस्टर यह है जिसका मान हमने R3 लिया हुआ है अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक बैटरी हमने लगाया है ये एक बैटरी हम यहाँ पर लगाया है इस लाइन में कोई बैटरी नहीं है इसका हम नाम लिख लें इस सर्किट का हम नाम लिख लें कंप्लीट पहले तो हम धारा बता दें इसका विद्युत हाँ बल मान लो ई वन है इसका विद्युत हाँ बल मान लो ई टू है इस आर वन से बहने वाली धारा मान लो आई वन है आर टू से बहने वाली धारा मान लो आई टू है और ये दोनों करेंट यहाँ से आके इस प्रकार से यहाँ से आई वन प्लस आई टू आई वन प्लस आई टू ये एक साथ बह रहे हैं और इस तरह से ये सर्किट में देखो ये नाम लिख दूँ मैं इसका ए बी C, D, E, F. साइक्लिक कार्डर में लिखना था मुझे चलो इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सिस्टमेटिक रहे तो अच्छा है तो इधर से लिख देता हूँ ए बी सी डी ऊपर ना जाए ए बी ए बी सी डी और उसके बाद फिर ये ई e, और ये एफ तो साइक्लिक कार्डर में ये तो ये है हमारा सर्किट और इस सर्किट में देखो यहाँ पर आपको दो क्लोज्ड मेस दिख रहे हैं एक मैस है ए बी सी डी ए दूसरा मैस आपको नीचे दिखाई दे रहा है सी डी ई एफ सी ये दो क्लोज मेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर किर्चाप ने क्या बताया तो उनके कथन को शब्दों में बताने के पहले मैं आपको उनके कथन को पहले गणितीय रूप में बता रहा हूँ कभी भी फिजिक्स में किसी वैज्ञानिक का बड़ा कथन आप शब्दों में मत याद करो उसको आप मैथमेटिकल लर्न करो और मैथमेटिकल रिलेशन को आप शब्दों में बोल लो क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन छोटे होते हैं ब्रेन में आसानी से स्टोर होते हैं और आप चार पांच दस लाइन का यदि आप परिभाषा को शब्दों में रटोगे तो भूलने का डर रहता है तो लर्निंग प्रोसेस फिजिक्स में ऐसा है कि मैथमेटिकल टर्म्स के थ्रू थ्योरी में जाना चाहिए नॉट थ्योरी टू मैथमेटिकल देखो मैं यहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूं कैसे यहां पर मैं इस संबंध में आपको लिख दिया बंद जाल बंद जाल ए बी सी डी ए में यहाँ पर ध्यान रखना कभी भी बंद जाल लिखोगे तो पहला और अंतिम लेटर सेम होना चाहिए कई लोग ए बी सी डी लिख देते हैं कहाँ बंद हुआ ए बी सी डी कैसे बंद होगा ए बी सी डी डी में आके रुक गया तो, तो खुला हो गया वो तो।, तो आपको कई बार बुक में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि ए बी सी डी लिख दिया गलत है वो ए बी सी डी ए ऐसा कंप्लीट आपको लिखना चाहिए तभी वो बंद होता है तो बंद जाल ए बी सी डी ए में आप यहां पर देखो कि आपने क्या बताया आई वन आर वन आई वन इंटू आर वन इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन प्रतिरोध में बहने वाली संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल R1 आर वन में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल ये I1 आई वन आर वन हो गया इसके बाद यह है आई टू आर टू यहां पर मैंने लिख दिया आई टू आर टू अभी दोनों के बीच में मैं चिन्ह नहीं लगाया हूं चिन्ह लगाएंगे उसकी परिपाटी के अनुसार यहां पर भी आपको परिपाटी समझना है और दैट इक्वल आगे हम यहां पर लिख लिए e1 और उसके बाद हमने लिख लिया यहां पर e2 e1 और e2 इसके बीच में भी चिन्ह लगेगा वहां पर भी हम परिपाटी के अनुसार वहां पर चिन्ह लिखेंगे तो चलिए यहां पर अब हम समझते हैं इसको फिलहाल यहां पर तो मैं आपको माइनस ही लगा देता हूं क्योंकि माइनस रहेगा लेकिन मैं यहां पर आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि माइनस क्यों हुआ प्लस क्यों नहीं हुआ या प्लस कब होगा अब इसको हमको शब्दों में कहना है तो मेरे एक एक वर्ड बहुत ध्यान से मैं बहुत रिलैक्स बोल रहा हूं आपको और बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं सुनो ध्यान से विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध तथा तो उसके संगत प्रतिरोध विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, देखो यह भी वही है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणिति योग अब आप बोलोगे कि सर आप तो माइनस लिखे हो और बीजगणितीय योग बोल रहे हो तो माइनस बीजगणिति योग ही हो है, है. वो चिन्ह परिपाटी से माइनस हुआ है आगे मैं आपको बताऊंगा अभी आप उसको बीजगणितीय योग समझो का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे उस परिपथ में लगे सेलों के उस परिपथ में लगे सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है क्या रटने का जरूरत है ये जो लिखा है वही तो मैं बोल रहा हूँ एक बार और ध्यान से सुनो अभी आपको याद हो जाएगा सुनो ध्यान से विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है क्लियर यह हो गया इसका रिलेशन अब इस बात को हमको समझना है कि बीच में माइनस क्यों लिखा है तो बीच में माइनस लिखा है चिन्ह परिपाटी के कारण तो किचाप ने चिन्ह परिपाटी क्या दिया उन्होंने बोला कि भाई आप इस बंद जाल में एक सिरे से चलो आप चलो मैंने अपने आप को चलाओ ये समझने का आसान तरीका है तो मान लो मैं यहां पर ध्यान से सुन रहा ना मान लो मैं यहां पर इस दिशा में चलना प्रारंभ करता हूं इस दिशा में ऐसा से लेके ऐसे चल के मैं ऐसे आऊंगा मेरे हाथ को देखो ऐसा एंटी क्लाक वाइज तो किचाप का कहना है कि आपको यदि चलते हुए जो करंट मिलेगा वो करंट यदि आपके विपरीत आ रहा है मैं इधर जा रहा हूँ और करंट मेरी ओर तो उस करंट को माइनस ले लो बोला उन्होंने बोला वो करंट आप माइनस ले लो और यदि करंट आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में जा रहे प्रवाहित हो रही है तो यदि धारा की दिशा आपके चलने की दिशा में हो तो उसको आप पॉजिटिव ले लो ऐसा उन्होंने करंट के बारे में बताया चलो अप्लाई करते हैं हम इधर चलना शुरू किए तो ये करंट हमको मिला हम जा इधर रहे हैं और करंट हमको आमने सामने मिल गया तो हम I2 करंट को निगेटिव ले लेंगे देखो हमने यहाँ पर निगेटिव लिया है निगेटिव ले लिया अब आगे बढ़ो भाई ये आगे बढ़ते 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 जब हम यहाँ पहुँचे तो इसके धारा की दिशा ये है तो हम भी इधर ही जा रहे हैं और धारा भी उसी दिशा में जा रही है तो दोनों का दिशा समान है तो उसको प्लस ले लिया तो देखो हमने इसके सामने क्या ले लिया है प्लस लिया है जिसको लिखने का जरूरत नहीं प्लस को हम नहीं लिखते हैं यह हो गया धारा के लिए चिन्ह परिपाटी एक बार और मैं रिपीट करता हूं ध्यान से सुनो यदि परिपथ में चलने पर धारा की दिशा हमारे विपरीत हो तो उसे माइनस लेते हैं और धारा की दिशा हमारी दिशा में हो तब उसे हम प्लस लेते हैं अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल पर तो किचाप ने बोला कि उसी सर्किट में फिर चलो उसी सर्किट में पुनः चलो और जब बैटरी आपको मिलेगा रास्ते में देखो जब हम इस दिशा में जाएंगे तो हमको रास्ते में ये वाला बैटरी मिलेगा और जब बैटरी में प्लस से माइनस की ओर जाओगे मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो उसके विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेना है देखो यहाँ पर E2 को ऋणात्मक लिया है क्योंकि हम यहाँ पर प्लस से माइनस में जा रहे हैं और बोला कि जब आप बैटरी में माइनस से प्लस जाओगे उसको ऐसे याद रखना जिधर जाओगे वही लेना है माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस लेना है और प्लस की तरफ जाओगे तो प्लस लेना है आगे बढ़ो आगे बढ़े हम और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर देखें हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस से प्लस में जाने के कारण हम उसको प्लस लेंगे देखो हमने इसको E1 के सामने को प्लस लिया है तो यह है चिन्ह परिपाटी अब निश्चित रूप से अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा एक क्वेश्चन आया होगा क्या आप बता सकते हो आप लोग के दिमाग में क्या क्रास क्वेश्चन आ रहा है आप बता सकते हो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए देखो क्वेश्चन आना चाहिए फिजिक्स के क्लास में आपके दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आंसर से तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आप इसको इधर चला दिए हम बंद जाल में इधर चलना चाहते हैं तो क्या होगा भाई मैं जैसा रिलेशन लिखा था अपनी सुविधा के अनुसार चलवा दिया और बता दिया देखो भाई यहाँ यहाँ माइनस है यहाँ यहाँ है प्लस है आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उल्टा चलें तो सर बताओ आप तो चलो देखते हैं उल्टा चल के अब मैं इधर से चलना शुरू किया ये जो एरो लगाए हैं उधर तो उस रिलेशन को मैं नीचे में लिख रहा हूँ ध्यान देना अब मैं इधर चला तो रास्ते में मेरे को आई वन मिला जो कि मेरे विपरीत है तो मैं लिखूँगा माइनस आई वन आर वन फिर आगे चला तो मेरे को ई टू मिला जो मेरे जाने की दिशा में है तो इसको लिखा प्लस आई टू आर टू इक्वल अब देखो पुनः उधरी चला तो अब इसमें चला तो इस बैटरी में मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं तो इसको लिखूंगा माइनस ई वन और जब इस बैटरी में जाऊंगा तो माइनस से प्लस में जा रहा हूं तो इसको लिखूंगा प्लस ई टू इस प्रकार से आप देखो ये ऊपर लिखा रिलेशन और नीचे रिलेशन दोनों अलग अलग हैं कि सेम है मुझे बताओ दोनों रिलेशन सेम है कि अलग अलग है दोनों रिलेशन एक हैं कि अलग अलग हैं बस इतना तो बता दो आप मुझे ओके okay, दोनों सेम है दैट मीन्स कोई भी साइंटिस्ट जब साइन कन्वेंशन बनाता है चिन्ह परिपाटी बनाता है तो वो ऐसा फेलियर थोड़ी है वो हर तरीके से वो एप्लीकेबल होता है लागू होता है तो वो दोनों तरीके से आप सेम है दोनों तरीके से इसका मतलब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूज मत होना जो डायरेक्शन रहेगा आपके मन को जो अच्छा लगेगा वो डायरेक्शन ले लेना कोई उल्टा बनाएगा कोई ऐसा बनाएगा दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आएगा तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं कि बुक का राइटर ऐसे बनाया है और आप वैसे ही रटे जा रहे हो कैसा करें आपको मन है तो उल्टा बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ दोनों रिलेशन से आप देख रहे हो अब हम देखते हैं एक बंद जाल और अब आपको नियम समझ में आ गया है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा है बंद जाल दूसरा बंद जाल क्या है अपने पास सी डी ई एफ सी बंद जाल सी डी ई एफ सी में बंद जाल सी डी ई एफ सी में सी डी ई एफ सी इस बंद जाल में हम बात करें तो इस बंद जाल में चलो हम लिखते हैं रिलेशन क्या होगा इधर ही से चलें तो इधर से चलेंगे तो I2 हमारी दिशा में है और प्रतिरोध क्या है R2 तो क्या हो जाएगा I2 R2 अब आगे चलो तो यह धारा हमारे चलने की दिशा में है तो I1 वन प्लस आई टू तो प्लस हो जाएगा और आई वन प्लस आई टू एक साथ है ब्रैकेट में लिख दिया और ये किस प्रतिरोध से जा रहे हैं आर थ्री से तो इनके साथ आर थ्री का एक साथ मल्टीप्लाई होगा आर थ्री और ये चले गए अब देखो इसमें विद्युत वाहक बल तो जब हम सी से चलेंगे तो सी से इधर चलेंगे तो हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो वो क्या होगा प्लस होगा E2 और उसके बाद तो इसमें कोई बैटरी है ही नहीं है तो इतना हो जाएगा तो ये इसका रिलेशन हो गया ये बंद जाल में हो गया क्लियर तो यह है किचाव का नियम और मैं समझता हूं कि किर्चाव के नियम के बाद आपको आगे का जो टॉपिक है कंप्लीटली इसी पर बेस्ड होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो अगला हमारा जो क्लास होगा कल का जो क्लास होगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पर होगा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे और एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब तक ये टॉपिक जब तक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा आप व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज को अच्छे से नहीं समझ सकते इसलिए आपको व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज को अच्छे से सॉरी सलाह को बहुत अच्छे से समझना है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मुझे पूछिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और ये आप स्क्रीन शार्ट ले लें इसको सेव करो ट्वेल्थ का मैथ क्लास होगा मैं उसके टाइम चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ वो होगा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत देखिए व्हीटस्टोन स्टोन साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन स्टोन साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या किया एक प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल को उन्होंने देखो सेतु कहा ब्रिज कहा ब्रिज सेतु आप सबको पता है रिवर पर जो हम अपन ब्रिज बनाते हैं उसी की बात इन्होंने किया और अपने सिद्धांत को इन्होंने सेतु क्यों कहा यह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी से मैं बताऊं तो आपको उतनी बात समझ में नहीं आएगी इसलिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत को ब्रिज क्यों कहा सेतु क्यों कहा तो वीट ने बताया क्या वीट स्टोन के सिद्धांत को मैं थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन करूं। इससे पहले ज़रूरी है कि हम इनके सर्किट को बनाएं और सर्किट को बनाने के बाद सर्किट के बेस पर हम इसके प्रिंसिपल पर बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा क्योंकि सिर्फ इसके कथन पर मैं बात करते रहूँ तो आप इसके सर्किट को इमेजिन नहीं कर पाएंगे फिर आपको वो अजीब लगेगा कि क्या क्या हो रहा है तो चलिए सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्किट होता है मैं आपको बिगनिंग से बात बोलते आ रहा हूं कि हर फिजिक्स का अपना एक नेचर होता है अपना एक बिहेवियर होता है यदि आपको धारा विद्युत में परिपथ वाला पार्ट को समझना है तो सबसे पहले हर टॉपकी टॉपिक का आपको एक प्रॉपर सर्किट जो होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रा करें सबसे पहले आप हो सके तो मेरे साथ हो सके तो मेरे साथ आप इसके सर्किट को बनाइए जो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ मैं सर्किट बना दूँ फिर आपको मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ कि किस किस पोर्शन में क्या लगाया गया है वो क्या है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लेकिन ये पहले हम सर्किट ड्रा कर लें इसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं ओके आप लोग भी मेरे साथ में रफ़ कॉपी में सर्किट बनाइए तो ज़्यादा बे, बेहतर है ऑफलाइन क्लास की तरह यदि आप टीचर के साथ काम करो तो आपको क्लास ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा चलिए यहाँ पर आप देख रहे हो चतुर्भुज की आकृति का डिज़ाइन आप देख रहे हो जिसमें यहाँ पर ये जो मैंने पोजीशन बनाया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा हुआ है पी इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है जिसका नाम हमने क्यू दिया इसके बाद देखो यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा ये वाले पोर्शन में यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाएंगे प्रतिरोध लगाएंगे और एक प्रतिरोध हम यहाँ पर लगाएंगे पी क्यू ये आर और ये है एस पी क्यू आर एस ये चार प्रतिरोध हैं और इन चार प्रतिरोधों को क्या किया गया है इस चतुर्भुज के चार भुजाओं में प्रदर्शित किया गया है ठीक है तो ये है क्या इसके चार प्रतिरोध क्लियर तो चार प्रतिरोध सर्किट आप बनाओ इसके बाद आप यहाँ पर देखो चार प्रतिरोध इसके चारों भुजाओं में लगे हुए हैं इसके बाद आप देख रहे हो इसके ये वाले पोर्शन में यहाँ पर हमने एक की बनाया एक दाब कुंजी है ये मान लो एक दाब कुंजी है K1, क्लियर और इसके बाद यहाँ पर हमने लगाया है एक गेलवानो ये गैल्वानोमीटर है और इस गैल्वानोमीटर में ये जी है इसका प्रतिरोध हमने कैपिटल जी लिया हुआ है क्लियर ये कैपिटल जी इसको लिया हुआ है यहां पर एक की लगाया है और यहां पर एक बैटरी लगाया हुआ है ओके तो यहां पर आप देखो चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा चतुर्भुज का हम यहां पर नाम भी दे देते हैं चतुर्भुज का नाम है ए बी सी और डी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है यहां पर एक बात ध्यान में रखना चतुर्भुज की सहायता से इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है इससे चतुर्भुज बोला जाता है आप इस बात को यूनिवर्सल फैक्ट की तरह याद मत कर लेना कि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज में ही जोड़ा जाएगा वर्ग हो सकता है वो आयत हो सकता है समानता चतुर्भुज वो इवन वृत्त भी हो सकता है लेकिन उसमें पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि दो डायगोनल बनने चाहिए दो विकर्ण बनने चाहिए तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी ए ए बी सी डी ए ये क्या है एक चतुर्भुज है जिसके एक भुजा में पी दूसरे में क्यू तीसरे में आर और चौथे में एस जोड़ा गया है और इसका एक विकर्ण यहाँ पर देख रहे हो एक विकर्ण है ए सी e. तो इसके एक विकर्ण में एक बैटरी जोड़ा गया है इसके एक विकर्ण में एक बैटरी जोड़ा गया है नीचे आप देख रहे हो सपोज ये बैटरी है इसका विद्युत वाहक बल ई होता है ये मैंने ई लिख दिया ये और एक विकर्ण जो आप देख रहे हो बी डी इसमें जोड़ा गया है एक गेलवानो कुंजी के साथ में गेलवानो जोड़ा गया है तो दो विकर्ण में से एक विकर्ण में बैटरी जोड़ा गया है एक विकर्ण में गेलवानो जोड़ा गया है अब यहां पर भीट स्टोन ने यह बताया कि अब यदि हम इसमें धारा प्रवाहित करें और धारा प्रवाहित करने के बाद यदि इसको चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम एडजस्ट करें कि चारों प्रतिरोधों का वैल्यू इस तरह से हम एडजस्ट करें कि गैलवानों में कोई विष्छेप उत्पन्न ना हो माने इसके बी डी पार्ट में कोई करंट फ्लो ना हो इसको हम ब्रिज के संतुलन की स्थिति कहते हैं तो ब्रिज के संतुलन की स्थिति में हो तो उस कंडीशन में क्या होता है ये ऊपर के दो प्रतिरोध जो आप देख रहे हो उन दोनों प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है मतलब P बटे जो Q होता है वह R बटे S के बराबर होता है तो P बटे Q बराबर R बटे S यही क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत है लेकिन ये कब होता है जब सेतु क्या है संतुलन की स्थिति में हो तो एक बार आप पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो यदि चार प्रतिरोधों को ध्यान से सुनना क्योंकि जब कथन लिखना है तो आपको इसी तरह से लिखना है और कभी भी आप इसको रटो मत कभी भी आप इसको याद मत करो बस उसको समझो और अपने शब्दों में लिखो तो हम क्या कहेंगे यदि चार प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा एस यदि चार प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा एस को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण में सेल बैटरी और दूसरे विकर्ण में गेलवानोमीटर धारा जोड़ा जाए और जब गेलवानोमीटर का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वह शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है यह कहलाता है बिट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये अब इसको हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करेंगे देखो जब हम यहाँ से आई करेंट फ्लो कराते हैं बैटरी से तो यह जो आई करेंट है वह ए पॉइंट पर पहुंचेगा करेंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझना आप ए पॉइंट पर पहुंचेगा और ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद यह दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से तो इसका एक पार्ट ये इसका एक पार्ट जिसको हम आई वन कह दिए यह चला जाएगा कहाँ बी पर यह बी पॉइंट पर चला जाएगा बी पॉइंट पर पहुंच के वह पुनः दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसमें से इसका ये वाला जो पार्ट है उसको सपोज़ हमने आई टू मान लिया और धारा मापी से होकर जाने वाले करेंट को सपोज हमने आई जी मान लिया इस तरह से अब इसका जो ये वाला पार्ट है जिसमें से आर प्रतिरोध है इसमें मान लो आई आई सी धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से ये दोनों धारा यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ से एक साथ ये आई फोर करेंट बन के फिर यहाँ पहुँचेंगे सब सब करेंट और ये वापस आई करेंट के फॉर्म में वापस आएगा इस तरह से यह है कंप्लीट सर्किट है तो सबसे पहले मैं आपको बोला कि आपको सर्किट डायग्राम प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए और एग्जाम में आपको सर्किट डायग्राम को नीट एंड क्लीन ड्रा करना है ठीक है आपको बहुत अच्छे से इसको ड्रा करना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अब हमको प्रूफ करना है विल स्टोन के ब्रिज को कि उन्होंने पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस जो बताया वो कैसे आया तो अब हम स्टार्ट करें इसका प्रूफ देखिए तो इसके प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होता है दो बार किर्चाप का प्रथम नियम लगाना होता है और दो बार किर्चाप का द्वितीय नियम लगाना होता है दो बार किर्चाप का प्रथम नियम और दो बार किर्चाप का द्वितीय नियम तो दो बार किर्चाप का नियम कहाँ लगाएंगे किर्चाप का प्रथम नियम संधि पर लगता है जंक्शन पर लगता है तो यहाँ पर दो जंक्शन हैं वहाँ पर हम किर्चाप का प्रथम नियम लगाएंगे और दो यहाँ पर क्लोज्ड मेस हैं उसमें हम किर्चाप का द्वितीय नियम लगाएंगे ठीक है तो दोनों नियम हम बारी बारी से इसमें लगाएंगे तो क्या होगा देखो सबसे पहले क्या करें एक संधि यहाँ पर देख रहे हो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये एक बी है और दूसरा संधि आप नीचे देख रहे हो डी ये ये दोनों संधि पर हम बारी बारी से कृषि का प्रथम नियम लगाते हैं ठीक है थीके? फिर देखते हैं क्या होता है तो संधि बी पर संधि बी पर किर्चाप के प्रथम नियम से किरचाप के प्रथम नियम से यह हमने ले लिया संधि बी पर किरचाप के प्रथम नियम से यह संधि बी पर हमने किरचाप का प्रथम नियम लगाया ये नहीं दिख रहा है क्या प्रथम नियम से तो किरचाप का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर जाने वाले विद्युत धाराओं का जो योगफल होता है बीज योगफल वह संधि से बाहर जाने वाले धाराओं के योगफल के बराबर होता है मैंने दोनों तरीके से आपको किसाप के नियम को पढ़ाया था तो आपको याद होगा तो देखो इस संधि की तरफ कौन कौन से करंट जा रहे हैं आई वन संधि की ओर जा रहा है और आई टू और आई जी क्या हो रहा है संधि से बाहर जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर किसाप के प्रथम नियम से आई का जो वैल्यू है वह बराबर हो जाएगा किसके आई टू प्लस आई जी के योग के बराबर क्योंकि संधि की ओर जाने वाली धारा जो कि आई वन है और संधि से बाहर जाने वाली धारा आई टू और आई जी है क्लियर अब यहाँ पर देखो चूंकि हमको पता है कि संतुलन की स्थिति में अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं किनारे में हम कारण बता दें चूंकि संतुलन सेतु जब संतुलन में हो तो संतुलन की स्थिति में धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता मतलब आई जी का मान शून्य होता है धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता दैट मीन्स आई का मान शून्य होगा तो यहां पर हम आई के मान को जीरो ले लेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा दे तब हमको ये वैल्यू मिल जाएगा आई वन इक्वल टू आई टू यह हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट तो संधि बी पर किर्चाप के प्रथम नियम से हम ये पहला रिलेशन निकालेंगे क्लियर यहां तक अब देखो मैंने बोला कि संधि डी पर किर्चाप का प्रथम नियम लगाएंगे तो संधि डी पर यदि किर्चाप का प्रथम नियम लगाया जाए तब क्या होगा देखो संधि डी पर किरचाफ के संधि डी पर किरचाफ के प्रथम नियम से पुनः यहां पर भी वही नियम लगाएं जब यहां पर भी वही नियम लगाएंगे तो संधि को ध्यान से देखो संधि में देखो ये आई थ्री धारा और आई जी धारा आई थ्री और आईजी धारा दोनों संधि की ओर जा रहे हैं और ये जो आई फोर धारा है वह संधि से बाहर जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पर आई थ्री प्लस आई जी इक्वल टू हो जाएगा आई फोर पुनः यहां पर चूंकि आई जी का वैल्यू जीरो होता है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है तो आई जी को यहां पर हम जीरो सो कर दें तो देर फोर ये क्या हो जाएगा आई थ्री इक्वल टू आई फोर दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड ये हो गया रिलेशन नंबर टू तो हमने आई वन आई टू और आई थ्री आई फोर में रिलेशन निकाल लिया ये हमने संधि का प्रथम नियम लगाया आपका प्रथम नियम लगाया अब यहां पर दो बंद जाल है देखो एक है ए बी डी ए और दूसरा है बी सी डी बी तो ये दोनों बंद जाल में अब हम इसका द्वितीय नियम लगाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोज मेस का रूल बंद जाल का नियम ठीक है तो क्या है यहां पर देखो अब बंद जाल बंद जाल ए बी क्या नाम है देखो यहां पर ए बी डी ए बंद जाल ए बी डी ए किरचाफ के, के द्वितीय नियम से किरचाफ के द्वितीय नियम को लगाए हम यहां पर तो बंद जाल ए बी डी ए में किरचाफ के द्वितीय नियम से सेकंड रूल को लगाएं तो किरचाफ का सेकंड रूल क्या होगा देखो यहां पर यहां से हम चलें तो ए से बी चलेंगे तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमने पढ़ा है कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का दोनों का गुणनफल देखो P है और धारा का मान क्या है I1 है ठीक है तो क्या हो जाएगा पी इंटू आई वन परिपथ में मैं बराबर बताता हूं ध्यान से देखो यहां चले आए अब यहां से हम नीचे आएंगे तो यह धारा मिलेगा और यह प्रतिरोध मिलेगा और धारा की दिशा हमारे दिशा के साथ हो तो प्लस लेते हैं चिन्ह परिपाटी में मैं आपको समझाया था तो यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा प्लस आई जी इंटू जी और फिर आगे चले आए तो आगे चले आएंगे तो फिर उल्टा जाएंगे इधर तो हमको माइनस मिलेगा तो माइनस आई थ्री इंटू आर वहाँ पर प्रतिरोध कितना है धारा है आई थ्री प्रतिरोध है आर और चूंकि इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ा है तो बैटरी नहीं जुड़े होने के कारण वहाँ पर विद्युत वाहक बल के मान को हम क्या लेंगे सुने लेंगे इस प्रकार से वो हम जीरो ले लेंगे दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर देखो आई जी मान जीरो होगा ये तो हर जगह हमको जीरो ही लेना है और उसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तब उस कंडीशन में रिलेशन क्या मिल जाएगा P इन टू आई वन बराबर आई थ्री इंटू आर ये दे देते हैं रिलेशन नंबर थ्री ये हो गया संबंध थ्री अब अपने पास एक बंद जाल और है देखो परिपथ में वो है बी सी डी बी तो बंद जाल बी सी डी बी में अब यहां पर हम लगाएं बंद जाल बी सी डी बी बंद जाल बी सी डी बी में किरचाफ के किरचाफ के द्वितीय नियम से किरचाफ के द्वितीय नियम से यदि हम किरचाफ का द्वितीय नियम यहां पर लगाएं तो क्या होगा देखो अब यहां देखो बी सी डी बी बी से सी की तरफ चलें तो आई टू इंटू क्यू आई टू इंटू क्यू ठीक है तो प्लस में रहेगा वो वो होगा आई टू इंटू क्यू फिर आगे चलो यहां से जब हम इधर जाएंगे तो देखो आई फोर की दिशा उसके विपरीत है तो माइनस आई फोर इंटू एफ ये होगा माइनस आई फोर इंटू एस और आगे चलें इधर चलें तो आई जी और जी का भी दिशा विपरीत होगा तो हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो बट यहाँ पर देखो पुनः अपन क्या करेंगे आई जी का वैल्यू को हम जीरो ले लेंगे तो आई जी का वैल्यू यह जीरो होगा और आई फोर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तब हमको यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा आई टू इंटू क्यू इक्वल उधर ट्रांसफ़र करो तो हो जाएगा आई फोर इंटू एस और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर फोर तो ये चार संबंध अपने को मिल जाएंगे और इन चार संबंधों के बाद इसमें आपस में हम संबंध स्थापित करेंगे तो क्या करेंगे समीकरण तीन में समीकरण चार को भाग दे देते हैं ये जो रिलेशन थर्ड है इसमें रिलेशन फोर को डिवाइड कर देते हैं तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा आप देखो ध्यान से थर्ड डिवाइडेड बाई समीकरण तीन में हम भाग कर देते हैं किसका समीकरण नंबर चार का जब समीकरण तीन में समीकरण चार का भाग देंगे तो पी इंटू आई वन ये मिलेगा अपने को पी इंटू आई वन अपान क्यू इंटू आई टू यहाँ क्यू लिख लें क्यू इंटू आई टू इक्वल टू राइट साइड में मिलेगा आई थ्री इंटू आर यह आर इंटू आई थ्री और अपान एस इंटू आई फोर अब यहाँ पर देखो ये रिलेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि I1 I2 के इक्वल है रिलेशन नंबर फर्स्ट कहता है कि I1 I2 के इक्वल है और रिलेशन नंबर सेकंड कहता है कि I3 I4 के इक्वल है तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे कहाँ से ये I1 इसके साथ में और I3 इसके साथ में तब हमको यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा दे फॉर अब हमारा संबंध होगा पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस ये और ये प्रूफ हो जाएगा यहां पर हम रीजन भी लिख सकते हैं चूंकि एक तथा दो से एक तथा दो से ये सब एक्सप्लेन कर देना चाहिए अपने को जितना अच्छा हो सके एक तथा दो से हमको क्या पता चल गया कि I1 बराबर I2 है और I3 बराबर i4 है ये बात यहां पर हम लिख सकते हैं तो P बटे क्यू बराबर आर बटे एस हो जाएगा और तो इस तरह से विथ स्टोन ब्रिज प्रूफ हो जाएगा ये हो जाएगा प्रूफ विट स्टोन ब्रिज कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम एक बार आप स्टार्टिंग से ये देख लो आप इसका स्क्रीन शाट भी ले लो और आपको प्रॉपर ऐसा ही प्रूफ करना है ठीक है हम्म चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और अगला टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज क्या होता है एक डिवाइस है एक इंस्ट्रूमेंट है और यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंप्लीटली बेस्ड होता है व्हीटस्टोन स्टोन सेतु के सिद्धांत पर इसका नाम भी सेतु अच्छा अब एक बात मैं डिस्कस कर दूं कि इसको ब्रिज क्यों कहा जाता है इस सिद्धांत को व्हीट स्टोन ने सेतु क्यों कहा व्हीट स्टोन ने इस सिद्धांत को सेतु नाम क्यों दिया तो इसको सेतु कहने का कारण क्या है कि यहाँ पर दो जंक्शन है बी और डी ओके बी और डी यहाँ पर दो जंक्शन हैं और उसके बीच में बीच में यहाँ पर जो गिलवानोमीटर देख रहे हो आप ये गिलवानोमीटर यहाँ पर सेतु का कार्य कर रहा है जैसे नदी के दो किनारे को ज्वाइंट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं पुल बनाते हैं उसी प्रकार से व्ट स्टोन ने सोचा कि भाई मैं दो जंक्शन के बीच में एक धारा माफी जोड़ के इसको बैलेंस कर रहा हूँ और इस बैलेंस कंडीशन पर भी ही पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस हो रहा है तो उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या कह दिया व्हीट स्टोन ब्रिज कह दिया इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि व्ट स्टोन ब्रिज क्या है ब्रिज इसलिए कहा जाता है कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है या ज़्यादातर मैंने देखा है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह में पूछ देते हैं भाई इसको सेतु क्यों कहते हैं तो आपको प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखो ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ब्रिज के बाद मीटर सेतु, ठीक है तो मीटर ब्रिज कंप्लीट क्या है विट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर बेस्ड है विट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कंप्लीटली बेस्ड है इसीलिए इसमें भी सेतु लगा हुआ है नाम देखो लेकिन व्ट स्टोन सेतु क्या है सिद्धांत है और मीटर ब्रिज क्या है उस पर कार्य करने वाला एक डिवाइस है तो सबसे पहले हम ये देखें कि डिवाइस बनाया क्यों गया मैंने इस उपकरण का यूज़ किया है ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के भी सिलेबस में होता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम के भी सिलेबस में होने के कारण ये आपके लिए दो तरह से फायदे का है एक तो थ्योरी एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में तो आपको लिखना ही है प्रैक्टिकल आपको करना ही है ठीक है तो आपको दोनों तरीके से इसको ध्यान से समझना है चलो तो हम देखें सबसे पहले कि ब्रिज का उपयोग क्या है तो पहले तो मैं लिख दूं इसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना इसका कार्य है और जब प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो विशिष्ट है। प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं प्रतिरोध ज्ञात करते हैं इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ठीक है आप लोग को रिपीट करा रहे हैं बहुत अच्छे से ठीक है <laughs> ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से पढ़ लो इसका आना 100% परसेंट डिसाइडेड है आपके एग्जाम में मीटर बीच की सहायता से किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध ज्ञात करने का वर्णन करो कंप्लीट तो यह है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना एक बार ध्यान से समझो आपको कंप्लीट 100 परसेंट तैयार हो जाएगा इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है इसका सिद्धांत दूसरे पॉइंट में लिखना है इसका सिद्धांत तो सिद्धांत क्या है इसका अभी मैं आपको सिद्धांत पर डिस्कस किया कि भाई इसका सिद्धांत क्या है इसका सिद्धांत है व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वह इसका सिद्धांत है मतलब P बटे क्यू बटे क्यू बराबर आर बटे एस इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है तो दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट क्या किसे करते क्या है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसका सिद्धांत क्या है तो यह वीट सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तीसरे पॉइंट में आपको बनाना है इसका परिपथ ऐसे दीर्घ दीर्घतरी प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करना चाहिए ठीक है तो यह हो जाएगा परिपथ और परिपथ किस प्रकार से होगा तो मैं परिपथ को यहां पर ड्रा कर रहा हूं और थोड़ा ध्यान से आप इसको ड्रा करो मेरे साथ मेरे साथ आप ड्रा करो तो बेस्ट है मैं सर्किट बना लूँ फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा डिवाइस क्या है कैसा है सर्किट डायग्राम बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है कभी भी सर्किट डायग्राम को आप हल्के में मत लेना कि बस ऐसे ही बना लें क्योंकि उसके बाद फिर आप मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा जब तक आप इसमें अच्छे से ड्रा नहीं करेंगे मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आपको नीट एंड क्लीन फिगर प्रोवाइड करूं ताकि आप उसी तरह का प्रैक्टिस कर सको कुछ भी रफ अप ड्रा करने के बजाय ये यहाँ पर कौन कौन सा डिवाइस लगा है कौन क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं पहले इसको कंप्लीट बनाने सर्किट को हम्म अब यहाँ पर मैं वन बाय वन बताते जाता हूँ कौन क्या है ध्यान से सुनो सबसे पहले हम बात करें इसका नाम मीटर ब्रिज है मतलब इसमें एक मीटर तार यूज किया जाता है यहाँ पर देखो जो ए बी आपको दिख रहा है वह एक मीटर का तार है ए से बी तक जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है वह एग्जैक्ट वन मीटर दैट मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर का तार है इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है मीटर ब्रिज मतलब वन मीटर तार यूज करते हैं इसकी इसका नाम मीटर ब्रिज है यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट में दो तार जोड़ा गया है और यहाँ पर एक रजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है यह है आर बी आर बी का मतलब रजिस्टेंस बॉक्स हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स तो प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है एक लकड़ी का बॉक्स होता है और इस प्रतिरोध बॉक्स में बहुत से डाट लगे होते हैं वो डाट को जब आप निकालोगे तो जिस नंबर का डाट निकालोगे वहाँ पर जो प्रतिरोध लिखा होता है वो उतना प्रतिरोध वो क्रिएट करता है या मेंटेन करता है इसके बाद आप देखो यहाँ पर दो पॉइंट है ये यहाँ पर उस अज्ञात तार को लगाया गया है जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है और मान लो वह अज्ञात तार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस ये एस वह अज्ञात तार है जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है क्लियर यहाँ तक फिर यहाँ पर एक देख रहे हैं आप वाइट कलर के लाइन से मैंने यहाँ से एक वायरिंग किया है और इसमें लगा है गेलवानो मीटर धारा मापी और साथ में ये नुकीला आप एरो देख रहे हो जिसको हम कहते हैं जे जे फॉर जाकी जाकी क्या होता है ये हमारे पेन की तरह एक छोटा सा पॉइंटेड होता है पीछे हम ला के उसमें कनेक्शन ज्वाइंट कर देते हैं और सामने क्या होता है नुकीला होता है उसे तार को टच करते हुए आगे अपन बढ़ते हैं ठीक है थीके? अब इसमें एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं ध्यान से समझना यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर एक की लगा हुआ है यह बैटरी है सी सी फार सेल और यह की है के ओके तो सर्किट कंप्लीट समझ में आ गया सबको यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं इसको ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट के विधि को आप यहाँ पर समझो सबसे पहले हम क्या करते हैं बैटरी को ऑन करते हैं बैटरी को ऑन करने के बाद हम इस प्रतिरोध बाक्स से कुछ प्रतिरोध निकाल लेते हैं कुछ भी अनडम कुछ भी वन जो भी निकाल लेते हैं शुरुआत में इसके बाद ये हमारे पास गलवानो जो होता है वह अभी जीरो पर होता है अब हम जाकी को पकड़ के एक किनारे पर टच करते हैं मतलब एक ए के पास में टच करते हैं यदि वहाँ टच करने से इसका विच्छेप बाएं तरफ हो जाए मान लो वहाँ पर टच किए तो गेलवानो में जो निडील है सुई है वो बाएं तरफ विक्षेपित हो जाए इसके बाद हम क्या करेंगे जाकी को यहाँ से हटा के इस किनारे पर टच करते हैं राइट साइड में उस समय यदि विच्छेप दाएं तरफ हो जाए या पहले बाएं तरफ हो और बाद में दाएं तरफ हो जाए दोनों चलेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो सेतु है वो बैलेंस कंडीशन पर है ये हमको पता चल जाता है बाई द वे हम जाकी को लेफ्ट में टच किए और उस समय इसका विच्छेप बाएं तरफ हुआ और जब हम जाकी को राइट साइड में टच किए तब भी पीछे बाएं तरफ हो रहा है इसका मतलब अभी सेतु संतुलन में नहीं है तब हम क्या करते हैं इस रजिस्टेंस बॉक्स से और रजिस्टेंस निकालते हैं इस रजिस्टेंस बॉक्स से और रजिस्टेंस निकालते हैं और तब तक उसको हम मेंटेन करते रहते हैं जब तक ऐसा कंडीशन ना आ जाए ओके और जब ये कंडीशन आ जाता है ये वाला कंडीशन जब आ जाता है तब हम क्या करते हैं इस जाकी को धीरे से इस किनारे से हल्के हाथ से टच करते हुए पहुंचते हैं और जैसे जैसे हम जाते हैं यहाँ पर मैं पुनः हाँ आपको बता दूँ कि मान लो ये जीरो रीडिंग है हमारा जाकी अभी बाएं तरफ विक्षेपित हुआ है तो जैसे 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 हम जाकी को आगे बढ़ाते जाते हैं तो यह निडील क्या होता है वापस लौटते जाता है और जब यह जीरो में आकर रुकता है तो जीरो में आने पर हम क्या करते हैं वहाँ जाकी को रोक देते हैं क्योंकि जीरो पर आने का मतलब है कि अब गेलवानो से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है वो शो करता है कि यहाँ पर गेलवानो में बहने वाली धारा का मानव शून्य हो चुका है मतलब सेतु संतुलन की स्थिति में हो गया है वहीं पर जाके हम जौकी को रोक देते हैं ओके तो यहाँ पर हम जौकी को रोक देते हैं और जाकी को रोकने के बाद हम करते क्या है देखो इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है मीटर स्केल भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ तो जो मीटर स्केल यहाँ पर लगा होता है ठीक है यह व्हाइट कलर से मैं यहाँ पर एक मीटर स्केल बना रहा हूँ यह एक मीटर का स्केल होता है और इसकी सहायता से हम यहाँ पर रीडिंग लेते हैं इसमें मीटर सेंटी सेंटीमीटर के इस तरह से निशान लगे होते हैं ऐसा ये स्केल लगा होता है नीचे तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ए से जे तक वो मान लो एल है तो जे से बी तक का जो लंबाई है वह हंड्रेड माइनस एल हो जाएगा सेंटीमीटर में क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर यहां पर रीडिंग हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं ठीक है तो ये ध्यान में रखना नीचे लिख क्या हो जाएगा इधर को L लिया हो जाएगा हंड्रेड माइनस एल सेंटीमीटर ये है इसका डिस्टेंस ओके अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन अब हम इसके प्रतिरोध की गणना करेंगे तो प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर तार जो यूज किए हैं वन मीटर का उसका हम इकाई लंबाई का प्रतिरोध सपोज कर लेते हैं हालांकि वो कोई काम कर नहीं रहता आगे चल के कैंसल आउट हो जाता है तो सबसे पहले हम उसको सपोज कर लें, तो गणना करें गणना में देखो यहां मान लेते हैं माना कि तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध माना कि तार के इकाई लंबाई का तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध इसमाल है हमने मान लिया कि चालक तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल एक्स है तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा एल एक्स हो जाएगा इकाई का एल है तो एक्स लंबाई का एल लंबाई का एल एक्स हो जाएगा तो यहां पर इतने का प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं तो देयर फोर देयर फोर तार ए जे ए से लेके जे तक एजे का मतलब पॉइंट ए से लेके जे तक तार ए जे का प्रतिरोध इसका जो प्रतिरोध है जिसको हम पी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो पी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू एक्स यह हो जाएगा तार ए जे का प्रतिरोध अब हम देखते हैं तार बी जे तार बी जे का प्रतिरोध तार बी जे का, का प्रतिरोध मतलब बी से लेके जे तक का उसको हम कह देते हैं क्यू तो क्यू बराबर हो जाएगा हंड्रेड माइनस एल इंटू एक्स ये होगा तो पी और क्यू निकाल लिया अब देखो हमको व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज के सिद्धांत का उपयोग करना है तो वहां पर इसके मान को पुटअप कर देते हैं तो हमको तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा ठीक है चलिए तो आगे हम देखें इसलिए व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से इसलिए व्हीट स्टोन अब हमको भी टीस सेतु के सिद्धांत को यहाँ पर यूज़ करना है दैट मीन्स पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस इसका मान भरना है तो P का मान हमने क्या निकाला है L इंटू एक्स और Q का मान निकाला है 100 माइनस एल इंटू एक्स और इक्वल R तो R रहेगा और S क्या है अज्ञात प्रतिरोध है एस अज्ञात प्रतिरोध है आगे हम इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर x x के साथ में कट जाएगा x x के साथ में और यहाँ से हमको यदि s का वैल्यू निकालना है तो देआर फॉर एस का जो मान होगा एस को इधर ट्रांसफर कर दें कि उधर चला जाएगा तो आर इंटू हंड्रेड माइनस एल और अपान एल नीचे चला आएगा एल ये इसके तार का प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि कौन कौन सा वैल्यू हमको प्रैक्टिकल से मिलेगा क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते हैं तो हमारे पास इतना रीडिंग होना चाहिए कि हम उसका कैलकुलेशन कर सकें तो प्रयोग में क्या क्या मिलेगा आर हमको कहाँ से मिलेगा आर मिलेगा हमको रजिस्टेंस बॉक्स से इस रजिस्टेंस बॉक्स से जितना रजिस्टेंस हम यूज़ किए रहेंगे मान लो वहाँ पर हम 10 ओम का रजिस्टेंस यूज़ किए हैं 10 ओम का रजिस्टेंस वहाँ से निकाले हैं तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आर का वैल्यू इसके बाद एल का जो मान है वो हमको प्रयोग से पता चलेगा जब हम प्रयोग करेंगे तो एल का मान मान लो ट्वेंटी सेंटीमीटर आया एल का मान ट्वेंटी हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे आर का वैल्यू और एल का वैल्यू पुट करेंगे तो अज्ञात तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात हो जाएगा इस प्रकार से इस प्रयोग की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं अब मान लो हमको निकालना है इसका विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है कभी एग्जाम में हमको विशिष्ट प्रतिरोध निकालने की बात करता है तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे तो सेकंड पॉइंट है इसका विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रजिस्टेंस स्पेसिफिक रजिस्टेंस निकालने का हमको फार्मूला पता है इसका फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ चूँकि रो इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल इस प्रकार से हमको मालूम है कि आर प्रपोर्सनल टू आ, एल अपॉान ए होता है इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं रो जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं तो जो रो निकालना होता है तो ए को इधर ट्रांसफर करते हैं तो आर इंटू ए अपॉन एल ये फार्मूला होता है यदि हम इस फार्मूला को यूज़ करें इस केस के लिए यदि हम इस फार्मूला को इस केस के लिए यूज़ करें तो यहां पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे देयर फोर यहाँ पर चालक तार का प्रतिरोध रो ये हो जाएगा आर मतलब अज्ञात तार होता है लेकिन अज्ञात तार का प्रतिरोध को हमने यहां पर एस निकाला है तो यहां पर हम इसको एस बुटअप कर देंगे और ए क्या है तार का क्षेत्रफल तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो मान लो तार की त्रिज्या इसमाल एयर आर है ठीक है तो इस्माल आर यदि आर की त्रिज्या है तो यहाँ पर हम आर के ए के जगह में क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर ये और एल तो उसकी लंबाई है तो एल लंबाई को हम इस तरह से लिखेंगे तो ये इसका फा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा इसको यदि हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये तो फाइनल इक्वेशन है क्योंकि एस हम यहाँ से गणना कर चुके रहेंगे और एस हम यहाँ से गणना कर चुके रहेंगे तो एस के मान को यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे एस का मान निकाल के वहाँ पर पुटअप करने से ये फार्मूला हमको कैलकुलेट हो जाएगा या इसको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं रो इक्वल टू एस के मान को अभी पुट कर दो तो आर इंटू ये क्या हो जाएगा आर इंटू हंड्रेड माइनस एल आर इंटू हंड्रेड माइनस एल और अपान एल ये किसका वैल्यू हो गया एस का और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर अपान एल पाई आर स्क्वायर अपान एल हो जाएगा एस के वैल्यू को तो डायरेक्ट हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं आर इंटू हंड्रेड माइनस एल इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मतलब एक ही हुआ ये लेंदी फार्मूला है हम इस फार्मूला से निकालते हैं क्यों क्योंकि एस का वैल्यू तो हमको ज्ञात होना ही है जब तक हम एस का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे जब तक हमको प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तब तक हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निकाल सकते इस प्रकार से इसको निकाला जाता है क्लियर तो यह है विशेष प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला मैथ्स का क्लास कल से स्टार्ट होगा मैथ्स का क्लास कल से लूँगा और मॉर्निंग में नहीं लूँगा फाइव ए एम में जो हमारा मैथ्स का क्लास चल रहा था वो नहीं अब इसके बाद आपको नाइन पी एम से मैथ्स का रेगुलर क्लास मिलेगा क्लास ट्वेल्थ का फिर इलेवंथ भी स्टार्ट करेंगे तो क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का क्लास आपको कल से कल के क्लास से आपको इवनिंग में मिलेगा हम मैट्रिक्स में पहुंचे हैं मैट्रिक्स से आगे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे तो कल के मैथ्स के क्लास में आप आ सकते हैं ओके अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि जब इसको आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो सावधानियां भी पूछता है तो दो सावधानी दो तीन सावधानी भी इसमें हमको लिखने चाहिए क्योंकि चार या पांच नंबर के जब दीर्घ उत्तर प्रश्न आता है तो साथ में दो सावधानी भी लिखने के लिए पूछता है मैं आपको ओरल बता देता हूं बाकी आप उसको लिख लेना पहला सावधानी यह है कि जाकी को तार से रगड़ना नहीं चाहिए पहला सावधानी यही है कि जाकी को तार के साथ में रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जाकी को तार के साथ में आप रगड़ोगे तो उसके फ्रिक्शन से उसके घर्षण के कारण तार गर्म हो जाएगा और जब तार गर्म हो जाएगा तब क्या होगा उसका प्रतिरोध प्रभावित होगा तो पहला काम है कि जाकी को तार से रगड़ना नहीं है हल्के हाथ से टच करना है दूसरा जितने भी पैच होते हैं पैच मतलब उसके जो की होते हैं जो की वो सभी की प्रॉपर टाइट होने चाहिए जैसे रजिस्टेंस बॉक्स है अब रजिस्टेंस बॉक्स से जब हम रजिस्टेंस निकालते हैं तो रजिस्टेंस निकाले या बाकी रजिस्टेंस मान लो अच्छे से टाइट नहीं है तो लूज कनेक्शन रहेगा तो वो रजिस्टेंस भी उसमें काउंट हो जाएगा इसलिए सभी डॉट अच्छे से टाइट होने चाहिए ठीक है लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए वैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होता है कि कनेक्टिविटी कहीं पर लूज नहीं होना चाहिए लूज कनेक्टिविटी से हमारा प्रयोग प्रयोग अफेक्टेड होता है आपने घर में भी इलेक्ट्रिफिकेशन में देखा होगा कि कहीं पर स्पार्किंग हो रहा है लूज कनेक्शन है प्लग में आपने प्लगिंग किया हुआ है वहाँ पर यदि स्पार्किंग हो रहा है तो गर्म होता है स्विच ख़राब हो जाते हैं तो लूज कनेक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी में कहीं होना ही नहीं चाहिए ये तो कॉमन प्रिकॉशन है इसको तो हमको करना ही चाहिए ओके चलिए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध या सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है धारा के मार्ग में रुकावट होता है और रेजिस्टेंस हम ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ओम ने रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया यहाँ पर एक नई बात अपने को समझना है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रजिस्टेंस इसका मतलब अभी तक हम जो रजिस्टेंस पढ़े वो वास्तव में वाह्य प्रतिरोध है उसे हम क्या कहते हैं वाह प्रतिरोध कहते हैं वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है माने सर्किट के बाहर जो रजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है <coughs> तो भाई इंटरनल रजिस्टेंस क्या होता है नाम से स्पष्ट है कि इंटरनल मतलब अंदर का सेल के अंदर का प्रतिरोध तो सेल के अंदर में किस तरह का प्रतिरोध होता है पहले हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लें कि सेल के अंदर में प्रतिरोध कैसे क्रिएट होता होगा और कैसे है क्या है ये ये बात आप सबको पता है कि सेल का जब निर्माण किया जाता है तो विद्युत अवघटन की सहायता से सेल का निर्माण किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से हम सेल बनाते हैं दैट मीन्स सेल के अंदर में क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर कैथोड और एनोड इस तरह से डुबाए जाते हैं और इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन ये मान लो कैथोड और एनोड हैं और इसमें कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स अपन भरते हैं जिसको हम हिंदी में विद्युत अपघट्य कहते हैं तो जब इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा जाता है ठीक है सपोज इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य भरा गया है ये हमने कुछ सिंबॉलिक फिगर बना दिया और इस तरह से और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जब इसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो विद्युत अपघटन की क्रिया में हम ये देखते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ये टू टर्मिनल्स हैं सपोज बैटरी के सपोज पॉजिटिव और निगेटिव ये टू टर्मिनल्स हैं इस तरह से तो जब बैटरी का निर्माण किया जाता है तो बैटरी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है विद्युत अवघटन की प्रिया हो, क्रिया होती है जब आप में पढ़ते हैं विद्युत अवघटन क्या है इलेक्ट्रोलिस तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और यहाँ पर ये यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो फिर कैथोड से एनोड की ओर चलने लगते हैं सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है अट्रैक्ट होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगता है इस तरह से इनके बीच में कंडक्टिविटी इसके बीच में विद्युत का चालन संभव होता है तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैथोड और एनोड के बीच में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव मूव होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने के कारण जो उसके मार्ग में अवरोध होता है मतलब केमिकल्स के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है वही अवरोध क्या कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इस आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम कैपिटल आर्ट से प्रदर्शित करते हैं किसको वाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर्ट से हम वाह्य प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनल रजिस्टेंस को हम स्मॉल आर्ट से प्रदर्शित करते हैं अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है तो इसके लिए हम एक और छोटा सा सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं यह सर्किट डायग्राम आप ध्यान से समझना सपोज हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया यहाँ पर हम एक बैटरी जोड़ दिए बैटरी के साथ में की जोड़ दिए और यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस भी यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरह से सपोज़ ये एक वायर प्रतिरोध है यह एक वायर प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है और हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया ये इस बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध इस्मॉल आर है और साथ में हमने यहाँ पर एक की जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए ये छोटा सा हमारा एक सर्किट है इस सर्किट में कैपिटल आर का वाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट किया गया है उसका आंतरिक प्रतिरोध उसका इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर है और उसका विद्युत वाहक बल क्या है कैपिटल ई है अब देखो इस बैट इसके सिरे का जो विभवान्तर होगा ये दो टर्मिनल हैं ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी तो जब सर्किट ओपन सर्किट होगा जब खुला परिपथ होगा तो उसका विभवान्तर भी यहाँ पर हमने इसका दोनों टर्मिनल का विभवान्तर को सपोज हमने क्या मान लिया है भी अब जब सर्किट क्लोज होगा तो वहां पर विद्युत वाहक बल कार्य करेगा और यहां पर हम मान लेते हैं कि इस परिपथ में मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है यह हमने मान लिया अब यहां पर हमको गणना करना है इसके आंतरिक प्रतिरोध का तो आंतरिक प्रतिरोध का गणना करने के लिए सबसे पहले यदि सेल खुले परिपथ में हो यदि सेल खुले परिपथ पर हो मतलब ओपन सर्किट पर हो यदि सेल खुले परिपथ पर हो तो उस कंडीशन में ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर होता है ठीक है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा व्ही अपान आर उस कंडीशन में इसमें बहने वाली धारा आई इक्वल टू हो जाएगा व्ही अपान आर ये हो जाएगा सेल जब क्या हो खुले परिपथ में हो अब हमने क्या किया सर्किट को क्लोज कर दिया मतलब स्विच ऑन किया इसमें तो स्विच ऑन करने पर सेल बंद परिपथ में होगा तो जब सेल जब सेल बंद परिपथ जब सेल बंद परिपथ में हो तो उस कंडीशन में उसमें बहने वाली धारा अब विद्युत वाहक बल कार्य करेगा ई और अपान उसका प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्यों होगा दोनों दोनों क्यों जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है वाह्य प्रतिरोध जो सर्किट में वाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएंगे सीधे एड हो जाएंगे इस तरह से आप देखो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड इसलिए एक तथा दो से इसलिए एक तथा दो से मतलब हम क्या करें अब दोनों की तुलना कर दें तो दोनों से हमको ये पता चलेगा कि यह भी आई का मान है देखो यह भी आई का मान है और वह भी आई का मान है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब हमको मिल जाएगा व्हीॉन आर इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर ये मिलेगा अब यहाँ पर हम इसका तिरक गुणा कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इस तरह से तो यह हो जाएगा दैट इम्प्लाइज इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो वी इंटू आर प्लस वी इंटू स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा ई e इंटू कैपिटल आर ये होगा अब इसको उधर ट्रांसफर करें तो आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा दैट इंप्लाइज v इंटू आर इक्वल इसको इधर ट्रांसफर करें v इंटू स्मॉल आर को लेफ्ट साइड में रखें v इंटू स्मॉल आर को लेफ्ट साइड में रखें इसको इधर ट्रांसफर करें और कैपिटल आर को हम कॉमन कर लें तो कैपिटल R को कॉमन करने पर ये हो जाएगा e माइनस वी इस प्रकार से वी इंटू स्मॉल आर इक्वल टू केपिटल आर इंटू अंडर ब्रेकेट ई माइनस वी होगा दैट इम्प्लाइज अब हमको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है तो वी को इधर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा आर अपान वी अंडर ब्रेकेट ई माइनस वी ये होगा अब इसको आगे हम और व्ही को अंदर डिवाइड कर दें तो व्ही को अंदर अंदर डिवाइड कर दें तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ये हो जाएगा ई अपान वी और वी से वी माइनस होके कैंसल आउट होके वन तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं ओके ये कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है तो शुरुआत में आप एक छोटा सा दो लाइन का डेफिनेशन लिखोगे ये वाला फिगर बनाने का जरूरत नहीं है इसके बाद आप ये वाला सर्किट डायग्राम बना के आप उसको दो लाइन में डिराइव कर दोगे बहुत ही आसान है ओके चलिए कोई प्रॉब्लम इसमें आपको अब आगे हम पढ़ें सेलों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पहला संयोजन है श्रेणी संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आप देखो जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम संयोजन कहते हैं आपको मालूम है कि समूहन का मतलब होता है दो या दो से अधिक को जोड़ना तो इससे पहले हम दो समूहन पढ़ चुके हैं एक कैपेसिटर का मतलब संधारित्र का और दूसरा रेजिस्टेंस का दोनों का और दोनों में आपने कॉमन बात देखा है कि श्रेणी समूहन में धारा नियत होता है और समांतर समूहन में विभव नियत होता है ये आपको मालूम है तो ये कॉन्सेप्ट तो हर कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई होता है लेकिन यहाँ पर सेलों के संयोजन में डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है क्या चेंज हो जाता है कि जब एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ा जाता है माने पहले का धन दूसरे के ऋण से जुड़े तभी हम उस समूहन को श्रेणी समूहन कहेंगे ये सर्किट से मैं आपको बताता हूँ तो सर्किट से वो प्रॉपर आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए सबसे पहले हम उसके लिए एक सर्किट डायग्राम ड्रा कर दें तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा वो सपोज यहां पर हम कुछ सेल लगाएंगे एक सेल यहां लगा देंगे एक सेल यहां पर लगा देंगे उसके बाद फिर ऐसे बहुत से सेल और यहां पर हम एक वायर प्रतिरोध लगा देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो देखो यहां पर सेल कैसे जोड़े गए हैं यहां पर आप सेल को ध्यान से समझना ठीक है मैं ब्लू कलर से सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये प्लस माइनस फिर इसका प्लस माइनस सो वन फिर प्लस और ये माइनस और यहाँ पर हमने एक लगाया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर प्रतिरोध लगाना जरूरी है वायर प्रतिरोध का एक्चुअल में मतलब होता है लोड लोड मतलब जो करंट को यूज़ करता है भाई यहाँ पर आप जब धारा प्रवाहित करोगे इसमें तो करेंट जाएगा कहाँ ये हमने आई धारा इसमें प्रवाहित किया इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है इसका भी विद्युत वाहक बल ई है इसका भी विद्युत वाहक बल ई है सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर स्मॉल आर है और यहाँ पर एन सेल जोड़े गए हैं यहाँ पर सेलों की संख्या कितनी है एन है ये है श्रेणी समूहन का सर्किट कुल मिला के श्रेणी समूहन की परिभाषा में आप क्या लिखोगे जब दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे के साथ में जुड़ा हो तब हम उसे क्या कहते हैं श्रेणी हैं यहां पर ऐसे सेलों का समूहन किया गया है जिनमें सभी का विद्युत वाहक बस समान है सब ई हैं और सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी समान है इस हैं। और ऐसे एन सेल को जोड़ा गया है मतलब सेलों की संख्या कितनी है एन है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है क्लियर अब इसका हम कैलकुलेशन करें देखो कॉन्सेप्ट वाइज समझना यदि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि मैं किस तरह से एक एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम इसकी गणना करें इसमें बहने वाली धारा की हम गणना करें तो गणना करने के लिए हम इसके विद्युत वाहक बल और सब को बारी बारी से निकालते हैं तो यहाँ पर हमको पता है कि चूँकि एक सेल का चूँ की एक सेल का ईमएफ ई एम एफ मतलब विद्युत वाहक बल बराबर कितना है कैपिटल है हमने माना है कि प्रत्येक सेल का हमने माना है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ई e है इसलिए यहां पर कितने सेल यूज किए गए हैं एन सेल तो कितना हो जाएगा इसलिए एन सेलों का इसलिए एन सेलों का विद्युत वाहक बल ई एम एफ तो चूंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई e है तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एन इन टू ये हो जाएगा क्योंकि ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम जुड़ेंगे तो एन ही हो जाएगा अब देखो चूंकि चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं चूंकि एक सेल का आंतरिक को आबस लिख दिया क्योंकि हमको एक लाइन में मैथमेटिकल रिलेशन को लिखना है आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो ऐसा कितने सेल यूज किए गए हैं एन सेल तो इसलिए एन सेलों का एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा एन इन आर कैसे हुआ ये ऐसा हिसाब नहीं लगा एक का इतना तो पांच का इतना ऐसा हिसाब किताब वाला काम नहीं है चूंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझोगे तो आगे आपसे मिस्टेक होगा चूँकि सब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो समूहन होता है वह आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है तो यहां पर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन पदों तक जोड़ा गया है इसलिए वह क्या हुआ है एन आर हुआ है क्लियर तो यहां पर एन सेलों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा एन आर होगा अब इसलिए कुल प्रतिरोध यह तो एन सेल का प्रतिरोध हुआ अब हम निकालते हैं कुल प्रतिरोध तो इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एन आर यह कैसे हुआ क्योंकि कैपिटल आर इसका वाह्य प्रतिरोध है और वह इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है तो एन आर पूरे सेल का प्रतिरोध है और इसके साथ श्रेणी क्रम में एक वाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध आएगा आर प्लस एन आर और इसलिए कुल धारा इसलिए परिपथ से बहने वाली कुल धारा तो परिपथ से बहने वाली कुल धारा का मान जो होगा आई वो कितना होगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध तो कुल विद्युत वाहक बल अपने पास कितना ही हमने निकाला है एन इंटू ई तो कुल विद्युत वाहक बल एन इंटू अपान कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर हो जाएगा कुल cool धारा का मान जो श्रेणी समूहन के बाद उस परिपथ से हमको प्राप्त होगा आई इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर ठीक है आर प्लस एन आर होता है सेलों के समूहन में श्रेणी संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला ओके okay? तो मैं समझता हूँ कि हर लाइन आपका क्लियर हो गया होगा सभी लाइन आपके क्लियर हो गए होंगे ध्यान से देखो किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो चलिए आप इसका स्क्रीन शार्ट ले लिए हर स्लाइड के बाद मैं आपको जरूर टाइम देता हूँ कि स्क्रीन शार्ट ले लो आप बिल्कुल <coughs> बिल्कुल बिल्कुल ले लो स्क्रीन विद्युत वाहक बल क्या है यह मैंने आपको धारा विद्युत के पहले वाले क्लास में ही आपको पढ़ाया है वहाँ से आप पढ़ लो ठीक है विद्युत धारा के पहले ही लेक्चर में मैंने विद्युत वाहक बल आपको समझाया था चलें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है समांतर क्रम में संयोजन समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने को क्या करना है देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेलों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी का धन सिरा एक किनारे में हो और ऋण दूसरे में अभी श्रेणी के परिभाषा में क्या बताया मैं आपको श्रेणी के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार से समूहन किया जाए कि सभी के क्या है सभी के यदि एक सिरे का धन दूसरे के धन के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं उसको श्रेणी और जब सभी का धन एक सिरे में हो और सभी का ऋण दूसरे सिरे में हो तब उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं उसको समांतर समूहन कहते हैं सब का धन एक सिरे में हो और सबका ऋण दूसरे सिरे में हो तब हम उसको समांतर समूहन कहते हैं ओके चलिए अब ये किस तरह से सर्किट बना दें तो सर्किट से आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा सर्किट को प्रॉपर बनाना आप देखो सभी सेल का धन को हम एक सिरे से जोड़ेंगे यहाँ एक सेल लगाएंगे अपन एक दूसरा सेल यहाँ पर लगाएंगे और ऐसे बहुत से सेल बहुत से सेल यहाँ पर जोड़े गए हैं यहाँ पर हम एक प्रतिरोध लगाएंगे क्योंकि वाह प्रतिरोध लगाना हमको जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर देखो बैटरी किस तरह से जोड़ा गया है ये मैंने ब्लू कलर से बैटरी को रिप्रेजेंट किया सपोज ये प्लस टर्मिनल ये माइनस फिर इसका प्लस इसका माइनस इसका फिर प्लस इसका माइनस ऐसे पूरे बहुत सारे बैटरी इसमें जोड़े गए हैं इसमें बहने वाली जो धारा का मान है देखो इसमें से जो कुल बहने वाली धारा का मान है वो आई है यहाँ पर हमने एक वाह्य प्रतिरोध जोड़ा हुआ है यह एक वाह्य प्रतिरोध है यह और यहां से बहने वाली धारा का टोटल मान आई है सभी सेल का विद्युत वाहक बल सभी सेल का विद्युत वाहक बल ई है यह सभी का और सबका अंतरिक्ष प्रतिरोध इस्म है और यहां पर मान लो एम पंक्ति है यहां पर एम पंक्ति एम पंक्ति मतलब एम रो है और इनको आपस में समानता क्रम में जोड़ा गया है तो इस सर्किट में आप देख रहे हो कि इस सर्किट के सभी सेल के धन एक सिरे से जुड़ा हुआ है और ऋण क्या है दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है ये ऋण टर्मिनल है इसके साथ कैपिटल आर एक Y प्रतिरोध जोड़ा गया है यह है हमारा सर्किट अब हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे इसी तरह से जैसे हमने अभी किया है ठीक है यहां पर एम पंक्ति है मतलब सेलों की संख्या कितना हो जाएगा एम एक पंक्ति में एक सेल लगा है और ऐसे एम पंक्ति है मतलब कुल सेलों का संख्या एम हो जाएगा चलिए तो गणना स्टार्ट करें हम इसका तो एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है चूंकि एक सेल का विद्युत बल यहां कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना चूंकि एक सेल का चूंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तो इसलिए कितना सेल यहाँ यूज किया गया है एम तो एम सेलों का एम सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा कोई बताएगा चलिए बताइए एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तो यहां पर हमने ऐसे एम सेल को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो एम सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा यूपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया है मैंने देखा है तो फिजिक्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है केमिस्ट्री में ज़्यादा चेंज हुआ है कारण यह है क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं मैंने आपको स्टार्टिंग डे के फर्स्ट डे के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है चाहे वो सेल हो प्रतिरोध हो चाहे कैपेसिटर हो कोई भी चीज़ हो तो विभव नियत होता है विभव दैट मीन्स यहाँ पर विद्युत वाहक बल तो विभव नियत होगा यदि एक का विद्युत वाहक बल ई है तो चाहे उसमें आप हजार पंक्ति लगा दो टोटल विद्युत वाहक बल यही रहेगा तो समांतर क्रम में होने के कारण इसका इसीलिए मैं आपको बोला कि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो यहाँ पर एन सेलों का जो यहाँ पर एन सेलों का विद्युत वाहक बल है वो एन ई इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर श्रेणी समूह में है और श्रेणी समूहन में विभव वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा इसलिए हुआ है ठीक है चलिए तो ये हो जाएगा ई अब यहाँ पर ध्यान देना चूंकि चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है इसलिए एम सेलों का एम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एम सेलो का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा यह कौन बताएगा बताइए चलिए क्या होगा क्या होगा नीतीश आर अपान एम और आर 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 प्लस आर ओहो इसीलिए बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ सोचो हाँ सुनो ध्यान से यहां पर सब समांतर समूहन में है तो जब ये यह जुड़ेंगे यहां पर मैं लिख ही देता हूं तो यहां पर क्या होगा वन आर आरडेस मान लो वन अपान आर डे होगा समांतर समूहन में तो हो जाएगा वन अपान आर प्लस वन अपान आर प्लस कितने पदों तक एम पदों तक तो वन अपान इक्वल यह हो जाएगा M अपान आर इसलिए R डी बराबर R अपान एम तो M सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R अपान एम होगा ठीक है वैसी जान क्या जहान आप लोगों ने सही आंसर दिया है अजय गौतम वेरी गुड नीतीश ने तो शुरू से सही आंसर दिया था ठीक है ठीक है वेरी गुड अभय मिश्रा ठीक तो इसका होगा वैल्यू आर अपन एम तो यहाँ पर इनको कॉन्सेप्ट के साथ में आप जोड़ो हिसाब मत लगाओ एक का इतना तो दस का गुड़ी दस ऐसा थोड़ी है हिसाब किताब थोड़ी हो रहा है यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है ऐसा करना है ठीक है चलिए कोई बात नहीं अब आपको समझ में आ गया होगा अब हम निकालें कुल प्रतिरोध तो दे फॉर कुल प्रतिरोध तो जब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना निकला है आर अपान एम और वाह प्रतिरोध है कैपिटल आर तो कैपिटल आर प्लस आर अपान एम हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर अपान एम इसलिए कुल धारा परिपथ से बहने वाली कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल जो कि ई e है और बटे कुल प्रतिरोध होगा आर प्लस आर अपान एम दैट इम्प्लाइज आई इक्वल यहां एम एल्सियम आएगा ऊपर चला जाएगा तो एम इन टू ई अपान एम के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये हो जाएगा समांतर समूहन में सेलों के समूहन के लिए फार्मूला आई इक्वल टू एम ई अपान एम आर प्लस आर ओके तो ये फार्मूला आप लिख लो ये हो गया समांतर समूहन का अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट समूहन होता है वो है मिश्रित समूहन सबसे इम्पॉर्टेंट समूहन मिश्रित समूहन होता है मिस्ड कॉम्बिनेशन ये आप स्क्रीन साट ले लो उसके बाद हम शुरू करते हैं मिश्रित समूहन क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा गया है एग्जाम में जब भी पूछा गया है तो मिस्ड कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि मिस्ड कॉम्बिनेशन में जो हम अधिकतम धारा के लिए शर्त निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीतीश एम यहाँ पर सेलों की संख्या है पंक्ति की संख्या है पंक्ति की संख्या मतलब सेलों की संख्या हो जाएगा क्योंकि एम पंक्ति है तो एम सेल यूज किया जाएंगे यहां पर आप सर्किट में देखो यहां पर हमने लिखा एम पंक्ति एक दो तीन ऐसे एम पंक्ति है हर पंक्ति में एक सेल लगा है तो एम पंक्ति में नेचुरली कितना हो जाएगा एम हो जाएगा ओके और कोई प्रॉब्लम किसी को चलिए अब हम इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मिश्रित क्रम समूहन मिश्रित क्रम में संयोजन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसी का आने का चांस सबसे ज़्यादा होता है और न्यूमेरिकल्स भी इसी से सबसे ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपसे तभी बनेगा जब आप दोनों कॉम्बिनेशन समझ चुके होंगे जब आपको सीरीज भी आता है और जब आपको पैरेलल भी आता है तभी आप इसको बना पाएंगे तो मिश्री समूहन का क्या मतलब होता होगा आप नाम से समझ सकते हैं मिश्री समूहन का सीधा मतलब होता है ऐसा समूहन जिसमें कुछ सेल श्रेणी क्रम में भी जुड़े हुए हों और कुछ सेल उनका फिर समांतर समूहन भी किया गया हो ऐसे सेल को हम ऐसे समूहन को हम मिश्री समूहन कहेंगे ठीक है चलिए तो मिश्री समूहन के लिए हम सर्किट बना लें सबसे पहले सर्किट तो हम सबसे पहले बनाएंगे है ना तभी बनेगा प्रॉपर सर्किट इसके लिए मैं बना दूं क्योंकि सर्किट ही सब कुछ है यहाँ पर हम क्या करेंगे श्रेणी समूहन में करेंगे एन सेल को और ऐसे एम पंक्ति भी बनाएंगे दोनों काम करेंगे मतलब अभी हम जो सर्किट बनाए थे उसको एक तरह से कंबाइन करेंगे तो चलिए मैं इसको यहाँ पर एक सिंबॉलिक फिगर शो ही कर दूँ तभी बनेगा ये मैं पंक्ति को शो कर रहा हूँ इसके और ये सब के सब एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं इस तरह से हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सब इस तरह से कनेक्टेड हैं और इसके बाद फिर आपस में ये इस तरह से जुड़े हुए हैं इसके बाद हम यहाँ से कनेक्शन लेके इसमें वाह प्रतिरोध ये हम जोड़ देते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है देखो सेल कहाँ कहाँ लगे हैं यहाँ पर सेल लगेगा ऐसा सेल फिर ये फिर क्या है यहाँ पर एम पंक्ति यहाँ पर भी है एक सेल यहाँ पर लगा दिए इसमें तो इस तरह से बहुत सारे सेल लगे हुए हैं यहाँ पर भी देखो एक दो सेल यहाँ पर हम शो कर दें और उसके बाद फिर ये एम सेल लगे हुए हैं सर्किट को ध्यान से समझना ना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर सर्किट ही सब कुछ है देखिए एक बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से यहाँ पर भी फिगर वगैरह मेरे साथ बनाया करो आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है खाली वीडियो को देखते रहने के बजाय मैं हमेशा एक बात अपने क्लास में आप लोग को बोलता हूँ आप लोग याद करते होंगे ऑफ़लाइन क्लास की तरह पढ़ो क्लास को जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और बहुत सिंसियर स्टडी कर रहे हो वैसा यहाँ पर एक वाह प्रतिरोध लगाया हुआ है कैपिटल पिटल ये रही है प्रतिरोध है यहाँ पर ध्यान देना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है प्रत्येक सेल का और सभी का आंतरिक प्रतिरोध इस्माल आ है जितना भी यहाँ जोड़ा गया है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एन सेल यूज़ किए गए हैं एक पंक्ति में एन सेल है जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर पंक्ति में एन सेल है तो यहाँ पर कितने सेल यूज़ किए गए हैं एन सेल और ऐसे यहाँ पर एम पंक्ति है यहाँ पर एम पंक्ति है तो एन सेल हर सीरीज में एन एन सेल जुड़े गए हैं और ऐसे एम पंक्ति हम इसको बनाए हैं तो यहाँ मिश्री समूहन कैसे हुआ ये सब श्रेणी हुए और ये सब श्रेणी का हमने समांतर पर में जुड़ा हुआ है ये हो गया मिश्री समूहन अब यहाँ से टोटल करेंट यहाँ पर पहुँचता है और ये टोटल करेंट आई हम यहाँ से प्रवाहित होता है और आर प्रतिरोध पर कैपिटल आर पर यह प्रवाहित होता है तो ये हो गया हमारा इसका सर्किट डायग्राम ठीक है मैंने बड़ा सा सर्किट डायग्राम बना दिया है ताकि आपको वो क्लियर हो जाए ठीक है मैथ्स का क्लास आप लोग का मंडे से होगा मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया लेकिन कल आप लोग को पूरा जिन लोग रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हैं सुना मेरी बात ध्यान से जितने स्टूडेंट रिलेशन और फंक्शन नहीं पढ़े हैं संबंध तथा फलन नहीं पढ़े हैं उन लोग कल संडे को मैं पूरा वीडियो को एक साथ कंपाइल करके आपको वन साठ में मतलब फुल चैप्टर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा तो उसको आप एक बार देख लोगे तो पूरा फंक्शन और आपको संबंध अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फिर उसी तरह से आप प्रतिलोम त्रिकोण और अभी हमारा अब अभ, अभी फिर लाइव क्लास में चल ही रहा है ठीक है चलें फिर आगे हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना अब हम इसकी गणना करें तो देखो चूंकि एक पंक्ति का सीधा हम पंक्ति की बात करेंगे अब चूंकि एक पंक्ति का ई एम एफ बराबर कितना होगा अब सब आप ही लोग बताओगे दो में पढ़ा चुका अब सब आंसर आप लोग को देना है तभी मैं मानूंगा कि आप लोग समझे हो एक पंक्ति का ई एम एफ एक सिंगल रो की बात कर रहे हैं मतलब सिर्फ ये जो सिंगल रो है इसकी बात कर रहे हैं तो एक पंक्ति का ई एम एफ कितना होगा कौन बताएगा नीतीश रवि अभय ठीक है एन इंटू ई वेरी गुड अभी आप लोगों ने बताया है कि अभी हमने पढ़ाई से पहले कि एक एक पंक्ति का एन इंटू ई होगा चलिए ठीक है इसलिए एम पंक्ति का इसलिए एम पंक्ति का ई एम एफ देखो ऐसे हमारे पास एम पंक्ति है मतलब टोटल इसमें एम इंटू एन सेल यूज किए गए हैं कुल सेलों की संख्या कितना है एम इंटू एन है तो एक पंक्ति का एन ई e है तो यहां पर एम पंक्ति का कितना होगा वेरी गुड ठीक बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग आंसर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एन इंटू ई होगा वेरी गुड क्योंकि वह समांतर क्रम में है यही जानना चाह रहा था मैं इसीलिए इतना आराम से मैं आपको समांतर और श्रेणी को एक एक करके समझाया ठीक है चलिए तो क्लियर है बात यहां से कि आप लोग को वो पता है एन इंटू ई होगा चलिए अब हम देखें चूंकि एक पंक्ति का चूंकि एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना है एन इंटू आर वेरी गुड एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध है n इंटू आर इसलिए m पंक्ति का इसलिए m पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध यह कितना होगा भाई बताइए यह कितना होगा एक पंक्ति पंक्ति का तो n इंटू आर हो गया तो m पंक्ति का रवि एन आर अपन एम नितीश वैसु कैरियर फॉर स्टडी ओके वेरी गुड बाकी लोग तो रंग आंसर दे रहे हो ठीक अरे भाई कैसे समानता क्रम में जोड़ोगे तो समानता क्रम में कैसे जोड़ोगे वन अपान एन आर प्लस वन अपान एन आर प्लस वन अपान एन आर लिख दूं क्या यहाँ पर चलो भाई लिख देता हूँ कई लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है वन अपॉन आर डेस इक्वल टू वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस कितने पदों तक एम पदों तक तो हो जाएगा वन अपॉन आर डेस इक्वल टू एम अपॉन एन आर दैट इम्प्लाइज आर डे इक्वल टू दोनों साइड को उलट देंगे तो हो जाएगा एन आर अपॉन एम ये हो जाएगा तो एन आर अपॉन एम बहुत लोगों ने एन आर अपॉन एम आंसर दिया ठीक है वेरी गुड बहुत लोगों ने एनआरपा ने आंसर दिया है निखिल खुशी विकास वेरी गुड अभिषेक तो चले फिर हम आगे आंतरिक कुल प्रतिरोध निकालें तो इसलिए कुल प्रतिरोध इसलिए इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस ये जो हमने निकाला है एन आर एफ एम एन एम ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध इसलिए कुल धारा इसलिए इस परिपथ से बहने वाली कुल धारा परिपथ से बहने वाली कुल धारा जिसको हम आई कहेंगे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल जो कि क्या है एन ई है ये हमने कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर निकाला है एम पंक्ति का विद्युत वाहक बल एन इंटू ई तो एन इंटू ई e मतलब कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध यह है आर प्लस एन आर अपान एम दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व किया जाए तो आई इक्वल टू हो जाएगा एम लघुतम होकर ऊपर चला जाएगा तो एम एन इंटू ई अपान एम का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एम कैपिटल आर प्लस हो जाएगा एन आर तो आई इक्वल टू एम एन ई ये हो जाएगा इसका वैल्यू तो ये जो आप देख रहे हो ये मिश्रित समूहन में सेल से बहने वाली कुल धारा का फार्मूला है यदि आपको एग्जाम में पूछेगा कि सेलों के मिश्रित समूहन में सेलों के मिश्रित समूहन में बहने वाली कुल धारा का आप मान ज्ञात करो तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करना है ये एक क्वेश्चन हुआ लेकिन बहुत बार इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं पूछता इस क्वेश्चन को पूछता है अधिकतम धारा के लिए शर्त ज्ञात कीजिए तो अब हम देखते हैं इसके अधिकतम धारा के लिए कंडीशन यह इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है अधिकतम धारा मतलब हम सीधा सीधा अधिकतम धारा की गणना करें और कुछ अधिकतम धारा यदि हम मैक्सिमम करंट के बारे में बात करें तो यहां पर यह डिस्कशन मेरा बहुत ध्यान से सुनना आप आई का मान मैक्सिमम कब होगा आई का मैक्सिमम मान कब होगा जब इसका मान क्या हो मिनिमम हो इसका मान न्यूनतम हो क्योंकि किसी भी भिन्न का मान किसी भी भिन्न का मान अधिकतम तब होता है जब उसका हर छोटा होता है तो जब इसका हर छोटा होगा तभी धारा का मान अधिक होगा नेचुरली जब इसको हम कम से कम रखेंगे तो इसका मान अधिक से अधिक होगा इस तरह से यहाँ पर से हम डिस्कशन करें कि उसका अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका मान कम से कम हो तो इसके कम से कम वैल्यू के लिए डिस्कशन कर इससे पहले मैं आपको एलजेबरा का एक फार्मूला बताता हूँ इस फार्मूला को बहुत ध्यान से समझना हमने इस तरह से एक फार्मूला बीजगणित में पढ़ा है ए प्लस बी बराबर होता है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी ये बीजगणित का एक फार्मूला होता है सोचोगे तो सर ऐसा फार्मूला तो हमने कभी देखा नहीं देखा नहीं लेकिन आपने पढ़ा है आप उसको भले ही आपको अजीब लग रहा होगा देखो ध्यान से सुनो यदि ये ए स्क्वायर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब हम इसको क्या लिखते ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकते हैं तो उसी को हमने ए और बी के में रूट में लिखा है ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर आएगा तो रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस टू रूट ए भी आएगा जो प्लस टू रूट ए बी के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह एक फार्मूला होता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैं इस फार्मूला पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ क्यों हम इस फार्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा चलिए देखें तो अब हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के बेस पर यदि मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ एम आर प्लस एन आर एम आर प्लस एन आर इक्वल टू अंदर लिखा जा सकता है अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एम आर एन आर ये ये हो जाएगा इस फार्मूला के बेस पर हमने इसको लिखा अब क्यों लिखा चूंकि हमको इसके मिनिमम होने पर डिस्कसन करना है मैंने इसका मान इसका मान जो है वह मिनिमम कब होगा इस बात पर हमको डिस्कस करना है तो ये हमने इसको यहाँ पर लिखा है इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा इसका मान न्यूनतम कब होगा जब इसके राइट हैंड साइड के सारे वैल्यू का मान कम हो न्यूनतम हो सबसे छोटा मान तो निगेटिव होता है माइनस इन्फिनीटी सबसे छोटा मान हो सकता है लेकिन यहाँ पर देखो कि इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है और जब किसी वैल्यू में होल स्क्वायर लगा हो तो होल स्क्वायर का वैल्यू तो निगेटिव हो ही नहीं सकता

लेकिन यहां पर इसका वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकता सेकंड पार्ट का क्यों क्योंकि एम आर एन आर का वेल्यू जीरो तभी होगा जब कोई चारों में से कोई एक जीरो हो विच इज नॉट पॉसिबल कोई के कोई तो जीरो हो नहीं सकता कुल मिला के इसके वैल्यू न्यूनतम होने के लिए इसके मान को शून्य होना चाहिए तो यहां पर एक लाइन का डिस्कशन लिखेंगे इसके न्यूनतम मान के लिए मैं लिख ही देता हूं उसको कई बार लिखने में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए के न्यूनतम मान के लिए इसके न्यूनतम मान के लिए इसको शून्य होना चाहिए किसको रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर के वैल्यू को शून्य होना चाहिए इसका वैल्यू को जीरो होना चाहिए अब इसके वैल्यू को जीरो होना चाहिए तो हम उसको उधर ट्रांसफर करें और साल वो करें तो क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज रूट ऑफ एम आर इसको ध्यान से समझना है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है हर बोर्ड में हर बोर्ड में क्वेश्चन को पूछा जाता है बहुत ध्यान समझना तो रूट ऑफ एम आर इक्वल टू रूट ऑफ एन आर होगा दैट इम्प्लाइज अब दोनों साइड के यदि हम क्या करें होल स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा रूट हटने पर अपने को मिल जाएगा एम आर इक्वल टू nr और देयरफॉर इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर यदि मैं यहाँ से कैपिटल r का मान निकालना चाहूँ तो कैपिटल r इक्वल टू हो जाएगा nr अपॉन m या स्मॉल r का वैल्यू निकालना चाहूँ तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा mr अपॉन n ये हो जाएगा इस तरह से देखो ये दोनों अधिकतम धारा के लिए शर्त हैं ये है अधिकतम धारा के लिए शर्त कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि अधिकतम धारा के लिए शर्त ज्ञात करो तो यहीं तक निकालोगे अधिकतम धारा के लिए शर्त यह अधिकतम धारा के लिए शर्त होता है लेकिन अभी हमको एक टॉपिक और कैलकुलेट करना है वो है अधिकतम धारा का मान कि भाई अब हमको निकालना नहीं पड़ेगा अधिकतम धारा का मान जब हमने अधिकतम धारा का शर्त निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे अधिकतम धारा का मान कि भाई धारा अधिकतम कब होगा धारा का मान अधिकतम कब होगा तो अधिकतम धारा के लिए क्या करेंगे ये जो शर्त निकला है उसको हम उसके वैल्यू में पुट अप कर देंगे तो हमने फार्मूला निकाला क्या है हम निकाल चुके हैं आई इक्वल एम एन ई अपन एम आर प्लस एन आर ये फार्मूला हमने निकाला है एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर यहां पर हम क्या करें बारी बारी से एक बार हम ये कैपिटल आर का वैल्यू को अप करें और एक बार स्मॉल आर का वैल्यू को अप करें यहां से इसकी सहायता से तब हमको अधिकतम धारा प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर देखो आई मैक्सिमम मैं यहां पर लिख रहा हूं आई मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम बराबर एम एन ई अपान एम अब मैं यहाँ पर कैपिटल आर के वैल्यू को पुटअप कर रहा हूँ कैपिटल आर का वैल्यू है एन आर अपन एम तो यहाँ पर कैपिटल आर के वैल्यू को एन आर अपान एम में पुट करूँ तो प्लस कितना हो जाएगा ये एन आर दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो आई मैक्सिमम बराबर अब ध्यान देना आई मैक्सिमम बराबर एम एम कटेगा एम एम कटने के बाद एन आर होगा और एन आर बगल में और है तो एन आर एन आर जुड़ के टू एन आर होगा जिसमें से स्मॉल इस एन इसके साथ में कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये हो जाएगा एम ई अपॉन एन आर सॉरी टू आर अपॉन टू इस्माल आर ये हो जाएगा या सेकंड फार्मूला कैसे निकलेगा यदि हम इसके जगह स्मॉल इस आर पुट कर दें तो तब क्या मिलेगा आई मैक्सिमम स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दें तब क्या मिलेगा अपने को एम एन ई अपॉन एम कैपिटल आर प्लस यहां पर हम एन इंटू आर तो क्या करें एन का वैल्यू एन और स्मॉल आर का वैल्यू यहां से पुटअप कर दें तो एम आर अपान एन एम आर अपान एन ये पुटअप कर दिया जाए तो इसको पुटअप करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूं आई मैक्सिमम आई मैक्सिमम बराबर देखो क्या होगा एन एन कटेगा एम आर प्लस एम आर एम आर होगा फिर कैपिटल एम कटेगा तो हो जाएगा एन ई अपन टू कैपिटल आर टू कैपिटल आर तो ये दोनों अधिकतम धारा के मान हैं कौन कौन से ये एक आई मैक्सिमम का वैल्यू ये है एक कंडीशन पर और दूसरा आई मैक्सिमम का वैल्यू यह है तो यदि आपको एग्जाम में पूछेगा अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो तो यहां तक ज्ञात करोगे एक बार ध्यान से सुनो देखो मिश्री समूहन का मतलब क्या होता है कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है उनका आपस में समांतर समूहन निकाला गया है उसके बाद हर में हर पंक्ति और पूरे का विद्युत वाहक बल निकाला और आंतरिक प्रतिरोध निकाला इसके बाद हमने क्या किया कुल प्रतिरोध निकाल के कुल धारा का मान निकाला अधिकतम धारा के लिए हमने इसके हर को छोटा माना ये कंडीशन और इस तरह से अपने को प्राप्त हो गया क्या अधिकतम धारा के लिए शर्त फिर अधिकतम धारा के लिए शर्त को हमने अधिकतम धारा का मान ज्ञात करने के लिए मूल फार्मूला में रख दिया तो दो हमको अधिकतम धारा का मान मिल गया इस तरह से आप देखो कि यह क्या है सेलों के मिश्रित समूहन का फार्मूला है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विभव मापी या इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है वैसे बहुत कुछ हमको नाम से पता चल जाता है विभव मापने वाला उपकरण विभव मापी मतलब सीधा उसका नाम पर ही सेंस छुपा हुआ है यह विभव मतलब पोटेंशियल मेजरमेंट करने का काम आता है पोटेंशियल मेजरमेंट करने के साथ साथ यह किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का भी काम आता है हमने इसके ठीक पहले वाले क्लास में सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में डिटेल में पढ़ा है अब आज हम पढ़ेंगे कि विभव मापी क्या है विभव मापी का क्या क्या उपयोग होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभव मापी का सिद्धांत कि भाई विवाह मापी किस सिद्धांत पर किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है एक्चुअल में विभो मापी जो है वह दस मीटर तार से विभो मापी का वर्किंग प्रिंसिपल थ्योरी यह क्या होता है विभो मापी को हम आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग है सर हम आपको, आपको अभी तो मैं फ़िलहाल आपको थ्योटिकल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊं एक लकड़ी के फ्रेम पर 10 मीटर का वायर उसमें लपेटा गया होता है लकड़ी का एक फ्रेम होता है और लकड़ी के फ्रेम पर टेन मीटर का वायर लपेटा गया होता है कुछ मैं थ्री डायमेंशन फिगर्स से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो एक लकड़ी का ऐसा फ्रेम होता है और इस लकड़ी के फ्रेम पर टेन मीटर का वायर एक एक मीटर के डिफरेंस पर जैसे वन मीटर हुआ फिर वन मीटर हुआ ऐसे दस बार फॉर सिंबॉलिक बना देता हूँ मैं ये फिगर आप लोग को बनाने का ज़रूरत नहीं है यह मैं समझाने के लिए आप लोग को बना रहा हूँ आप लोग उसका थियोरटिकल फिगर बनाओगे अभी बताता हूँ कौन सा फिगर बनाओगे जनरली मैं भी यह फ़िगर बना के नहीं समझाता लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना होता है जरूरी हो जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हो गया ऐसा यह टेन अब यहां पर देखो ये टू टर्मिनल्स होंगे यहां पर एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल ये बी इस तरह से तो विभो मापी में 10 मीटर तार विभो मापी में 10 मीटर का वायर 1 1 मीटर के बैंड करके ऐसा लगाया जाता है अब मीटर ब्रिज में तो एक मीटर में काम चल गया तो विभव मापी का भी एक मीटर में काम चला लेना था इतना बड़ा तार दस मीटर दस मीटर को तो हम सीधा लकड़ी के पट्टी पर लगा नहीं सकते लगा भी दें तो द, कम से कम दस मीटर से बड़ा लैब बनाना पड़ेगा उसमें उसी डिवाइस को रखना पड़ेगा इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया दस मीटर के तार को सीधा लंबा करने के बजाय एक ही लकड़ी के फ्रेम पर एक एक मीटर पर टर्न कर दिया तो इसके लिए इतना लंबा तार का क्यों जरूरत पड़ा ये मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद समझाऊंगा अभी समझाऊंगा आपको समझ में आएगा नहीं तो पहले हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें टॉपिक सॉरी पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर आपको बताएंगे कि 10 मीटर का इसमें लंबा तार क्यों रखा जाता है या नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्सल क्वेश्चन के साथ आपसे डिस्कस करेंगे तो ऐसा विवाह मापी का उपकरण इस तरह से होता है लेकिन हम ऐसा चित्र शो नहीं करते जब हमको इसको पढ़ना होता है तो सैद्धांतिक रूप से हम इस चित्र को कैसे शो करते हैं अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ यह सर्किट डायग्राम को ध्यान से समझना यह इसका सर्किट डायग्राम है यह विभो मापी का तार है विभो मापी के तार के साथ फिर हम यहाँ पर क्या क्या ऐड करते हैं देखो इस तार के साथ में हम ये इसका कौन सा फिगर है यह इसका सैद्धांतिक चित्र है ए बी यह जो ए बी आप देख रहे हो वह ए बी यही दस मीटर लंबा तार है जिसको हमने एक लाइन में सो कर दिया है इसके बाद इसके इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से हम वायर लेके के यहाँ पर क्या क्या ऐड करते हैं देखो यहाँ पर एक रियास्टेड फिर कुंजी और बैटरी रियास्टेड क्या होता है रियोस्टेड मतलब होता है धारा नियंत्रक हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक और इंग्लिश में रियोस्टेड ये इसका संकेत है ये रियोस्टेड का संकेत है इसको हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या करता है करेंट को कंट्रोल करता है एक्चुअल तो में ये, ये रजिस्टर वायर है ये एक ब्लैक कलर का सिलेंड्रिकल होता है उसको अपन आगे पीछे खिसकाते हैं तो वर्क करता है तो ये रिओस्टेड होता है इसके बाद यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने लगाया है कुंजी की है मतलब यहां से हम ऑफ कर सकते हैं इसको और यहां पर हम एक लगाएंगे बैटरी जो कि विभव मापी का बैटरी है यह सी सी फार सेल ये इसके बाद देखो हम इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल सबसे पहले हम यहां पर इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम यहां पर जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको निकालना होता है उस सेल को यहाँ पर रख देते हैं ये यह वह सेल है जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है ई इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ई है ठीक है ओके अमित यादव थैंक यू थैंक यू सो मच अब यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कनेक्शन लेते हैं और इस कनेक्शन में ये कनेक्शन लिया और कनेक्शन के साथ हमने लगा दिया एक गैलवानो धारा मापी लगा दिया और धारा मापी के साथ में हम यहां पर जोड़ देते हैं एक जॉकी धारा मापी के साथ जोड़ देते हैं हम एक जॉकी जॉकी क्या है ये आपको मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में समझाया जा चुका है मीटर ब्रिज में एक बार फिर से बता देता हूं जॉकी एक नुकीला ऐसा हमारे पेन के जैसे होता है और उसके सामने में एक चालक पदार्थ का नुकीला पॉइंट होता है जिसको हम तार से टच करते करते आगे बढ़ते हैं प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसको समझाया था इस प्रकार से होता है ये तो ये इसका सर्किट डायग्राम है ये है इसका परिपथ ये वाला चित्र आपको नहीं बनाना है कहीं पर भी ना नोट्स में ना कहीं यह केवल आपको समझाने के लिए है क्योंकि ये बात मैं आपको पता नहीं बताता नहीं तो आपको पता नहीं चल पाता कि विभव माफी के तार को किस तरह से अरेंज करते हैं बस मैं बोलते रहता और क्या पता आप उसका क्या अर्थ निकालते हैं ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है तो ये सर्किट आप लोग को समझ में आ गया ना चले वेरी गुड कौन कौन सा डिवाइस क्या है समझ में आ गया पहले भी आपको बताया जा चुका है ये क्या है एक रियास्टेड नया चीज आप सुने यहां पर अब इससे एक्सपेरिमेंट होता कैसा है यह ध्यान से सुनो अब मैं आपको प्रयोग समझा रहा हूं सुनना सबसे पहले हम ये वाला की ऑन कर देते हैं अच्छा यहां पर एक की और लगा दें एक की यहां पर और लगाना पड़ेगा भाई ये K1 है यह सपोज़ K2 है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले की K1 को ऑन कर देंगे मतलब ये वाला बैटरी को हम इससे कनेक्ट कर देंगे उस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद कुछ देर बाद जब इसमें से धारा बहने लगे हम ये वाले बैटरी को भी कनेक्ट करेंगे K2 को और जॉकी को पकड़ के इस सिरे से हम धीरे धीरे इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से जैसा मीटर ब्रिज में किया था एक्सपेरिमेंट में कोई नई बात नहीं ऐसा धीरे 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 टच करते हुए आगे चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि गेलवानो का डिफ्लेक्शन उसका जो विक्षेप है जो बाएं तरफ रहता है वह धीरे 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 जीरो में चला आता है और जब इसका विक्षेप जीरो में चला आएगा तो वहीं पर हम अपने जाकी को रोक देंगे हम जाकी को वहीं पर रोक देंगे क्लियर इस प्रकार से देखो कि जब यह जाकी जीरो डिफ्लेक्शन के पोजीशन पर रहेगा रोक देंगे और इसके नीचे में मीटर स्केल होता है जहाँ से हम इसका लंबाई नोट कर लेंगे ए से जे तक और सपोज़ वो लंबाई एल है ये लंबाई सपोज़ एल है इस तरह से तो ये प्रयोग हम ऐसा करते हैं तो गैल्वानोमीटर का विक्षेप जब शून्य हो जाता है तो हम जाकी को रोक देते हैं और वहाँ पर हम तार के लंबाई की रीडिंग ले लेते हैं और वो लंबाई मान लो एल है अब गणना कैसे करते हैं इसके सिद्धांत की गणना कैसे करेंगे ये पार्ट आप देखो इसकी गणना को समझने से पहले हमको यह समझना है इसका सिद्धांत क्या है कि देखो जब गेलवानोमीटर का विक्षेप शून्य है इसका मतलब यह जो सेल है वो खुले परिपथ में है मैं आपको बताया था कि किसी सर्किट से यदि धारा प्रवाहित ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में वह सर्किट खुले परिपथ में होता है और जब वह सर्किट खुले परिपथ में होता है तो उस समय उसका विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है यही इसका सिद्धांत है और मैं बल्कि एक बार आपको सिद्धांत को ही यहाँ पर सिस्टमेटिक लिख देता हूँ वैसे मेरे नोट्स में आपको पूरा डिटेल में मिलेगा तब भी मैं यहाँ पर टू दी पॉइंट लिख देता हूँ जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जब धारा मापी जब धारा मापी का विच्छेप जब धारामापी का विक्षेप क्या हो शून्य हो तो जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं परिपथ के परिपथ के अधिकतम विभवांतर परिपथ के अधिकतम विभवांतर जिसको हम कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं के बराबर होता है के बराबर होता है क्योंकि आपको मालूम है कि सेल जब खुले परिपथ में होता है जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ई परिपथ के अधिकतम विभांतर के बराबर होता है जब धारा मापी विक्षेप शून्य हो अर्थात सेल खुले परिपथ में भी हो लिख देता हूं यहां पर मैं अर्थात सेल खुले परिपथ में हो परिपथ में हो यह बात और क्लियर हो गया यह इसका सिद्धांत है बिल्कुल टू द पॉइंट यह इसका सिद्धांत है कभी भी एग्जाम में आपको पूछे कि धारा मापी का सिद्धांत क्या है धारामापी का आपको सिद्धांत लिखना है तो यही बात लिखना है यह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में है और बहुत ही सरल शब्दों में है जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो मतलब धारा मापी मतलब जो विभव मापी में जो धारा मापी लगा है बस उसको उतना लिखना है साठ में सिद्धांत टू दी पॉइंट लिखा जाता है मतलब यहां पर सर्किट में एक बार आप देखो कि जब इसका विक्षेप शून्य हो तो उस कंडीशन में यह सेल खुले परिपथ में होता है क्योंकि उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो सेल खुले परिपथ में होता है मैंने अपने विद्युत धारा के पहले दिन के लेक्चर में आपको बहुत देर तक यही समझाया था कि कोई भी बैटरी या सेल खुले परिपथ में कब कहलाता है या कोई भी परिपथ खुला कब कहलाता है ये हमने उस टाइम में उसको एक्सप्लेन किया था ठीक है तो ये आप नोट कर लो ये आप नोट कर लो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा इसका सिद्धांत ओके अब इसको हम मैथमेटिकली देखें तो हम क्या लिखेंगे अर्थात अर्थात E इक्वल टू भी अर्थात E इक्वल टू भी क्योंकि हमने बताया है कि इसका जो विद्युत वाहक बल E है वह परिपथ के अधिकतम विभवांतर V के बराबर होता है तो E बराबर क्या हो जाएगा ये V हो जाएगा अब जब भी E V के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए हमको एक टॉपिक यहां पर समझना है मैं साइड में लिख रहा हूं उसको बोलते हैं विभव प्रवणता उसको बोलते हैं विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट को यदि यह हम यहां पर के से रिप्रेजेंट कर दें तो एक्चुअल में के इक्वल टू वी अपॉन एल होता है इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे विभव प्रवणता को फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि, कि किसी भी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और उस चालक तार की लंबाई का जो अनुपात होता है या लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं इसको कैलकुलस के फॉर्म में भी हम लिखें तो k इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी एल भी लिखते हैं यहाँ पर मैं उसको और भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ या इसको हम क्या लिखेंगे ऐसा k इक्वल टू डी वी बाई डी एल ऐसा भी लिखा जाता है या कई जगह डी वी बाई डी एक्स भी लिखा जाता है ठीक है तो यह कहलाता है विभव प्रवणता इंग्लिश नाम भी लिख दूं तो ज्यादा बेटर है पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यहां से आप देखो जब k इक्वल टू वी अपन एल होता है तो यहां से v का वैल्यू कितना हो जाएगा k इंटू एल हो जाएगा v का वैल्यू k इंटू एल हो जाएगा और इस तरह से ये v के वैल्यू को हम यहाँ पर अप कर दें तो अगले लाइन में हमको फार्मूला मिल जाएगा दे फॉर ई इक्वल टू के एल और यही विभव मापी की सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फार्मूला है इससे कैसे पता चलता है सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल इससे पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एल का मान एल का मान हमको ये प्रयोग से मिल जाता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है एल तो मीटर स्केल में हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो एल का मान हमको वहाँ से प्राप्त हो जाता है और के तो क्या है ये कांस्टेंट है के कांस्टेंट है विभव प्रमणता तो हर चालक तार का विभव प्रमणता कैलकुलेटेड होता है कि जो तार हम यूज कर रहे हैं उसका विभव प्रमणता कितना है तो ये दोनों के मान को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं और दोनों का मान पुटअप करने के बाद हम उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं तो ये है हमारा उसका सिद्धांत किसका विभव मापी का यह हुआ विवाह मापी क्या है विवाह मापी का परिपथ किस तरह से होता है और विवाह मापी का सिद्धांत क्या है क्योंकि देखो विभव मापी पर हमको दो एक्सपेरिमेंट समझने हैं सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से विभव मापी पर हमको दो प्रयोग समझना है एक प्रयोग है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दूसरा है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना ये दो एक्सपेरिमेंट हमको इसमें से समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसके सिद्धांत को समझेंगे जब हमको यही नहीं पता रहेगा कि विभव माफी क्या है वो कैसे कार्य करता है उसका सिद्धांत क्या है तब हम उसका एक्सपेरिमेंट कैसे समझेंगे इसलिए सबसे पहले हमने आपको उसका सिद्धांत बताया और अब इसका स्क्रीन शॉट लेना है आप ले लीजिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या इसका प्रयोग अब देखो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना यह हमारा मेन हेडिंग है टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर यह हमारा एक्सपेरिमेंट है यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम पढ़ेंगे कि विभोमापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं ये एक प्रयोग है तो इसके लिए हमको क्या करना है दोनों का विद्युत वाहक ई वन E2 का हमको मान ज्ञात करना है तो पहला पॉइंट इसमें रहेगा सिद्धांत तो इसका सिद्धांत में अभी आपको पढ़ा चुका क्या E टू के इन टू एल यह है इसका सिद्धांत यह सिद्धांत समझ में आ गया आपको जो पीछे मैं एक्सप्लेन किया तो जब यह एक्सपेरिमेंट आपका एग्जाम में फाइव मार्क्स का आएगा फोर या फाइव मार्क्स का जब यह एग्जाम में आएगा तब आपको पहले पॉइंट में लिखना है सिद्धांत इसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट होगा वो होगा परिपथ इसका परिपथ सर्किट तो सर्किट ड्रा कर लें इसका इसका सर्किट डायग्राम ध्यान से समझना यह है दो सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का परिपथ ये विभव वापी का तार है ए बी दस मीटर का यहाँ पर लगा हुआ है रियास्टेट अब सैद्धांतिक चित्र में सब आपको मैं समझा चुका हूँ काम बहुत आसान है यहाँ पर लगा हुआ है एक की के वन और यहाँ पर लगा हुआ है एक बैटरी जो कि गैलवानी का ये बैटरी है ए सॉरी पोटेंशियोमीटर का बैटरी है यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे धारा में अभी बिना तो काम होना ही नहीं है ये अब यहां पर देख रहे हो आप दो पॉइंट ये दोनों पॉइंट में दो बैटरी हैं। एक बैटरी ये है दूसरा बैटरी ये है पहले बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 है इस तरह से तो सर्किट में नामिनल डिफरेंस होगा बस यहाँ पर पहले आपको सर्किट में बताया इसमें केवल एक बैटरी हमने लगाया था ई e, और यहाँ पर चूंकि दो बैटरी का विद्युत वाहक बल का तुलना करना है तो यहाँ पर दो बैटरी लगाएंगे ई और ई इस प्रकार से इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी गणना करेंगे ठीक है अब प्रयोग कैसे करेंगे ये सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि प्रयोग कैसे करेंगे तो इसमें प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं देखो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये की को ऑन करेंगे अपन ये वाला की को ऑन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो एक और की लगा हुआ है K2, ये K2 की को ऑन करेंगे लेकिन यह डबल डायरेक्शन की है टू वे की टू वे की क्या होता है एक टू वे की का सिस्टम होता है आप लैब में देखोगे जिसमें हम वन बाई वन ई वन और ई टू को ऑन कर सकते हैं एक बार ई वन को ऑन करेंगे फिर उसको ऑफ करने के बाद ई टू को ऑन करेंगे ठीक है तो ई वन को ऑन करेंगे फिर ई टू को ऑन करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे बारी बारी से एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले जब इसकी गणना करेंगे हम तो गणना में जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा बैटरी ई e के लिए यदि कंप्लीट लिख रहा हूँ यहां पर यदि सेल ई वन के लिए चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई यदि सेल ई वन के लिए चालक तार की लंबाई एल वन हो तो यहाँ पर देखो ये जो बैटरी ये है और इसके लिए जो हम चालक तार की लंबाई लेते हैं मान लो सीरे ए से सिरे जे तक चालक तार की लंबाई को हम एल वन लेते हैं ये तो पहला बैटरी जब हम लगाते हैं सुनना ध्यान से जब पहले बैटरी को ऑन करते हैं और पहले बैटरी को ऑन करने के बाद जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लो एल वन लंबाई तक हमको उदासीन बिंदु प्राप्त होता है तो पहले के लिए क्या हो जाएगा ई वन इक्वल टू के एल वन तो इस कंडीशन में हम उसके वाहक बल को E1 वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के एल वन इस सिद्धांत के हेल्प से इसको हमने दे दिया सपोज रिलेशन नंबर टू अब हम क्या करते हैं दूसरे बैटरी के लिए ई टू बैटरी के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो मान लो हमको उदासीन बिंदु यहाँ पर मिलता है मान लो ये जे जे टू पॉइंट पर मिलता है पहले वाले पॉइंट का नाम हम जे वन दे देते हैं और दूसरे वाले पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं जे टू दे, दे देते हैं तो मान लो अब इसके लिए चालक तार की जो लंबाई हमको प्राप्त होता है वो मान लो एल टू होता है कहाँ तक जे टू तक तो चालक तार की लंबाई यदि क्या हो एल टू हो तो यदि सेल E1 के लिए चालक तार की लंबाई L2 हो तो अब हम क्या लिखेंगे यदि सेल यदि सेल E2 के लिए यदि सेल E2 के लिए चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई एल टू हो तो उस कंडीशन में तब हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के इन टू एल टू लिख सकते हैं रिलेशन नंबर सेकेंड तो पहले के एल वन निकला और दूसरे तार के लिए क्या निकल जाएगा के एल टू दूसरे तार के लिए चालक तार की लंबाई हो जाएगा दूसरे सेल के लिए सॉरी अब चूंकि हमको दोनों का आपस में तुलना करना है तो इसलिए अब हम क्या करते हैं इसलिए वन सॉरी टू डिवाइडेड बाई थ्री इसको हम रिलेशन नंबर थ्री दे देते हैं इसको हम रिलेशन नंबर थ्री दे देते हैं ये सपोज रिलेशन थ्री है ये अब देखो सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड तो क्या मिल जाएगा अपने को यहां से ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू के एल वन अपॉन के एल टू और यहां से के के कैंसिल आउट हो जाएगा तो देयर फॉर हमको मिल जाएगा ई वन अपॉन ई टू इक्वल एल वन अपॉन एल टू और ये हो जाएगा सेलों के आ, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का फार्मूला क्लियर लास्ट में आप लिख लोगे दो सावधानियां और आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट सावधानी में क्या लिखोगे जो जो सावधानी आपने मीटर ब्रिज में लिखा था पहला क्या कि जाकी को तार से रगड़ना नहीं चाहिए जाकी को तार से रगड़ना नहीं चाहिए और दूसरा पैंच पैंच मतलब जो होते हैं उसके डॉट्स से जहां से उसको ज्वाइंट करते हैं तार को तो पेंच क्या होना चाहिए कसे होने चाहिए टाइट होने चाहिए कसे हुए होने चाहिए मतलब वो टाइट होने चाहिए ओके तो ये हो गया आपका चार या पांच नंबर का एक्सपेरिमेंट बहुत आसान काम है इससे आसान कुछ भी नहीं है क्लियर तो ये है विभव माफी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना एनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए और आपको स्क्रीन शाट लेना है तो आप इसका स्क्रीन शाट ले सकते हैं विथ सर्किट बिल्कुल क्लास से पहले नोट्स बना सकते हो आप लोग को समझ में आता है तो नोट्स बनाने में क्या मनाही है एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट इजी रहता ही है चलिए अब हम देखें इसका नेक्स्ट टॉपिक पी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना हो गया इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट और बता देते हैं आपको मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पर विभो मापी की सहायता से किसी सेल का विभो मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना यह हो गया इसका एक्सपेरिमेंट नंबर टू एक्सपेरिमेंट नंबर टू व्यवहि की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझाया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आपको समझाया है ठीक है अब हम देखते हैं कि विभो मापी की सहायता से उसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं तो सिद्धांत तो वही होगा पहला पॉइंट है इसका सिद्धांत तो चूंकि उपकरण वही है तो सिद्धांत तो वही होगा कभी उपकरण नहीं बदला तो सिद्धांत कैसे बदलेगा ये इसका सिद्धांत होगा दूसरे पॉइंट पर आप बनाओगे इसका परिपथ दूसरे पॉइंट पर इसका परिपथ तो परिपथ में थोड़ा चेंजेस आएगा बहुत नामिनल उसको भी देखो ध्यान से ये तो विभव मापी हो जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके साथ में रियास्टेड थोड़ा सर्किट आप लोग तैयार करना नहीं तो भूल जाओगे कभी कभी क्या लगता है हम बनाते रहते हैं बहुत आसान लगता है अरे बस कुछ नहीं सर तो ऐसे ही किए थे बस सर्किट भूल जाओगे सर्किट आपको याद रखना है और प्रैक्टिस भी करना है देखो यहाँ पर क्या क्या किया गया है ध्यान से सुनना आप एक नया चीज़ आपको यहाँ पर डब्बा दिख रहा है वो क्या है ये तो सबसे पहले रियास्टेड रियास्टेड क्यों लगाया जाता है धारा को नियंत्रित करने के लिए यह की और ये इसका बैटरी और ये ए बी दस मीटर का तार भी मापी का इसके बाद सर्किट में क्या जोड़ा गया है देखो इस सिरे से कनेक्शन लिया और इस कनेक्शन में यहाँ पर एक बैटरी लगाया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध इस्माल आर है और यहाँ पर आप नीचे में एक बास देख रहे हो ये रजिस्टेंस बाक्स है आपको मीटर ब्रिज पढ़ाते समय मैं बताया था कि रजिस्टेंस बाक्स क्या होता है तो यह है रजिस्टेंस बॉक्स आर बी और फिर हम यहाँ से कनेक्शन लेके यहां यहाँ से ज्वाइंट पॉइंट पे कनेक्शन लेके यहां यहाँ पर एक की लगा देते हैं की तो यहाँ जरूरी है यहाँ की लगाएंगे की के साथ हम एक गलवानोमीटर लगाएंगे और फिर हम लगा देंगे एक जॉकी ये ये जे वन पहला कंडीशन अब एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं देखो एक्सपेरिमेंट के मेथड को ध्यान से समझना सबसे पहले हम ये प्रतिरोध बाक्स से कोई प्रतिरोध नहीं निकालते जो नीचे आप आरबी दिख रहा है प्रतिरोध बाक्स उस प्रतिरोध बाक्स से हम कोई प्रतिरोध पहले नहीं निकालते और बिना इसमें से प्रतिरोध निकाले हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और मान लो हमको J1 बिंदु पर तार का उदासीन बिंदु प्राप्त होता है तो जे तक हम इसके तार की लंबाई नोट कर लेते हैं वो सपोज L1 है जे तक तार की लंबाई मान लो क्या है L1 है इसके बाद हम क्या करते हैं अब पुनः हम प्रतिरोध बाक्स से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं और मान लो उस समय हमको जो उदासीन बिंदु है वह J2 टू पॉइंट पर मिलता है और इसकी लंबाई सपोज यहाँ से L2 है इसकी लंबाई यहाँ से L2 है मतलब पहले कंडीशन में लंबाई L1 है दूसरे कंडीशन में लंबाई L2 है इस तरह से जब हम इसका गणना करेंगे तो गणना में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सिर्फ सेल के लिए सिर्फ सेल के लिए मतलब सेल के लिए चालक तार की लंबाई चालक तार की लंबाई l हो तो सॉरी l1 हो तो अब देखो जब चालक तार से जब रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाला गया है मतलब विद्युत वाहक बल इफेक्टिव है तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल का मान E1 वन बराबर के इंटू एल होगा इस फार्मूला के हेल्प से अब देखो प्रतिरोध बाक्स से मतलब प्रतिरोध बाक्स को लेके, जब हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे पहले हम सेल को लेके किए और जब हम प्रतिरोध बाक्स को लेके करेंगे तो प्रतिरोध बाक्स के लिए चालक तार की लंबाई के लिए चालक तार की लंबाई प्रतिरोध बाक्स के लिए चालक तार की लंबाई l2 हो तो तो उस कंडीशन में e2 इक्वल टू हो जाएगा k इन तो उस समय अच्छा सॉरी E1, E2 नहीं होगा सेल तो एक ही है ना भाई अपने पास ये मैं गलत लिख दिया केवल E होगा और सेकंड कंडीशन में V होगा V इन टू के एल टू होगा क्योंकि पहले कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्टिव है और दूसरे केस में विभवांतर एक्टिव है क्योंकि हमने रजिस्टेंस बॉक्स से रजिस्टेंस निकाला हुआ है तो ये ई e बराबर के एल वन और वी बराबर के एल टू ये सपोज रिलेशन नंबर टू है और ये सपोज रिलेशन नंबर थ्री है अब चूंकि हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे इसलिए सेल का इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू कल हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है आर अंडर ब्रैकेट ई अपान वी माइनस वन ये होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला ये फार्मूला हमने कल के क्लास में पढ़ा है कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट ई अपान वी माइनस वन अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप कर दें इसका तो दैट इम्प्लाइज वैल्यू क्या है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट ई मान क्या है के एल वन और वी का मान है के एल टू माइनस वन यहाँ से ये दोनों के कैंसल आउट हो जाएंगे और हमको फार्मूला मिल जाएगा दे आर फॉर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट एल वन अपॉन एल टू माइनस वन और यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होगा हम प्रयोगों की सहायता से एल वन और एल टू का मान ज्ञात करेंगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एल वन निकलेगा एल टू निकलेगा और कैपिटल आर रजिस्टेंस बॉक्स से जो फार्म जो प्रतिरोध निकाले हैं वो निकलेगा और इस तरह से ये दोनों मान को यदि हम भर दें तो वहां पर हमको इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा क्लियर तो ये है सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला और सावधानियां तो वही रहेगा जो हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता था। श्रेष्ठता था मतलब सुपरिटी सुपरियरिटी का मतलब क्या होता है उससे बेहतर होना तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है विभव मापी की मतलब विभव मापी ज्यादा अच्छा है वो किससे वोल्ट मीटर से भाई दोनों का काम है पोटेंशियल गैप करना मैंने देखा है बहुत बार क्लास में कई बार ऑफलाइन क्लास का जनरली हमको बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर विभव मापी भी वही काम कर रहा है और धारा मापी भी वही काम कर रहा है ठीक है विवो मापी भी वर्ल्ट मीटर सॉरी विवाह मापी वही कार्य कर रहा है और वोल्ट मीटर भी वही काम कर रहा है धारम को हम वोल्ट मीटर बना देते हैं आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो दोनों तो सर वही काम कर रहा है तो दो दो डिवाइस का क्या रोल है या कौन अच्छा है क्यों अच्छा है इस तरह से ठीक है तो यहां पर देखिए मान लो ये क्वेश्चन यहां पर कोई क्वेश्चन टू मार्क्स थ्री मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है टू मार्क्स का या थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या खासकर एनसीआरटी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सी बी एस ई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी बी एस ई में जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा उस तरह का होता है तो विभो मापी और वोल्ट मीटर में कौन अधिक श्रेष्ठ है तथा क्यों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा विभो मापी तथा वोल्ट मीटर में कौन अधिक श्रेष्ठ है तथा तो क्यों तो यहां पर तो साफ साफ लिख दिया गया है विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ था मतलब विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है विभव मापी जो कि हमने इस चैप्टर पे पढ़ा है इसके ठीक पहले वाले क्लास में ही हमने पोटेंशियोमीटर पर कंप्लीट स्टडी किया है तो विभव मापी क्या है वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है क्यों क्यों श्रेष्ठ होता है तो बहुत ध्यान से सुनना पहला कारण इसका यह है कि आपको मालूम है आपने दोनों डिवाइस के बारे में पढ़ा है सुना है अभी तो युवा मापी आपने अभी पढ़ा है विभव मापी क्या होता है जब हम विभव मापी का यूज़ करते हैं पहले तो मैं बात आपको बात करूं वोल्ट मीटर पर वोल्ट मीटर को जब किसी सर्किट में लगाया जाता है तो वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर में से होकर कुछ धारा प्रवाहित होता है अब वोल्ट मीटर का अपना खुद का कुछ रजिस्टेंस होता है तो जब वह रजिस्टेंस से वोल्ट मीटर के रजिस्टेंस से पार हो जब वह धारा गुजरता है तो वहां पर क्या होता है वह कुछ करेंट वहां पर व्यय होता है रजिस्टेंस होने के कारण और वह परफेक्ट रीडिंग नहीं देता मतलब वह प्योर रीडिंग नहीं देता कि वास्तव में विभवांतर कितना है लेकिन आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि जब हम विभव माफ़ी पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि विभव माफी क्या है शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है मतलब जब विभव माफी का विक्षेप शून्य होता है तभी हम क्या करते हैं उसका रीडिंग लेते हैं मतलब यहाँ पर उसमें से विभव मापी में लगे धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित होती ही नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होने के कंडीशन में क्या होता है वह धारा वेस्ट नहीं करता और वो परफेक्ट रीडिंग देता है इस प्रकार से पहला कारण क्या हो सकता है कि वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत परिपथ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर नापते हैं ठीक है तो सीधा सीधा एक लाइन में आप लिख सकते हो कि इसमें धारा व्यय नहीं होता तो पहला कारण यही है अभी मैं एक काम करता हूं किया हूं समझ लो करता हूं क्या यहां पर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको पॉइंट टू पॉइंट यहां पर मैं वोल्ट मीटर तथा विभव मापी में अंतर के रूप में मैं लिख दिया हूं एक पॉइंट में वोल्ट मीटर है और दूसरे में क्या है विभव मापी है ठीक है तो यहां पर हम इसको यहां पर एक मिस्टेक हो गया है वोल्टा मीटर लिखा गया है वोल्टा मीटर नहीं होता वोल्ट मीटर होता है उसको मैं करेक्ट करता हूं वोल्टा मीटर तो अलग चीज़ हो गया टर बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गया मैं बाद में बात करूंगा उस पर तो पहला पॉइंट वे हो गया दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है दूसरा पॉइंट इसका श्रेष्ठ होने का जो कारण है वो क्या है कि इसकी सहायता से ज्ञात करते समय संकेतक का विक्षेप नहीं पढ़ना पड़ता देखो आपको मालूम है कि जब हम वोल्ट मीटर को रीडिंग करेंगे तो वोल्ट मीटर को रीडिंग करते समय जो वोल्ट मीटर होता है उसमें जो रीडिंग होता है मतलब इसमें रीडिंग को हमको मेजरमेंट करना पड़ता है तो मेजरमेंट करते समय त्रुटि होने की संभावना होती है भाई किसी भी डिवाइस को जब इलेवेंथ क्लास में पढ़े हो त्रुटिया तो जब कोई भी यूज़र किसी डिवाइस को यूज करता है तो कुछ कारण से वहाँ पर त्रुटि होने की संभावना होता है तो वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर यूज करते समय रीडिंग लेते समय रीडिंग लेते समय क्या होता है कुछ त्रुटि हो सकता है लेकिन विभव मापी में ये लफड़ा ही नहीं है क्यों क्योंकि वो तो शून्य विच्छेद पर आधारित है वहां पर तो विक्षेप होना ही नहीं है तो शून्य विक्षेप पर आधारित होने के कारण वहां पर क्या करते हैं अपन रीडिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ता जिसके कारण वहां पर त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो विभव मापी है वह वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है तो दो कारण आप लिख सकते हैं क्लियर यहां तक कोई प्रॉब्लम नोट्स में नहीं है तो आप यहां से लिख सकते हो ये आप स्क्रीन शार्ट ले लो ये आप स्क्रीन शार्ट ले लो अच्छा ये वोल्ट मीटर नहीं है इसको ध्यान रखना सुधार लेना वोल्टा मीटर किसको बोलते हैं मालूम है वोल्टा मीटर का मतलब होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत अपघटन करते हैं उसको वोल्टा मीटर बोलते हैं ये वोल्ट मीटर है एक आ की मात्रा से इतना बड़ा चेंजेस आ जाता है इसमें इंग्लिश स्पेलिंग में भी वोल्टा, v -O -L -T -A, वोल्टा और वीओ एल टी वोल्टमीटर पूरा चेंज हो जाता है देखो ध्यान से सुनना पहला पॉइंट क्या करता है यह विष्छे विधि पर आधारित है यह शून्य विच्छेप पर आधारित है इसीलिए श्रेष्ठ इस है अभी मैं बताया इसमें विष्छेप लेना पड़ता है इसमें विच्छेप नहीं लेना पड़ता इसीलिए वो श्रेष्ठ है दूसरा पॉइंट क्या बताया इसकी सुग्राहिता कम होती है अभी सुग्राहिता हम आगे पढ़ेंगे वोल्ट मीटर की सुग्राहिता कम होती है जबकि विभव मापी की सुग्राहिता अधिक होती है इसलिए भी ये अधिक है अच्छा है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इस तरह के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं मुझे मालूम है मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है नाइनटी नाइन्टी फाइव प्लस मार्क्स यदि आपको लाना है फिजिक्स में तो दो चीजों पर आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा एक तो तथ्यात्मक प्रश्नों पर जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पर इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं तथ्यात्मक प्रश्न और दूसरा न्यूमेरिकल्स जब तक आप न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्शल क्वेश्चन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते और हमारा तो टारगेट ही है इस साल कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सबका 95 प्लस मार्क्स आए हमारे सब्जेक्ट में तो आए ये हमारा डिटर्मिनेशन है इसलिए हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे कि जब आप पेपर में बैठो बोर्ड एग्जाम के तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिस पर क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा मापा गया विभवांतर से कुछ कम होता है और इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल या वास्तविक विद्युत वाहक बल विभा के तुल्य होता है चौथा पॉइंट पांचवा इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है ठीक है आदर्श विभाव मापी का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है इसके बाद देखो इसका उपयोग केवल विद्युत वाहक बल या विभान्तर ज्ञात करने के लिए जाता है इसका उपयोग विद्युत वाहक बल तथा विभांतर ज्ञात करने के अतिरिक्त सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है एक बेस्ट पॉइंट है इसको भी श्रेष्ठ होने पर आप लिख सकते हो यह मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन अंतर में लिखा हूं कि आपने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा कि हम विभव माफी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं विभव माफी की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं यह काम वोल्टमीटर नहीं करेगा इसलिए भी वो श्रेष्ठ है ठीक है और लास्ट और लास्ट और बेस्ट क्वेश्चन है इसका आकार बहुत छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है इस मामले में विवाह माफी थोड़ा गड़बड़ है वर्ल्ट मीटर तो इतना बड़ा होता है छोटा सा मैं बता दूंगा किस दिन आपको क्लास में और वो तो इतना बड़ा डिवाइस होता है कल मैं समझाया लकड़ी के पट्टी पर पूरा कसा हुआ रहता है ठीक है कल का क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा कल का क्लास न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं कराता मेरा अपना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है लेकिन हमने एनसीआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको हमारे प्ले पर मिलेगा कुछ चैप्टर के बचे हैं वो कम्प्लीट कर दिए जाएंगे तो एनसीआरटी का सीरीज एक बार हम चला चुके हैं और उस पर फिर बार बार करने का जरूरत नहीं है आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको आराम से कर सकते हैं एनसीआरटी की वही प्रॉब्लम है तो हर हर क्लास में आपको नया न्यूमेरिकल मिलना चाहिए एनसीआरटी के न्यूमेरिकल तो फिक्स हो गए यही यही है करके अब हर नए क्लास में हर सेशन के क्लास में आपको कुछ नए और एडवांस न्यूमेरिकल मिले तो कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा बेहतर है वो तो हम कई वेराइटी पर उसको टच कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को ताकि आप तीन चार पाँच प्ले को जब आप फ्यूचर में करो तो आपको बहुत वेराइटी के न्यूमेरिकल्स आपको कवर हो जाए ओके हाँ बिल्कुल हर सेशन पर हर सेशन पर हम न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारे चैनल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लो प्रीवियस ईयर का प्ले लिस्ट में न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन करता है तो उसको अलग न्यूमेरिकल मिले और इस सेशन में अलग न्यूमेरिकल मिले तब तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ़ वेरायटी इंक्रीज होंगे ना और वही 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 कराते रहूंगा तो ऐसा नहीं है हाँ एन का एक बार क्योंकि एन के क्वेश्चन तो वही हैं उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स में वेरायटी होनी चाहिए आपकी ओके वो हम करेंगे उसकी पूरी ध्यान हम रखते हैं आप बस मेहनत करो पढ़ाई करो चलो तो ये हो गया हमारा इस पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें विभव मापी की सुग्राहिता किसी भी डिवाइस का सुग्राहिता सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वह उपकरण कितने अच्छे से कितने अच्छे से अपने काम को कर पा रहा है कितना सेंसिटिव है मतलब कितने कम से कम अब मापी का काम क्या है तो मैं बता रहा था आपको कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना सेंसिटिव अब बोलते हैं ना ये आदमी बहुत सेंसिटिव है कॉमन लैंग्वेज में भी हम लोग यूज़ करते हैं ना ये वर्ड भाई ये आदमी बहुत सेंसिटिव है इससे थोड़ा सा बच के रहो या इस ऐसा, ऐसा कुछ मत बोलो कि थोड़ी बात का इस पर अफेक्ट हो जाए तो सेंसिटिव होने का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो जितना सेंसिटिव होगा उतना शार्प रीडिंग देता है या उतने छोटे चीज़ों को वो बता सकता है तो यहाँ पर धारा मापी का सॉरी विवाह मापी का सेंसिटिविटी का मतलब यही है इसको हम मैथमेटिकली देखें तो अभी हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस क्लास में ईक्वल e टू इसका विद्युत वाहकबल ईक्वल e टू क्या होता है के इन टू एल ई इक्वल टू के इन एल होता है ये हमको मालूम है अब यहाँ से हम इसमें एल के लिए डिस्कसन करें तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपान के दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू ई अपॉान के और यदि हम इसके विद्युत वाहक बल को कांस्टेंट ले लें यदि किसी सेल का विद्युत बल कांस्टेंट है तो देआर फॉर एल प्रपोशनल टू वन अपॉन के हो जाता है और के यहां पर क्या है विभव प्रवणता मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझाया हूं ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान जितना कम होगा इसका मान जितना ही कम होगा उतना ही क्या होता है चालक तार के लंबाई को अधिक रखना होता है मतलब हमको जब सेंसिटिव बनाना है अभी एक क्वेश्चन में आगे आपको और कराऊंगा कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि विभव मापी के तार की लंबाई को अधिक रखी जाती है क्यों आप लोगों को याद होगा कि जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो बोला था कि मीटर ब्रिज में एक मीटर लंबा तार से काम चला लिया गया ठीक है मीटर ब्रिज में एक मीटर लंबे तार से काम चला लिया गया लेकिन जब विवाह मापी बनाया गया तो 10 10 मीटर का तार उपयोग किया गया 10 मीटर तो 10 मीटर का तार यूज करने का मतलब क्या है यहीं से आपको समझ में आएगा कि वास्तव में उसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लंबा तार यूज़ किया कि जितना अधिक लंबा हम तार यूज करेंगे उसका विवाह प्रवणता उतना ही कम होगा और वह उतना ही क्या होगा सुग्राही होगा जित जितना ज़्यादा अच्छे से उससे हम करेंट मेजरमेंट कर सकते हैं तो यह है विवाह मापी की सुग्राहिता ओके क्लियर यहां तक ये यह सब दो दो तीन तीन नंबर के पूछने लायक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में दो नंबर का तीन नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं अति चालकता की अवधारणा देखो आज का हमारा क्लास ही है डिस्कशन ऑन स्पेशल कॉन्सेप्ट हम स्पेशल कॉन्सेप्ट पर आज डिस्कस कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर वो सब बहुत ही स्पेशल हैं और थोड़ा डिफरेंट है तो अति चालकता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आप लोगों ने सुपर कंडक्टर का नाम सुना होगा आप लोगों ने सुपर कंडक्टर का नाम सुना होगा यह आप कहीं भी फिजिक्स भी बुक में न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होंगे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है अब आज के डेट में सुपर कंडक्टर बहुत से डिवाइस में यूज होने लगा है जैसे एम मशीन जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे पूरे बॉडी का एम करते हैं मेडिकल साइंस में या सेटेलाइट वगैरह हैं ये सब क्या है सुपर कंडक्टर इसमें यूज होने लगे हैं तो सुपर कंडक्टर है क्या हम इस पर थोड़ा थो सा डिटेल डिस्कस करते हैं ये एग्जाम में आने नहीं आने को तो आप किनारे रख दो तो आपके फिजिक्स पर एक अच्छे नॉलेज के लिए भी यह बेहतर टॉपिक है कि एक फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको यह चीज जानना चाहिए और करेंट इलेक्ट्रिसिटी का यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है चलिए तो हम डिस्कस करें कि क्या है सुपर कंडक्टर क्या है हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वह ताप के समानुपाती होता है प्रतिरोध जो है ताप के समानुपाती होता है इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ताप को कम करते जाते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो नेचुरली भी क्या होगा नेचुरली प्रतिरोध भी क्या होगा कम होगा ठीक है जैसे हम इसको कम किए मान लो हम ताप को कम करते जाते हैं तो प्रतिरोध भी कम होगा क्योंकि दोनों में समानुपातिक संबंध है तो इसके टेम्परेचर को कम करते करते, करते वैज्ञानिकों ने देखा कि एक कंडीशन ऐसा आ गया कि उस कंडीशन में इसका वैल्यू को कम करते करते इसके वैल्यू को कम करते करते एक कंडीशन ऐसा आ गया कि एक मिनिमम टेम्परेचर पर एक मिनिमम टेम्परेचर पर चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो गया देखो अजूबा हो गया प्रतिरोध ही शून्य हो गया तो टेम्परेचर को कम करते करते एक मिनिमम टेम्परेचर पर जब किसी चालक तार का प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना अति चालकता खिलाता है इसका मतलब ये हुआ कि तार तो है अपने पास डिवाइस है बट उसमें रेजिस्टेंस नहीं है और आप समझ सकते हैं कि मान लो हमारा कोई डिवाइस बिना रेजिस्टेंस का हो तो, तो करंट कंज्यूम कर ही नहीं करेगा दैट मीन्स ये तो अकल्पनीय बात हो गया कि हम किसी डिवाइस को करंट दें वो डिवाइस काम भी करे लेकिन करंट को कंज्यूम ना करे खर्च ना करे तब तो वो मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी यूज किए वर्क करने लगेगा तो सुपर कंडक्टिविटी का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है एक मिनिमम टेम्परेचर पर किसी चालक तार के प्रतिरोध के शून्य हो जाने को मिनिमम टेम्परेचर पर किसी चालक तार के प्रतिरोध के शून्य हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं सुपर कंडक्टर कहते हैं अति चालक कहते हैं और इस मिनिमम टेम्परेचर को क्रांतिक ताप कहते हैं इसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर यह क्रांतिक ताप कहलाता है तो क्रांतिक ताप का मतलब क्या हुआ क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो जाता है मतलब उसकी चालकता अनंत हो जाती है उसकी चालकता अनंत हो जाती है और इस तरह से ऐसे डिवाइस को एक बार करंट देने पर ऐसे डिवाइस को एक बार करंट देने पर हम महीनों तक कई वर्षों तक कई साल तक काम ले सकते हैं बिना करंट को खर्च किए अजूबा है आप आप इमेजिन करो कि इस तरह से यदि हमारा घर का कनेक्शन सुपर कंडक्टर से हो जाए हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो यदि सुपर कंडक्टर से हो जाए तब तो एनर्जी का पावर भी ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि जिस टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं या जिस टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टिविटी का नेचर डेवलप करते हैं उस टेम्परेचर पर हम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उतने मिनिमम टेम्परेचर पर हमारा लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम अपने घर के कनेक्शन अभी उसमें नहीं लेकिन वैज्ञानिक लोग इसमें प्रयासरत हैं कि मान लो जिस दिन मेरी बात ध्यान से सुनना मान लो जिस दिन रूम टेंपरेचर पर सुपर कंडक्टर बना लिया गया कमरे के ताप पर जिस दिन कमरे के ताप पर सुपर कंडक्टर बना लिया जाएगा उस दिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम फार खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से करंट आएगा और महीनों तक तो हमारे डिवाइस काम करेंगे वर्षों तक डिवाइस काम करेंगे करंट खत्म ही नहीं होगा लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है मैं आगे और डिस्कस करूंगा तो कहाँ कहाँ पर यह हो पाया है जैसे मरकरी का फोर्टी टू फोर होता है कुछ सुपर कंडक्टिविटी का जो नेचर आया है जिसमें मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है फोर पॉइंट मतलब डिग्री सेल्सियस में निगेटिव में चला जाएगा माइनस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन एट्टी के आसपास ठीक है ये हो जाएगा और कुछ है जैसे लेड है लेड का भी होता है सेवन पॉइंट टू ये कुछ है वो भी बहुत कम है लेड का मतलब पी बी इसका होता है सेवन पॉइंट टू है ना ध्यान रखना इस पर इन लोग सुपर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पर इन लोग सुपर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं अब थोड़ा और डीपली हम डिस्कस करें और डेप्थ में डिस्कशन चाहिए बहुत गहराई से डिस्कस करूं कि ट्वेल्थ क्लास के नॉलेज के हिसाब से ये सफिशियन है आप लोग को इंटरेस्ट हो तो फिर मैं बहुत डेप्थ में डिस्कशन करूं जो मॉडर्न टाइम में इस पर जो वर्क हो रहा है क्योंकि इसका जो कारण है सुपर कंडक्टिविटी का जो कारण है कभी आपको कोई पूछे कि सुपर कंडक्टिविटी का नेचर किसी पदार्थ में क्यों आता है तो बहुत अजूबा है कारण आज भी अज्ञात है सुपर कंडक्टर बना लिया गया है सुपर कंडक्टर बना लिया गया है बट उसका रीजन नहीं पता सोचो हम आज हम साइंस के पिक पर जी रहे हैं मतलब आज साइंस अपने पिक पर है उसके बाद भी आज हम बहुत सारी चीजों का कारण जानने में अभी पूर्णता नहीं पा सके हैं कारण नहीं जान पाए कंप्लीट नहीं हो पाए उसका वर्क चल रहा है सुपर कंडक्टर भी उनमें से एक चीज है कि आज तक इसका कारण नहीं पता है कि सुपर कंडक्टिविटी का नेचर पदार्थ में क्यों आता है लेकिन कुछ मत हैं कुछ मत हैं यदि आप लोग को स्पेशल इंटरेस्ट हो तो मैं इस पर आगे डिस्कस करूं अदरवाइज ट्वेल्थ क्लास के अकॉर्डिंग ये आपको पूरा नॉलेज हो गया तो चलो एक बार आप लोगों से पूछता हूं कि इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है तो मुझे इन्फॉर्म करिए यस सर अदरवाइज आगे चलें। मैं देखूं कितने परसेंट लोग बहुत डेप्थ में नॉलेज रखने पर इंटरेस्ट रखते हैं ओह ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट हंड्रेड परसेंट अरे वाह चलो तो फिर मजा आ गया हमको भी क्योंकि क्या होता है कि मैं तो बहुत हाई लेवल पर आपको डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ लेकिन फिर वैसी रिसीवर भी होना चाहिए ना ओके ओके ओके, ओके वेरी गुड ऐसा इंटरेस्ट हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आपको तैयार हूँ चलो तो फिर डिस्कस करते हैं अपन हम लोग को कारण तो अज्ञात है बट बहुत हद तक उस पर डिस्कशन हो चुका है कि सुपर कंडक्टिविटी का कुछ वैज्ञानिकों ने बीच में डिक्लेयर कर दिया सुपर कि कंडक्टिविटी किसी पदार्थ में इस कारण से आता है लेकिन बाद में वो कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि साइंस में कोई भी कंसेप्ट का रीजन जब आता है तो उसको प्रूफ करना होता है ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया उसको पूरी दुनिया मान लेगी खासकर नोबेल प्राइज वगैरह जिस चीज पर मिलता है उसमें तो कितने दिनों तक उस पर साइंटिस्ट क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाती है कि इनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट किसी का नकल तो नहीं है गलत तो नहीं है तो कहीं जाके उसको अप्रूवल मिलता है तो सुपर कंडक्टिविटी पर कुछ मत हैं उस मत पर मैं डिस्कशन करता हूँ देखो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है अभी हमने पढ़ा कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो चलो विचार करते हैं कि प्रतिरोध शून्य होने पर क्या क्या हो जाएगा ठीक है प्रतिरोध शून्य होने पर क्या क्या हो जाएगा इस बात पर विचार करते हैं तो हमने ओम के नियम में पढ़ा है ओम स्ला कहता है कि R इक्वल टू होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा देखो आप सभी ने सहमति दी है कि सर बहुत डीपली पढ़ाइए तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं तो फिर उसी हिसाब से आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको सुनना भी पड़ेगा जब तक आप लोग उसको बहुत ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर मजा नहीं आएगा तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनना अभी हमने ये पढ़ा कि अति चालक होने के कंडीशन में अति चालकता पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है ये बात हमने अभी पढ़ा अब सोचो ये जो फार्मूला आर का लिखा हुआ है इस पर हम डिस्कस करें तो यदि इसका मान शून्य करें हम यदि हम आर को जीरो करें यदि हम प्रतिरोध को शून्य करें तो किसी भी भिन्न राशि का मान शून्य होने का दो वजह हो सकता है चलो यहां पर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर डिस्कस करूं कि जैसे मैंने कहीं पर x अपान वाई इक्वल टू जीरो लिखा है तो ये सिर्फ दो कंडीशन में हो सकते हैं इसके सिर्फ दो कंडीशन हो सकते हैं पहला दूसरा कौन बताएगा x बटे वाई का मान शून्य सिर्फ दो कंडीशन में हो सकते हैं किस किस कंडीशन पर हो सकते हैं बताइए यह तो छोड़ो अभी आप इसको भूल जाओ वहां पर बात करो कोई भी भिन्न कमान शून्य होने का मतलब क्या होता है कि किस दो कंडीशन पर शून्य हो, हो सकता है बताइए y इनफिनिटी साबस y का वैल्यू इनफिनिटी दोनों हो सकते हैं भाई क्यों मालूम है क्योंकि शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है दैट मीन्स एक्स शून्य हो सकता है और हमको यह भी पता है कि किसी संख्या पर अनंत का भाग देने पर भी वो शून्य हो जाता है किसी संख्या पर अनंत का भाग देने पर भी वो शून्य हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर देखो अब जब इसका मान शून्य है आर का मान शून्य है इसका मतलब यह हुआ कि एम एल को एम एल को क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए या इसके मान को अनंत बहुत हाई लेवल डिस्कशन पर हूं बहुत ध्यान से सुनना फिजिक्स का इस लेवल पर डिस्कशन यदि किया जा रहा हो तो ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा लेकिन वो आपको यूनिट नॉलेज होगा मजा भी बहुत आएगा मेन मजा आना है आपको तो R के मान के शून्य होने का मतलब है कि एम एल का मान शून्य हो या ये जितना हर में लिखा है उसका मान अनंत हो तो हम एक एक पर चर्चा करें तो m इन टू एल का मान शून्य होना संभव नहीं है अभी दुनिया में जो लेटेस्ट वर्क हो रहा है सुपर कंडक्टिविटी पर उस पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी दुनिया में जो वर्क हो रहा है उस पर बात कर रहा हूं सुपर कंडक्टिविटी पर यह संभव नहीं है ऊपर वाला संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है भाई एम यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है यहां पर किसी ए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कैलकुलेटेड है कितना पावर माइनस थर्टी वन के जी द मास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन के जी तो जीरो कैसे होगा तो मास जीरो होना पॉसिबल नहीं है ऐसे भी फिजिक्स में किसी चीज का मास जीरो हो ही नहीं सकता उसको हम नहीं पढ़ते फिजिक्स में दूसरा है एम एल 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 तो चालक तार की लंबाई है यदि चालक तार की लंबाई को हम क्या कर दें जीरो कर दें तो चालक तार की लंबाई को जीरो करने पर तो तार ही खत्म तो कहां का चालक तार कहाँ का सुपर कंडक्टिविटी और कहाँ का क्या है ना खत्म तो दोनों संभव नहीं है भाई चलो तो अब हम अपना पूरा एक्सप्लेनेशन इस पर फोकस करते हैं एन इंटू ई स्क्वेयर ए इंटू टा अब इसको अनंत होना चाहिए तो इसका अनंत होने का मतलब इसमें सबको इंडिविजुअल अनंत होना चाहिए क्योंकि जब तक ये चारों पांचों में से कोई एक अनंत नहीं होगा तब तक ये अनंत नहीं हो सकते तो सुनते जाना एन संभव नहीं क्यों एन है इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो ही नहीं सकता अनंत इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निश्चित होती है वो अनंत नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश संभव नहीं इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन गुलाम होता है मतलब यह भी अनंत नहीं हो सकता यह भी संभव नहीं है अब हम देखें क्षेत्रफल संभव नहीं क्यों चार चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनंत कैसे होगा वो भी संभव नहीं है अब एक बज गया टा टा के बारे में सोचो तो विचार किया जा सकता है टा पर विचार किया जा सकता है और विचार हुआ कि भाई काल अनंत हो सकता है हो सकता है होगा नहीं हो सकता है इसीलिए मैं बोला विचार किया जा सकता है इस पर तो कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने डिक्लेयर कर दिया भाई हमको कारण पता चल गया अति चालकता का क्या कि काल अनंत होता है इलेक्ट्रॉन का काल अनंत होता है डिक्लेयर कर दिया गया और बोल दिया इस कारण से अति चालक अब ध्यान से सुनना जब काल अनंत होगा तो अनंत के साथ ये सब गुणा होकर अनंत हो जाएंगे और अनंत का जब ए में भाग होगा तो शून्य हो जाएगा तो प्रतिरोध शून्य हो गया और कारण हमको पता चल गया कि काल के अनंत होने से पदार्थ में अति चालकता का गुण आता है बट यह रीजन रिजेक्ट हो गया ये कारण को अमान्य कर दिया गया ठीक है इसको अमान्य कर दिया गया विचार किया जा सकता है और इसको मान्यता भी मिली लेकिन इसको क्या कर दिया गया अमान्य कर दिया गया क्यों अमान्य कर दिया गया अब कारण सुनो अमान्य क्यों कर दिया गया तो उसको अमान्य करने का कारण क्या है मैं आपको जब ओमस पढ़ाया तो उसके पहले यह पढ़ाया कि काल क्या होता है तो काल होता है इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच का समय ध्यान से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में लगा समय अब अनंत हो गया तो दो चीजों के टकराने में लगा समय अनंत हो गया दैट मीन टकराएंगे ही नहीं इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बंद हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टकराना बंद हो गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो कंडीशन में नहीं टकरा सकते कौन कौन से दो कंडीशन में टकराने नहीं सकते फ्री इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बंद हो गया समझ लो फ्री इलेक्ट्रॉन का टक्कर बंद हो गया यदि टा अनंत हो जाएगा यदि टा अनंत हो जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बंद हो गया तो कोई भी दो गतिशील पिंड सिर्फ दो कंडीशन में नहीं टकरा सकते बताओ कारण कौन से यह गतिशील नहीं इस दुनिया में कोई भी दो पिंड इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड सिर्फ दो कंडीशन में नहीं टकरा सकते कब कब बताओ कब कब इस ब्रह्मांड में दो पिंड कभी एक दूसरे से नहीं टकरा सकते कब कब मतलब आप लोग मेरे डिस्कशन पर इंटरेस्ट ले रहे हो अच्छा लगा मुझे देखो दो पिंड सिर्फ दो कंडीशन में कभी नहीं टकरा सकते पहला तो ये कि जब दोनों जब दोनों क्या हो स्थिर हो लो ये तो मज़ेदार बात हो गया दोनों स्थिर होंगे तो कैसे टकराएंगे एक बिल्डिंग यहां एक बिल्डिंग यहां है दोनों अपने जगह में स्थिर है क्यों टकराएंगे तो टक्कर नहीं होने का हां रविशंकर ने लिखा यदि दोनों पिंड स्थिर हैं तो दोनों पिंड स्थिर है तो नहीं टकराएंगे इसका मतलब इसका मतलब वैज्ञानिक ये कहना चाह रहे हैं जो कारण दिया वो वैज्ञानिक ये कहना चाह रहे कि इलेक्ट्रॉन के रेस्ट में आ गए क्योंकि उन लोगों ने बोला कि काल अनंत हो गया तो काल अनंत हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में आ गए क्यों टकराई नहीं रहे विच इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन नेवर कैन बी इन रेस्ट कंडीशन इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट कंडीशन में नहीं आ सकते यह भी रिजेक्ट हो गया तो तो दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है समांतर गति समांतर गति इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन समांतर रेखा में गति करने लगे तो बोला कि भाई समांतर रेखा में गति करने लगे क्या नहीं जब नहीं रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन टकराने रहे हैं तो या तो रेस्ट में आ गए या तो समांतर गति करने लगे तो रेस्ट में आ नहीं सकते तो क्या समांतर गति करने लगे तो वो भी संभव नहीं है समांतर गति करना भी संभव नहीं है क्यों ये भी संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी लगाए बिना करंट का सोर्स लगाए यदि समांतर गति करने लगे तो करंट जनरेट करने का जरूरत क्या है कापर का तार लाओ घर में लगा दो लाइट जलना शुरू क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो समांतर गति करने लगे बिना बैटरी लगाए तो फिर एनर्जी का सोर्स का मतलब बैटरी का जनरेटर का जरूरत ही क्या है जब चालक तार के इलेक्ट्रॉन अपने आप समांतर रेखा में गति करने लगे तो उनके समांतर रेखा में गति करना ही तो करेंट का फ्लो होना है तो बैटरी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुल मिला के सारे रीजन रिजेक्ट हो गए कुल मिला के सारे रीजन रिजेक्ट हो गए आ गई बात समझ में इस तरह से आज भी इस तरह से आज भी सुपर कंडक्टिविटी का कारण अज्ञात है ये मैंने आपको जो मताया वो कुछ मत है जो कि मान्य नहीं तो कुछ समझ में आया तो फ्यूचर में यदि कोई साइंटिस्ट सुपर कंडक्टिव अभी कितने से वैज्ञानिकों को सुपर कंडक्टिविटी के स्टडी पर नोबल प्राइज मिल रहा है हर साल सुपर कंडक्टिविटी पर जो एडवांस वर्क हो रहा है उसी पर कुछ न कुछ कुछ न कुछ नोबल प्राइज़ मिल रहा है हर बार साइंटिस्ट को लेकिन अभी तक सुपर कंडक्टिविटी का कारण नहीं बताया किसी ने कि भाई ये पदार्थ में कैसे आया लेकिन कुछ हद तक साइंटिस्ट अब अप्रोच कर रहे हैं फ्यूचर में हम लोग फिर पढ़ेंगे कि भाई सुपर कंडक्टिविटी का कारण ये है तो कुछ समझ में आया मान लो एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो हो सकता है यूनिवर्स में कभी ना कभी वो कहीं टकरा जाए संभावना खत्म नहीं होती उनकी इसलिए हम लोग बोलते हैं जब प्रकाश में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं अनंत में प्रतिबिंब बनेगा तो दोनों प्रकाश की किरणें तो फैलती ही जाती हैं तो क्यों बोलते हैं अनंत में प्रतिबिंब बनेगा कि कभी ना कभी पीछे बढ़ाने पर मिलेंगे आपका लॉजिक सही है बट वो हंड्रेड परसेंट नहीं ऑथेंटिक नहीं है तो क्लियर समझ में आया कुछ चलो आप लोगों ने रुचि लिया ये बहुत अच्छी बात है अदरवाइज स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते तो इतना डीप डिस्कशन करने में थोड़ा संकोच होता है हमको भी संकोच होता है मींस हम बताए जा रहे हैं और फिर आप लोग ध्यान नहीं दिए एक चीज मुझे और बहुत अच्छा लगा कि जब तक इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन कर रहा था एक भी स्टूडेंट फालतू चैट नहीं कर रहा था ट मीन्स आपका ध्यान इसमें था तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा और आगे चल के उसको और आप समझने का कोशिश करना चलिए एक क्वेश्चन हम और आगे देखते हैं अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं यह क्वेश्चन भी दो नंबर के तीन नंबर के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है मानव शरीर का प्रतिरोध किस क्रम का होता है ह्यूमन बॉडी हम हम लोग मानव शरीर है हमारा ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग का रेजिस्टेंस कितना होता है भाई बता सकते हो मानव शरीर का प्रतिरोध कितने ओम का होता है आर का मान कितना होता है हमारी चलिए मैं बताता हूं मैं तो सोच रहा था आप लोग सही आंसर दोगे यह होता है टेन किलो ओम मतलब दस की घात तीन ओम इतना होता है टेन किलो ओम होता है कितना जीरो लगा दिया जहान एक जीरो ज्यादा लगा दिया क्या हम्म टेन किलो ओम होता है के जी ओम नहीं नीतीश के जी नहीं किलो ओम तो मानव शरीर का प्रतिरोध इतना होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमको मालूम है इसीलिए मानव शरीर क्या होता है अब थोड़ा ध्यान से सुनना अब आगे का मेरा डिस्क। वो तो हो गया टेन किलोम हो गया वो तो केवल फैक्ट था आपको मेरे को फैक्ट बताना था अब आगे का डिस्कशन ध्यान से सुनना इसीलिए जब हम लोग को इलेक्ट्रिक साक लगता है या हाई वोल्टेज करेंट में अपन फंस जाते हैं तो हमारा डेथ हो जाता है हाँ नीतीश मैं समझ गया था तो वो हाई वोल्टेज करंट में आता है कोई इंसान तो उसकी मृत्यु हो जाती है उसका डेथ हो जाता है क्यों मालूम है इलेक्ट्रिक साक्ष है इलेक्ट्रिक शाख से डेथ नहीं होता एक्चुअल में बर्न होने से उसका डेथ होता है यदि हमारा रेजिस्टेंस कम होता सुनना बहुत ध्यान से मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर रहा हूँ यदि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता कम होता तब तो हम कंडक्टर हो जाते कहीं पर कुछ कनेक्शन लेते समय तार वार छोटे पड़ता रहता छोटा पड़ता रहता तो एक हाथ से इधर तार तार को पकड़ के एक हाथ से बल्ब को पकड़ के बल्ब जला देते कहीं पर तार छोटा पड़ता रहता तार नहीं मिल रहा है तो खुद पकड़ लिए चल भाई बल्ब को जला देते यदि हमारा प्रतिरोध कम होता तो हमको बनाने वाले ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया हम लोग को गुड कंडक्टर बनाना था तो इलेक्ट्रिक साग नहीं लगता अपन ऐसी तार को पकड़ लेते हम लोग को साग क्यों लगता है या इलेक्ट्रिसिटी से ह्यूमन बॉडी को नुकसान क्यों होता है रजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण होता है वो कैसे हमारा प्रतिरोध इतना ज़्यादा है और हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिरोध क्या होता है ताप के समानुपाती होता है प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है तो प्रतिरोध ताप के समानुपाती होने के कारण हम लोग का प्रतिरोध अधिक होता है हम लोग का प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए हमारा ताप भी अधिक हो जाता है तो जैसे हमारे शरीर में धारा प्रवाहित होता है सुनना ध्यान से ये बहुत जरूरी चीज है फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है आपके नॉलेज के लिए क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन पर बात कर रहे हैं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ये तो होता क्या है कि जैसे हम करेंट को टच कर देते हैं तो टोटल करेंट बहुत हमारा रजिस्टेंस बहुत होने के कारण वो पूरा टेम्परेचर में बदल देता है मतलब हम लोग हीटर के क्वाइल की तरह बन जाते हैं और जब शरीर हीटर के क्वाइल की तरह बन जाएगा माने जितना करंट पाएगा उसको टेम्परेचर में बदल देगा तो जल जाएगा इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो बर्न होता है जलता है ना कि करंट के कारण डेथ होता है उसका उसके हीट के कारण उसका डेथ होता है टेम्परेचर के कारण यदि हमारा रजिस्टेंस कम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता हमारे में से करंट फ्लो होके चले जाता हम कंडक्टर हो जाते हम कापर के वायर की तरह हो जाते करंट बराबर आता और फ्लो होके निकल जाता कुछ आया समझ में रविशंकर इलेक्ट्रिक साख लगने पर होता क्या है कि पूरा हार्ट बीट पूरा हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है इसीलिए बोल नहीं पाते हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है <laughs> चलिए और कुछ क्वेश्चन पर बात करें यहां पर एक क्वेश्चन है नाइक्रोम के ठीक है निक्रोम या नाइक्रोम के तार का व्यास आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव है ना क्या प्रभाव पड़ेगा चलो बताओ तो इसका आंसर व्यास आधा करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा नो no चेंज भाई क्यों क्यों परिवर्तन नहीं होगा प्रतिरोध बोल रहा प्रतिरोधकता बोल रहा है नाट प्रतिरोध तो प्रतिरोधकता कारण क्या है प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है पदार्थ पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता और यह नेक्रोम का तार है तो जब तक तार नहीं बदलोगे तब तक प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा ना की प्रकृति पर नितेश ठीक वेरी गुड लिखो इसको यही सब तो दो दो नंबर के क्वेश्चन है एक एक दो दो नंबर के परीक्षा में आता है छूट जाता है तो नेक्रोम के तार का व्यास आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा आंसर क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा नो चेंज क्यों क्योंकि प्रतिरोधकता चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई पर नहीं करता है ओके चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका आंसर आप लोग दे दोगे इसका आंसर तो मैं समझा चुका वह वहाँ पर प्रयोग तार को लंबा क्यों लिया जाता है अभी मैं आपको इसको समझा चुका चूंकि E इक्वल टू क्या होता है K इन टू एल तो यहाँ पर जो L का वैल्यू है वो हो जाएगा E अपान के ये तो मैं बता दिया L प्रोपोर्शनल टू वन अपान के तो अधिक प्रतिरोधकता के लिए इसका मान को कम से कम होना चाहिए और इसके मान को अधिक होना चाहिए अधिक सेंसिटिविटी के लिए ये इसका कारण है इसलिए चालक इसके तार को लंबा रखते हैं ठीक है सुग्राहिता बढ़ाने के लिए नीतीश ठीक वेरी गुड चलिए तो ये तो पता है आप लोग को ये तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था मैं? हो गया फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखो पी में तांबे का तार प्रयोग तो नहीं किया जाता क्यों ऐसा यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या कारण बताओगे व्यूह माफी पर तांबे का तार उपयोग नहीं करते क्यों बताओ क्यों नहीं करते व्यूह माफी बनाने के लिए हम तांबे का तार उपयोग क्यों नहीं करते एस पी सिंह जी ठीक है आप हमसे पढ़ाई करके बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक बहुत नए काम करते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है भाई स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है बी एंड मैक बी एंड मैक दैट मींस पहले अपना निर्माण करो उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती उसके बाद फिर आपको दूसरों को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बी एंड मैक तो बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं से ज्ञान लेते हैं चाहे वो रिसोर्स कुछ भी हो हम भी वही काम कर रहे हैं हम भी जो आपको पढ़ा रहे हैं हमने भी कहीं ना कहीं से उसको पढ़ा है फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक चेन रिएक्शन की तरह चलना चाहिए इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप उन सभी लोगों को हेल्प करिए जिनको ज़रूरत है किसी भी प्रकार से खुद पढ़ा के और नहीं तो आप रिसोर्स बता के कि भाई यहाँ से पढ़ लो अच्छा होगा बहुत से नीडी बच्चे हैं बहुत से जरूरतमंद बच्चे हैं जो सिंगल रुपीस भी खर्च करने के कंडीशन में नहीं रहते पढ़ाई करने के लिए तो उन बच्चों तक एनी वे एनी वे किसी भी प्रकार से वो पहुंचना चाहिए जानकारी तो वो आप एक बहुत अच्छी बात होती ओके थैंक यू सर थैंक यू क्यों होता है भाई ये बताओ क्योंकि तांबे के तार का प्रतिरोधकता कम होता है कापर का प्रतिरोधकता यह तो गुड कंडक्टर है प्रतिरोधकता निम्न होता है अब ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से आपको 10 मीटर के तार में बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा कापर इतना गुड कंडक्टर है कि विभव मापी को शून्य विक्षेप दिखाने के लिए जो बैलेंस पॉइंट होता है वो दस मीटर के तार में नहीं मिलेगा कई सौ मीटर का तार आपको यूज करना पड़ जाएगा और बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि कापर का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है निम्न होता है कापर का प्रतिरोधकता इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट बात भी इसके ध्यान में रखना कि प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है प्रतिरोध गुणांक मतलब अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा है अधिक होता है यह इसका आंसर है तो कभी दो नंबर का आया कि विभव मापी में तांबे का तार यूज नहीं कर सकते हम क्यों तो विभव मापी में तांबे का तार प्रयुक्त इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत निम्न होता है जिसके कारण हमको उदासीन बिंदु प्राप्त करने में बहुत अधिक लंबे ताप तांबे के तार का उपयोग करना पड़ेगा ठीक है और प्रतिरोध ताप गुणांक बड़ा होता है मोनी चौरसिया वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या तार आवेशित हो जाता है यस आर नो बताओ किसी तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या तार आवेशित हो जाता है यस आर नो होता है कि नहीं होता मान लो मैं किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो वो उसमें आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं यस yes, सर होता है किसी तार में विद्युत प्रवाहित करने पर तारक चालक तार आवेशित होता है नो, no, नहीं होता है बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है नहीं होता क्यों कारण क्या है देखो मान लो अपने पास कोई चालक तार है ये मान लो एक चालक तार है ये मोटा सा तार लिया मैं चालक तार अब चालक तार में क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे निकलता है उसके जस्ट पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके जस्ट पीछे ये जो अपवाह है इसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है तो कंटिन्यूस चलने के कारण वहाँ पर क्या होता है धन आवेश उत्पन्न नहीं हो पाता हमने विद्युत के आवेशन में पढ़ा है कि जब हाँ, जो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है एक में ऋण उत्पन्न हो जाता है उसका विपरीत आवेश लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होने के कारण वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो तुरंत दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है हाँ ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर रेस्ट में रहते हैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रोक दिया जाए तो जैसे ही इस, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रोकेंगे तो इसके चारों ओर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के गति में होने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे निकलते हैं उसके पीछे में और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं जिसके कारण वहां पर अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं हो पाता और जब तक अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं होगा तो तार आवेशित नहीं हो सकता ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्थिर और स्थिर विद्युत और धारा में स्थिर विद्युत में आवेश उत्पन्न होता है लेकिन धारा विद्युत में किसी चालक तार पर यदि धारा प्रवाहित हो रहा हो तो वहां पर आवेश उत्पन्न नहीं होता वहां क्या उत्पन्न होता है पता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आगे के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसको आस्टेड ने बताया ये हम धारा के चुंबकीय प्रभाव में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार आवेशित नहीं होता नेक्स्ट <laughs> और आज का लास्ट क्वेश्चन जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है क्यों चलो भाई इसको बताओ तो मेरे को इसको आप लोग ज़्यादा जानोगे आपको मालूम है कि ठंड के दिनों में ठंड के दिनों में जब हम अपने कार के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कई बार इग्निशन देने पर गू गू करते रहता है गर्मी के दिन में इग्निशन दिया तुरंत स्टार्ट तो क्या बात है भाई ठंड के दिन में खासकर डीजल इंजन होता तो और बहुत परेशानी हो जाती है तो ठंड के दिनों में कार इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा कठिन होता है गर्मी में तुरंत स्टार्ट हो जाता है क्यों बताओ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है बैटरी से बैटरी से चालू होता है भाई इंजन बैटरी की सहायता से चालू होता है तो बैटरी से क्या होता है गर्मी के दिनों में उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है गर्मी में गर्मी लिख देता हूं गर्मी में उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर कम हो जाता है अब पूछोगे सर कम क्यों हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से अंदर में केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है आपको मालूम है केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि टेम्परेचर देने पर रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो गर्मी के दिनों में इंटरनल रजिस्टेंस कम हो जाता है और इंटरनल रजिस्टेंस कम हो जाने के कारण उसको अधिक विद्युत वाहक बल मिलता है और वह तेजी से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वी का कि वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर फार्मूला होता है विभवांतर जो होता है किसी भी सर्किट का जो विभवांतर है उसके विद्युत वाहक बल माइनस उसमें बहने वाली धारा और गुणा प्रतिरोध के बराबर होता है अब यहां पर देखो कि इसका मान जब कम होगा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ई इक्वल टू वी प्लस आई इन टू आर ये अब देखो इसका मान कम होगा या यहीं से आप समझ लो लिखने की जरूरत नहीं है इसका मान जब कम होगा इसका मान जब कम होगा तो इसमें से इस इतनी राशि कम होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा जैसे जैसे ये घटेगा वैसे जैसे बढ़ेगा तो हमको हाई पोटेंशियल का करंट मिलने लगता है जिसके कारण बैटरी जल्दी चालू हो जाता है ओके तो ये आज का हमारा क्लास रहा कंप्लीट स्पेशल कॉन्सेप्ट पर और हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास के लास्ट में स्पेशल कॉन्सेप्ट प्लस डाउट क्लियरिंग क्लास आपको कोई डाउट है उस पर आप डिस्कस करें उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो ठीक है और कोई प्रॉब्लम किसी को मैथमेटिक्स की क्लास होगी 100 परसेंट क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स की क्लास 100 परसेंट होगी उसके लिए कोई डाउट मत करो थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए कुछ व्यस्तता है कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रहा हूं आप लोग के लिए मैथ क्लास होगा भाई होगा 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 चलिए तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं और कल के क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल की तैयारी करके आप लोग थोड़ा सा खुद से भी आइए बाकी फिर हम क्लास में करते हैं ओके थैंक यू थैंक यू सो मच